გაიგე? დაან მაქსიმუმს მიდი. वेलकम बैक दी अनदर वीडियो तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ रिबेल स्टार प्रभास की मूवी कल की टू ए नाइन एट एट डी मूवी के बारे में जी हाँ सो इसकी ऑफिशियली रिलीज डेट कन्फर्म कर दी गई है और फिल्म को जो कि रिलीज़ करवाया जाने वाला है साथ ही इसकी न्यू अपडेट्स भी आ चुकी हैं और उनका ऑफिशियल ट्रेलर कब आने वाला है वो भी बताने वाला हूँ तो अगर आप सुने अभी तक वीडियो को भी लाइक नहीं किया हुआ कर दें और साथ ही अगर आप दोस्त प्रभास के डाई हार्ट फैन हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं हुआ कर दें और वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दें तो यहाँ पर दोस्तों बात कर रहा हूँ कल की टू एडिट मूवी के बारे में जो कि एक साईफाई जो कि एक्शन फिक्शनल जो कि मूवी है और यहाँ पर ये सुपर जो कि सुपर सुपर यानी कि ये फिल्म इन फ्यूचर जो कि बनाई गई डिस्टोपियन फिल्म है और ये एक एक्शन थ्रिलर वाली फिल्म है और यहाँ पर बात करें कल की मूवी की कलकी टू ए नाइन ए डी मूवी इज़ अपकमिंग ट्वेंट ट्वेंटी ट्वेंटी फोर इंडियन एपिक एक्स साई फाई फिक्शनल एक्शन थ्रिलर फिल्म रिटर्न डायरेक्टेड बाय नाग अश्विन प्रोड्यूस बाय सी अश्विन जो कि अश्विनी दत्त एंड बैनर विजंती मूवीज एंड तेलुगु फिल्म जो कि सम शूट्स इन रू शूट इन हिंदी इंस्पायर्ड बाय हिंदू स्क्रिप्ट पिक्चर्स तो यहाँ पर दोस्तों बात करें फिल्म यानी कल की टू एट नाइन एट मूवी के बारे में तो ये बहुत ही कमाल की एक्शन थ्रिलर वाली फ़िल्म है और यहाँ पर जो कि फ्यूचरिस्ट के ऊपर बनाई गई फिल्म है और यहाँ पर जो कि भैरवा को इंट्रोड्यूस करवाया जा चुका है यानी प्रभात जो है फिल्म के अंदर है ना वो काली का रोल प्ले नहीं कर चुके कर रहे यहाँ पर भैरवा का रोल प्ले करते हुए दिखाई दिए हैं और यहाँ पर जो कि हमें कमल हसन भी देखने को मिले हैं कमल हसन ने यहाँ पर काली का रोल प्ले करते हुए दिखाई दिए हैं तो यहाँ पर कुछ चीज़ों की बात करें तो जैसे आप जिसको बता दूँ यहाँ पर जो कि ट्रैक हैं नाग अश्विन स्क्रीन प्ले में भी जो कि नाग अश्विन है जो कि लिखा हुआ है और यहाँ पर बात करें डायलाग्स की तो यहाँ पर साई माधव बुरा ने डलाग्स को लिखा हुआ है और यहाँ पर जो कि स्टोरी के भी राइटर भी नाग अश्विन हैं और यहाँ पर सिमोटोग्राफी की है दि जोरदे स्टॉलेज जो, कोविक ने और यहाँ पर बात करें फिल्म की एडिट की तो यहाँ पर कोटागिरी वेंकटेश्वर नाव ने फिल्म को एडिट किया हुआ है और यहाँ पर म्यूज़िक दिया है संतोष नारायण ने और यहाँ पर प्रोडक्शन कंपनी वैजयंती मूवीज़ और फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है कंपनी ए, -ए फिल्म जहाँ सो ए, -ए फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है और फिल्म को ट्वेंटी सेवन जून टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर में फाइनली रिलीज़ करवाया जाएगा और ये फिल्म तेलुगु लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी लैंग्वेज की फिल्म है और इनको हिंदी में भी शूट किया गया है और यहाँ पर तेलुगु लैंग्वेज में भी शूट किया हुआ है तो इस फिल्म का बजट की बात करें तो यहाँ पर इस फिल्म का जो बजट वगैरह है बहुत ही बड़ा बजट है और फिल्म का बजट है छः सौ करोड़ जी हाँ तो सो छः सौ करोड़ इस फिल्म का बहुत ही बड़ा बजट है और फिल्म को ऑफियली जो कि रिलीज़ भी करवाया जाएगा और यहाँ पर इस फिल्म के अभी जो कि न्यू वीडियो भी आउट किए गए हैं जिसमें हमें जो कि बुच्ची को अनाउंस किया गया है वो जो कि एक रोबोट है उसको अनाउंस किया गया है और यहाँ पर भैरवा का लुक भी जो कि हमें दिखाया गया उनकी एक न्यू वीडियो भी आउट की गई है जो कि यहाँ पर प्रभास रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर जो कि कमल हसन की भी वीडियो आने वाली है और यहाँ पर साथ ही दोस्तों हमें जो कि अमिताभ बच्चन का भी जो कि वीडियो आ चुका था तो वीडियो के साथ साथ बता दूँ इस फिल्म के बारे में तो फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है और फिल्म को पहले रिलीज़ करवाया जाने वाला था नौ मई दो में लेकिन इस फिल्म को पोस्टपोन किया गया अब यहाँ पर इस फिल्म को फाइनल रिलीज जो है इसकी डेट है ना वो कन्फर्म कर दिया इसको ट्वेंटी सेवन जून टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर में रिलीज़ करवाया जाएगा और यहाँ पर यह फ़िल्म बहुत ही कमाल की फ़िल्म होने वाली है कास्ट की बात करें तो यहाँ पर प्रभास भैरवा के रोल प्ले करते हुए दिखाई दिए हैं और यहाँ पर जो क्या अमिताभ बच्चन अस्वत का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर कमल हसन काली का रोल प्ले करते हुए दिखाई दिए हैं और यहाँ पर दीपिका पैदा गौत पदमा का रोल प्ले करते हुए दिखाई देगी इस फिल्म यानी जो कि कल की मूवी में कल की मूवी में कास्ट जो स्पोर्टिंग रोल में आदर कास्ट जैसे डिशा पटानी या रा, है राजेंद्र प्रसाद हैं पशुपति है बेन है और यहाँ पर कीर्ति सुरेश भी हैं जो कि और भी काफ़ी सारी जो कि कास्ट वगैरह जो है फिल्म के अंदर देखने को मिल जाएगी तो ये फिल्म जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है फिल्म की डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टोपियन के साथ साथ, इस का साथ ड्रामा बहुत ही अच्छा लगेगा जो कि जो वी एफ एक्स के ऊपर काम किया गया इसके जो कि सिनेमाटोग्राफी के ऊपर काम किया गया वो हॉलीवुड मूवीज है जो कि लगता है हॉलीवुड की जैसे हम मूवीज़ देख रहे हो जैसे अभी जो कि बुच्ची का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करवाया गया था साथ ही एक न्यू जो कि व्हीकल यानी गाड़ी को इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है तो यहां पर जो कि काफी कमाल की जो कि वाइब्स आ रही थी फिल्म भी काफी इंटरेस्टिंग रहने वाली है अगर आप दोस्त प्रभास के डाई हार्ट फैन हो उनके लिए इस इन यानी जो कि कल की मूवी के लिए आपके दोस्त कितना वेट करे हो कम कर में बताना है तो यहां पर इस का जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ फिल्म काफी इंटरेस्टिंग रहने वाली है जो कि लीड कास्ट के बारे में बता चुका हूँ तो फिल्म बहुत ही कमाल की फिल्म होने वाली है जो कि सिम को जो डायरेक्ट करें नागश्मी इससे पहले वो काफ़ी कमाल की महान्यति जैसी ब्लॉक फिल्म भी बना चुके हैं तो काफ़ी कमाल के डायरेक्टर भी हैं अच्छे भी डायरेक्टर हैं और यहाँ पर इस फिल्म की बात करें तो यहाँ पर इस फिल्म की मार्केटिंग जो की जा रही है ना वभी तो जो कि बुच्ची का करेक्टर अनाउंस किया गया है साथ ही भैरवा का भी जो कि यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया जा चुका है साथ ही यहाँ पर अश्वथामा यानी अमिताभ बच्चन को भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया जा चुका है उसके बाद यहाँ पर काली का इंट्रोड्यूस होना बाकी है और यहाँ पर और भी काफ़ी सारी जो कि जैसे यहाँ पर जो कि पदमा का इंट्रोड्यूस होना भी बाकी है जो कि यहाँ दिशा जो कि दीपिका पेड़ा को रो रोल प्ले करते हुए दिखाई देंगी तो ओवरऑल फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है बहुत ही अमेजिंग फिल्म है और फिल्म के जब वी एफ एक्स है ना जो फिल्म की स्टोरी है और साथ ही फिल्म का प्रेजेंटेशन है ना वो बहुत ही माइंड ब्लोइंग होने वाला है जिस तरह से अभी तक इस फ़िल्म के ग्लिम्स वगैरह आउट किए गए हैं जिस तरह से अभी तक इस फ़िल्म के सी जी आई के ऊपर काम किया हुआ है तो हॉलीवुड की मूवीज जैसे हम देखते हैं ना वही वाइव्स आ रही हैं हॉलीवुड की तरह काफ़ी कमाल का यहाँ पर वी और यहाँ पर सी के ऊपर भी काम किया हुआ है ओवरऑल ये फिल्म बहुत ही कमाल की फिल्म होने वाली है और यहाँ पर इस फिल्म के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आप कितने एक्साइटेड हैं कन्मा में बताना है और यहाँ पर इस मूवी के बारे में बता दूँ तो इस फिल्म की जो स्टोरी रखी गई है ना वो दो जो कि अट्ठाईस अट्ठाईस सौ अट्ठावन में रखी गई है यानी फ्यूचर में हमें दिखाया जाएगी जो कि स्टोरी यहाँ पर जो कि पानी ख़त्म हो जाता है उसके बाद यहाँ पर कैसे वो यहाँ पर जो कि अपने अपने रोल प्लो यानी यहाँ पर वो कैसे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं ये सारा को दिखाया गया है और यहाँ पर कुछ जो कि फ्यूचर्स चीज़ें दिखाई जाएंगी रोबोट सारा कुछ यहाँ पर दिखाया जाने वाला है तो फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है अगर आप दोस्त प्रभास के डाई हार्ट फैन हो तो उनकी इस फिल्म यानी कल्की के लिए कितना एक्साइटेड साइड में बताना है तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है तो यहाँ पर फिल्म को बता दूँ रिलीज़ करवाया जाने वाला है ट्वेंटी जून दो में जी हाँ सो सताइस जून दो में चौबीस में इसको ऑफिशली थिएटर्स में रिलीज़ करवा दिया गया जाएगा जो कि पैन इंडिया फिल्म को हिंदी के साथ साथ बाकी लैंग्वेज में भी रिलीज़ करवाया जाएगा तो ये फिल्म जो कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज भी देखने को मिल जाएगी तो इसको काफी जो कि बड़े स्केल पर बनाया गया है और यहां पर उनको काफी बड़े जो कि स्केल पर भी रिलीज करवाया जाएगा तो यहां पर इस के अंदर मेन जो नेगेटिव रोल प्ले करें वो कमल हसन और यहां पर स्पोर्टिंग रोल में हमें देखने को मिले हैं जैसे दुलकर सलमान है यहाँ पर और भी काफ़ी सारी कास्ट है जिससे अपरानिया राणा द्रोपति है और भी काफ़ी सारी कास्ट इस फिल्म के अंदर हमें देखने को मिल जाएगी तो इस फिल्म का बजट भी बहुत ही बड़ा है जो कि इस फिल्म को 600 बजट के करोड़ के बजट में बनाया गया है और ये फिल्म हिंदी में इसम को डिस्ट्रीब्यूट करिए फिल्म और इस फिल्म को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिलने वाला है देखते हैं अगर इस फिल्म की स्टोरी में जो कि अच्छा जो कि प्रेजेंटेशन निकला तो इस फिल्म की जो कि वाइव्स अच्छी आई तो ये फिल्म बॉक्स भी डेफिनेटली दो करोड़ से भी ज़्यादा कलेक्शन करेगी

नहीं किया कर दें और साथ ही अगर आप दोस्तों प्रभास के डाई हार्ट फैन हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं हुआ कर दें और वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दें तो यहां पर दोस्तों बात कर रहा हूं कल की टू ए नाइन एडिट मूवी के बारे में जो कि एक साईफाई जो कि एक्शन फिशनल जो कि मूवी है और यहां पर ये सुपर जो कि सुपर सुपर यानी कि ये फिल्म इन फ्यूचर जो कि बनाई गई डिस्टोपियन फिल्म है और ये एक एक्शन थ्रिलर वाली फिल्म है और यहाँ पर बात करें कलकी मूवी की कल की टू नाइन ए डी मूवी इस अपकमिंग ट्वेंट ट्वेंटी ट्वेंटी फोर इंडियन एपिक एक्स फाई फिक्शनल एक्शन थ्रिलर फिल्म रिटर्न डायरेक्टेड बाय नाग अश्विन प्रोड्यूस बाय सी अश्विन जो कि अश्विनी दत्त एंड बैनर विजयती मूवीज एंड तेलुगू फिल्म जो कि सम शूट्स इन रू शूट इन हिंदी इंस्पायर्ड बाय हिंदू स्क्रिप्ट पिक्चर्स तो यहाँ पर दोस्तों बात करें फ़िल्म यानी कल की टू एट नाइन एट मूवी के बारे में तो एक बहुत ही कमाल की एक्शन थ्रिलर वाली फ़िल्म है और यहाँ पर जो कि फ्यूचरिस्ट के ऊपर बनाई गई फिल्म है और यहाँ पर जो कि भैरवा को इंट्रोड्यूस करवाया जा चुका है यानी प्रभात जो इस नहीं। नहीं है फिल्म के अंदर है ना वो काली का रोल प्ले नहीं कर चुके कर रहे यहाँ पर भैरवा का रोल प्ले करते हुए दिखाई दिए हैं और यहाँ पर जो कि हमें कमल हसन भी देखने को मिले हैं कमल हसन ने यहाँ पर काली का रोल प्ले करते हुए दिखाई दिए हैं तो यहाँ पर कुछ चीज़ों की बात करें तो जैसे आप जिसको बता दूँ यहाँ पर जो कि ट्रैक करें नाग अशविन स्क्रीन प्ले में भी जो कि नाग अशविन है जो कि लिखा हुआ है और यहाँ पर बात करें डायलाग्स की तो यहाँ पर साई माधव बुरा ने डायग्स को लिखा हुआ है और यहाँ पर जो कि स्टोरी के भी राइटर भी नाग अशविन है और यहाँ पर सीमोटोग्राफी की है दि जोरदे स्टॉलेज जो कोविक ने और यहाँ पर बात करें फिल्म के एडिट की तो यहाँ पर कोटा गिरी वेंकटेश्वर राव ने फिल्म को एडिट किया हुआ है और यहाँ पर म्यूज़िक दिया है संतोष नारायण ने और यहाँ पर प्रोडक्शन कंपनी वैजयंती मूवीज़ और फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है कंपनी ए ए फिल्म जी हाँ सो ए फिल्म इनको डिस्ट्रीब्यूट कर रही है और फिल्म को ट्वेंटी सेवन जून टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर में फाइनली रिलीज़ करवाया जाएगा और ये फिल्म तेलुगु लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी लैंग्वेज की फिल्म है और इसको हिंदी में भी शूट किया गया है और यहाँ पर तेलुगु लैंग्वेज में भी शूट किया हुआ है तो इस फिल्म का बजट की बात करें तो यहाँ पर इस फिल्म का जो बजट वगैरह है बहुत ही बड़ा बजट है और फिल्म का बजट है छः सौ करोड़ जी हाँ सो छः सौ करोड़ इस फिल्म का बहुत ही बड़ा बजट है और फिल्म को ऑफियली जो कि रिलीज़ भी करवाया जाएगा और यहाँ पर इस फिल्म के अभी जो कि न्यू वीडियो भी आउट किए गई है जिसमें हमें जो कि बुच्ची को अनाउंस किया गया है वो जो कि एक रोबोट है उसको अनाउंस किया गया है और यहाँ पर भैरवा का लुक भी जो कि हमें दिखाया गया उनकी एक न्यू वीडियो भी आउट की गई है जो कि यहाँ पर प्रभास रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर जो कि कमल हसन की भी वीडियो आने वाली है और यहाँ पर साथ ही जो हमें जो कि अमिताभ बच्चन का भी जो कि वीडियो आ चुका था तो वीडियो के साथ साथ बता दूँ इस फिल्म के बारे में तो फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है और फिल्म को पहले रिलीज़ करवाया जाने वाला था नौ मई दो में लेकिन इस फिल्म को पोस्टपोन किया गया अब यहाँ पर इस फिल्म को फाइनल रिलीज़ जो है इसकी डेट है ना वो कन्फर्म कर दिया इसको ट्वेंटी सेवन जून टू थाउजेंड ट्वेंटी में रिलीज़ करवाया जाएगा और यहाँ पर यह फिल्म बहुत ही कमाल की फ़िल्म होने वाली है कास्ट की बात करें तो यहाँ पर प्रभास भैरवा के रोल प्ले करते हुए दिखाई दिए हैं और यहाँ पर जो क्या अमिताभ बच्चन अश्वथ का रोल प्ले करें और यहाँ पर कमल हसन काली का रोल प्ले करते हुए दिखाई दिए हैं और यहाँ पर दीपिका पैदा गौत पदमा का रोल प्ले करते हुए दिखाई देगी इस फिल्म यानी जो कि कल की मूवी में कल की मूवी में कास्ट जो स्पोर्टिंग रोल में आदर कास्ट जैसे डिशा पटानी है राजेंद्र प्रसाद हैं पशुपति है अनाबेन है, है और यहाँ पर कीर्ति सुरेश भी हैं जो कि और भी काफ़ी सारी जो कि कास्ट वगैरह जो है फिल्म के अंदर देखने को मिल जाएगी तो ये फिल्म जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है फिल्म की डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टोपियन के साथ साथ इस फिल्म का ड्रामा बहुत ही अच्छा लगेगा जो, के के जो वी एफ एक्स के ऊपर काम, काम किया गया वो हॉलीवुड मूवी से जो कि लगता है हॉलीवुड की जैसे हम मूवीस देख रहे हो जैसे अभी जो कि बुच्ची का करेक्टर इंट्रोड्यूस करवाया गया था साथ ही एक न्यू जो कि वहीकल यानी गाड़ी को इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है तो यहां पर जो कि काफी कमाल की जो कि वाइब्स आ रही थी फिल्म भी काफी इंटरेस्टिंग रहने वाली है अगर आप दोस्त प्रभास के डाई फैनो उनके लिए इस यानी जो कि कल की मूवी के लिए आपके दोस्त कितना वेट करेबाक्स कर में बताना है तो यहां पर इस फिल्म का जो कि मैं पहले भी बता चुका हूं फिल्म काफी इंटरेस्टिंग रहने वाली है जो कि लीड कास्ट के बारे में बता चुका हूँ तो फिल्म बहुत ही कमाल की फिल्म होने वाली है जो कि सिम को जो डायरेक्ट करें नागमन इससे पहले वो काफ़ी कमाल की महानती जैसी ब्लॉक फिल्म भी बना चुके हैं तो काफ़ी कमाल के डायरेक्टर भी हैं अच्छे भी डायरेक्टर हैं और यहाँ पर इस फिल्म की बात करें तो यहाँ पर इस फिल्म की मार्केटिंग जो की जा रही है ना वो अभी तो जो कि बुच्ची का करैक्टर अनाउंस किया गया है साथ ही भैरवा का भी जो कि यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया जा चुका है साथ ही यहाँ पर अशवा यानी अमिताभ बच्चन को भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया जा चुका है उसके बाद यहाँ पर काली का इंट्रोड्यूस होना बाकी है और यहाँ पर और भी काफी सारी जो कि जैसे यहाँ पर जो कि पदमा का इंट्रोड्यूस होना भी बाकी है जो कि यहाँ पर दिशा जो कि दीपिका पेड़ा को रोल रो प्ले करती हुए दिखाई देंगी तो ओवरऑल फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है बहुत ही अमेजिंग फिल्म है और फिल्म के जब वी एफ एक्स है ना जो इस फिल्म की स्टोरी है और साथ ही इस फिल्म का प्रेजेंटेशन है ना वो बहुत ही माइंड ब्लोइंग होने वाला है जिस तरह से अभी तक इस फ़िल्म के गिलिम्प्स वगैरह आउट किए गए हैं जिस तरह से अभी तक इस फ़िल्म के सी जी आई के ऊपर काम किया हुआ है तो हॉलीवुड की मूवीज जैसे हम देखते हैं ना वही वाइव्स आ रही हैं हॉलीवुड की तरह काफ़ी कमाल का यहाँ पर वी और यहाँ पर सी जी आई के ऊपर भी काम किया हुआ है ओवरऑल ये फिल्म बहुत ही कमाल की फिल्म होने वाली है और यहाँ पर इस फिल्म के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आप कितने एक्साइटेड हैं कन्मा में बताना है और यहाँ पर इस मूवी के बारे में बता दूँ तो इस फिल्म की जो स्टोरी रखी गई है ना वो दो जो कि अट्ठाईस अट्ठाईस में रखी गई है यानी फ्यूचर में हमें दिखाया जाएगी जो कि स्टोरी यहाँ पर जो कि पानी ख़त्म हो जाता है उसके बाद यहाँ पर कैसे वो यहाँ पर जो कि अपने अपने रोल प्लो यानी यहाँ पर वो कैसे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं ये सारा को दिखाया गया है और यहाँ पर कुछ जो कि फ्यूचर्स चीज़ें दिखाई जाएंगी रोबोट सारा कुछ यहाँ पर दिखाया जाने वाला है तो फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है अगर आप दोस्त प्रभास के डाई हार्ट फैन हो तो उनकी इस फिल्म यानी कलकी के लिए कितना एक सैडेड कैनवास में बताना है तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है तो यहाँ पर फिल्म को बता दूँ रिलीज़ करवाया जाने वाला है ट्वेंटी जून दो में जी हाँ सो सत्ताईस जून दो में इस फिल्म को ऑफिशली थिएटर्स में रिलीज़ करवा दिया गया जाएगा जो कि पैन इंडिया फिल्म को हिंदी के साथ साथ बाकी लैंग्वेज में भी रिलीज़ करवाया जाएगा तो ये फ़िल्म जो कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज भी देखने को मिल जाएगी तो इस को काफी जो के बड़े स्केल पर बनाया गया है और यहां पर इस को काफी बड़े जो के स्केल पर भी रिलीज करवाया जाएगा तो यहां पर फिल्म के अंदर मेन जो नेगेटिव रोल प्ले करें वो कमल हसन और यहां पर स्पोर्टिंग रोल में हमें देखने को मिले हैं जैसे दुलकर सलमान है यहाँ पर और भी काफ़ी सारी कास्ट है जी अपरानिया राणा द्रगपति है और भी काफ़ी सारी कास्ट इस फिल्म के अंदर हमें देखने को मिल जाएगी तो इस फिल्म का बजट भी बहुत ही बड़ा है जो कि फ़िल्म को 600 बजट के करोड़ के बजट में बनाया गया है और ये फिल्म हिंदी में इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करिए फिल्म और इस फिल्म को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिलने वाला है देखते हैं अगर इस फिल्म की स्टोरी में जो कि अच्छा जो कि प्रेजेंटेशन निकला तो इस फिल्म की जो कि वाइव्स अच्छी आई तो ये फ़िल्म बॉक्स डेफिनेटली दो करोड़ से भी ज़्यादा कलेक्शन करेगी और यहां पर प्रभास की फिल्म यानी बाहुबली का भी रिकॉर्ड ब्रेक कर सकती है और यहां पर इस फिल्म के लिए आप कितना एंड बताना बैक दी वीडियो वीडियो तो दोस्तों आज की इस में बात करने जा रहा हूं रिबेल स्टार प्रभास की मूवी कल की टू ए, नाइन एड़ के बारे में जी हाँ फिल्म की ऑफिशियल रिलीज डेट कंफर्म कर दी गई है और फिल्म को जो कि रिलीज करवाया जाने वाला है साथ ही इस फिल्म की न्यू अपडेट्स भी आ चुकी हैं और फिल्म का ऑफिशियल ट्रेलर कब आने वाला है वो भी बताने वाला हूँ तो अगर आप सुने अभी तक वीडियो को भी लाइक नहीं कर दें और साथ ही अगर आप दोस्तों प्रभास के डाई हार्ट फैन हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं हुआ कर दें और वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दें तो यहां पर दोस्तों बात कर रहा हूं कल की टू नाइन एडिट मूवी के बारे में चूंकि एक साईफाई जो कि एक्शन फिशनल जो कि मूवी है और यहां पर ये सुपर जो कि सुपर सुपर यानी कि ये फिल्म इन फ्यूचर जो कि बनाई गई डिस्टोपियन फिल्म है और ये एक एक्शन थ्रिलर वाली फिल्म है और यहाँ पर बात करें कल की मूवी की कल की टू ए नाइन ए डी मूवीज़ अपकमिंग ट्वें ट्वेंटी ट्वेंटी फोर इंडियन एपिक एक्स साई फाई फिक्शनल एक्शन थ्रिलर फिल्म रिटर्न डायरेक्टेड बाय नाग अश्विन प्रोड्यूस बाय सी अश्विन जो कि अश्विनी दत्त एंड द बैनर विजयती मूवीज एंड तेलुगु फिल्म जो कि सम शूट्स इन रिव शूट इन in हिंदी इंस्पायर्ड बाय हिंदू स्क्रिप्ट पिक्चर्स तो यहाँ पर दोस्तों बात करें फिल्म यानी कल की टू एट नाइन एट एड मूवी के बारे में तो ये बहुत ही कमाल की एक्शन थ्रिलर वाली फ़िल्म है और यहाँ पर जो कि फ्यूचरिस्ट के ऊपर बनाई गई फिल्म है और यहाँ पर जो कि भैरवा को इंट्रोड्यूस करवाया जा चुका है यानी प्रभात जो है सीम के अंदर है ना वो काली का रोल प्ले नहीं कर चुके कर रहे यहाँ पर भैरवा का रोल प्ले करते हुए दिखाई दिए हैं और यहाँ पर जो कि हमें कमल हसन भी देखने को मिले हैं कमल हसन ने यहाँ पर काली का रोल प्ले करते हुए दिखाई दिए हैं तो यहाँ पर कुछ चीज़ों की बात करें तो जैसे आप इसको बता दूँ यहाँ पर जो कि ट्रैक करें नाग अशविन स्क्रीन प्ले में भी जो कि नाग अशविन ने जो कि लिखा हुआ है और यहाँ पर बात करें डायलाग्स की तो यहाँ पर सई माधवरापुरा ने डलाग्स को लिखा हुआ है और यहाँ पर जो कि स्टोरी के भी राइटर भी नाग अशविन है और यहाँ पर सिमोटोग्राफी की है दे स्टॉलेज कोविक ने और यहाँ पर बात करें फिल्म की एडिट की तो यहाँ पर कोटा गिरी वेंकटेश्वर राव ने इस फिल्म को एडिट किया हुआ है और यहाँ पर म्यूज़िक दिया है संतोष नारायण ने और यहाँ पर प्रोडक्शन कंपनी वैजयंती मूवीज़ और इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है कंपनी ए ए फिल्म जी हाँ सो ए फिल्म इनको डिस्ट्रीब्यूट कर रही है और फिल्म को ट्वेंटी सेवन जून टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर में फाइनली रिलीज़ करवाया जाएगा और ये फिल्म तेलुगु लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी लैंग्वेज की फिल्म है और फिल्म हिंदी में भी शूट किया गया है और यहाँ पर तेलुगु लैंग्वेज में भी शूट किया हुआ है तो इस फिल्म का बजट की बात करें तो यहाँ पर इस फिल्म का जो बजट वगैरह है बहुत ही बड़ा बजट है और फिल्म का बजट है छः सौ करोड़ जी हाँ सो छः सौ करोड़ इस फिल्म का बहुत ही बड़ा बजट है और फिल्म को ऑफियली जो कि रिलीज़ भी करवाया जाएगा और यहाँ पर इस फिल्म के अभी जो कि न्यू वीडियो भी आउट किए गए हैं जिसमें हमें जो कि बुच्ची को अनाउंस किया गया है वो जो कि एक रोबोट है उसको अनाउंस किया गया है और यहाँ पर भैरवा का लुक जो कि हमें दिखाया गया उनकी एक न्यू वीडियो भी आउट की गई है जो कि यहाँ पर प्रभास रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर जो कि कमल हसन की भी वीडियो आने वाली है और यहाँ पर साथ ही दोस्तों हमें जो कि अमिताभ बच्चन का भी जो कि वीडियो आ चुका था तो वीडियो के साथ साथ बता दूँ इस फिल्म के बारे में तो फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है और फिल्म को पहले रिलीज़ करवाया जाने वाला था नौ मई दो में लेकिन इस फिल्म को पोस्टपोन किया गया अब यहाँ पर इस फिल्म को फाइनल रिलीज़ जो है इसम की डेट है ना वो कन्फर्म कर इस फिल्म को ट्वेंटी सेवन जून टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर में रिलीज़ करवाया जाएगा और यहाँ पर यह फिल्म बहुत ही कमाल की फ़िल्म होने वाली है कास्ट की बात करें तो यहाँ पर प्रभास भैरवा के रोल प्ले करते हुए दिखाई दिए हैं और यहाँ पर जो क्या अमिताभ बच्चन अश्वत्थामा का रोल प्ले करें और यहाँ पर कमल हसन काली का रोल प्ले करते हुए दिखाई दिए हैं और यहाँ पर दीपिका पैदा गोद पदमा का रोल प्ले करते हुए दिखाई देगी इस फिल्म यानी जो कि कल की मूवी में कल की मूवी में कास्ट जो स्पोर्टिंग रोल में आदर कास्ट जैसे डिशा पटानी है राजेंद्र प्रसाद हैं पशुपति है अनाबेन है और यहाँ पर कीर्ति सुरेश भी हैं जो कि और भी काफ़ी सारी जो कि कास्ट वगैरह जो इस फिल्म के अंदर देखने को मिल जाएगी तो ये फिल्म जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है फिल्म की डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टोपियन के साथ साथ इस फिल्म का ड्रामा बहुत ही अच्छा लगेगा जो कि जो वी के ऊपर काम किया गया इसके जोफी के ऊपर के काम किया गया वो हॉलीवुड मूवी से जो के लगता है हॉलीवुड की जैसे हम मूवीज़ देख रहे हो जैसे अभी जो कि बुच्ची का करेक्टर इंट्रोड्यूस करवाया गया था साथ ही एक न्यू जो कि वहीकल यानी गाड़ी को इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है तो यहां पर जो कि काफी कमाल की जो कि वाइब्स आ रही थी फिल्म भी काफी इंटरेस्टिंग रहने वाली है अगर आप दोस्त प्रभास के डाई फैन यानी जो कि कल की मूवी के लिए आपके दोस्त कितना वेट करे कमेंट कर बॉक्स में बताना है तो यहां पर इस फिल्म का जो कि मैं पहले भी बता चुका हूं फिल्म काफी इंटरेस्टिंग रहने वाली है जो कि लीड कास्ट के बारे में बता चुका हूं तो फिल्म बहुत ही कमाल की फिल्म होने वाली है जो कि फिल्म को जो डायरेक्ट करें नागेशवन इससे पहले वो काफ़ी कमाल की महान्यति जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म भी बना चुके हैं तो काफ़ी कमाल के डायरेक्टर भी हैं अच्छे भी डायरेक्टर हैं और यहाँ पर इस फिल्म की बात करें तो यहाँ पर इस फिल्म की मार्केटिंग जो की जा रही है ना वो अभी तो जो कि बुच्ची का करेक्टर अनाउंस किया गया है साथ ही भैरवा को भी जो कि यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया जा चुका है साथ ही यहाँ पर अश्वथामा यानी अमिताभ बच्चन को भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया जा चुका है उसके बाद यहाँ पर काली का इंट्रोड्यूस होना बाकी है और यहाँ पर और भी काफी सारी जो कि जैसे यहाँ पर जो कि पदमा का इंट्रोड्यूस होना भी बाकी है जो कि यहाँ पर दिशा जो कि दीपिका पेड़ा को रो रोल प्ले करते हुए दिखाई देंगी तो ओवरऑल फिल्म काफी इंटरेस्टिंग रहने वाली है बहुत ही अमेजिंग फिल्म है और फिल्म का जब वी है ना जो इस फिल्म की स्टोरी है और साथ ही फिल्म का प्रजेंटेशन है ना वो बहुत ही माइंड ब्लोइंग होने वाला है जिस तरह से अभी तक इस फ़िल्म के ग्लिम्स वगैरह आउट किए गए हैं जिस तरह से अभी तक इस फ़िल्म के सी जी आई के ऊपर काम किया हुआ है तो हॉलीवुड की मूवीज जैसे हम देखते हैं ना वही वाइव्स आ रही हैं हॉलीवुड की तरह काफ़ी कमाल का यहाँ पर वी और यहाँ पर सी जी आई के ऊपर भी काम किया हुआ है ओवरऑल ये फिल्म बहुत ही कमाल की फिल्म होने वाली है और यहाँ पर इस फिल्म के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आप कितने एक्साइटेड हैं कन्मा में बताना है और यहाँ पर इस मूवी के बारे में बता दूँ तो इस फिल्म की जो स्टोरी रखी गई है ना वो दो जो कि अट्ठाईस अट्ठाईस सौ अट्ठावन में रखी गई है यानी फ्यूचर में हमें दिखाया जाएगी जो कि स्टोरी यहाँ पर जो कि पानी ख़त्म हो जाता है उसके बाद यहाँ पर कैसे वो यहाँ पर जो कि अपने अपने रोल प्लो यानी यहाँ पर वो कैसे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं ये सारा को दिखाया गया है और यहाँ पर कुछ जो कि फ्यूचर्स चीज़ें दिखाई जाएंगी रोबोट सारा कुछ यहाँ पर दिखाया जाने वाला है तो फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है अगर आप दोस्त प्रभास के डाई हार्ट फैन हो तो उनकी इस फिल्म यानी कल्की के लिए कितना एक साइड और में बताना है तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है तो यहाँ पर फिल्म को बता दूँ रिलीज़ करवाया जाने वाला है ट्वेंटी सेवन जून दो हज़ार चौबीस में जी हाँ सो सत्ताईस जून दो हज़ार चौबीस में को ऑफिशियली थिएटर्स में रिलीज़ करवा दिया गया जाएगा जो कि पैन इंडिया फिल्म को हिंदी के साथ साथ बाकी लैंग्वेज में भी रिलीज़ करवाया जाएगा तो ये फिल्म जो कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज भी देखने को मिल जाएगी तो इस उनको को काफी जो कि बड़े स्केल पर बनाया गया है और यहां पर इस को काफी बड़े जो कि स्केल पर भी रिलीज करवाया जाएगा तो यहां पर फिल्म के अंदर मेन जो नेगेटिव रोल प्ले करें वो कमल हसन और यहां पर स्पोर्टिंग रोल में हमें देखने को मिले हैं जैसे दुलकर सलमान है यहाँ पर और भी काफ़ी सारी कास्ट है जिससे अपरानिया राणा दुगपति है और भी काफ़ी सारी कास्ट इस के अंदर हमें देखने को मिल जाएगी तो इस इन का बजट भी बहुत ही बड़ा है जो कि इस फिल्म को 600 बजट के करोड़ के बजट में बनाया गया है और ये फिल्म हिंदी में इस इन को डिस्ट्रीब्यूट करिए फिल्म और इसको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिलने वाला है देखते हैं अगर इस फिल्म की स्टोरी में जो कि अच्छा जो कि प्रेजेंटेशन निकला तो इस फिल्म की जो कि वाइव्स अच्छी आई तो ये फ़िल्म बॉक्स डेफिनेटली दो करोड़ से भी ज़्यादा कलेक्शन करेगी और यहां पर प्रभास की फिल्म यानी बाहुबली का भी रिकॉर्ड ब्रेक कर सकती है और यहां पर इस फिल्म के लिए आप कितना एंड बताना बैक दी वीडियो तो दोस्तों आज की इस में बात करने जा रहा हूं रिपेल स्टार प्रभास की मूवी कल की टू ए, एड़ एड़ के बारे में जी हाँ सो इस की ऑफिशियली रिलीज डेट कंफर्म कर दी गई है और फिल्म को जो कि रिलीज करवाया जाने वाला है साथ ही फिल्म की न्यू अपडेट्स भी आ चुकी हैं और फिल्म का ऑफिशियल ट्रेलर कब आने वाला है वो भी बताने वाला हूं तो अगर आप सुने अभी तक वीडियो को भी लाइक नहीं कर दें और साथ ही प्रभास के डाई हार्ट फैन हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं हुआ कर दें और वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दें तो यहां पर दोस्तों बात कर रहा हूं कल की टू एडिट मूवी के बारे में जो साईफाई जो कि एक्शन फिशनल मूवी है और यहां पर ये यह सुपर जो सुपर यानी कि ये फिल्म इन फ्यूचर जो कि बनाई गई डिस्टोपियन फिल्म है और ये एक एक्शन थ्रिलर वाली फिल्म है और यहाँ पर बात करें कल की मूवी की कलकी टू ए नाइन ए डी मूवी इज़ अपकमिंग ट्वेंट ट्वेंटी ट्वेंटी फोर इंडियन एपिक एक्स साई फाई फिक्शनल एक्शन थ्रिलर फिल्म रिटर्न डायरेक्टेड बाय नाग अश्विन प्रोड्यूस बाय सी अश्विन जो कि अश्विनी दत्त एंडर द बैनर विजयती मूवीज एंड तेलुगु फिल्म जो कि सम शूट्स इन रू शूट इन हिंदी इंस्पायर्ड बाय हिंदू स्क्रिप्ट पिक्चर्स तो यहाँ पर दोस्तों बात करें फिल्म यानी कल की टू एट नाइन एट मूवी के बारे में तो ये बहुत ही कमाल की एक्शन थ्रिलर वाली फिल्म है और यहाँ पर जो कि फ्यूचरिस्ट के ऊपर बनाई गई फिल्म है और यहाँ पर जो कि भैरवा को इंट्रोड्यूस करवाया जा चुका है यानी प्रभात जो है फिल्म के अंदर है ना वो काली का रोल प्ले नहीं कर चुके कर रहे यहाँ पर भैरवा का रोल प्ले करते हुए दिखाई दिए हैं और यहाँ पर जो कि हमें कमल हसन भी देखने को मिले हैं कमल हसन ने यहाँ पर काली का रोल प्ले करते हुए दिखाई दिए हैं तो यहाँ पर कुछ चीज़ों की बात करें तो जैसे आप जिसको बता दूँ यहाँ पर जो कि ट्रैक करें नाग अश्विन स्क्रीन प्ले में भी जो कि नाग अश्विन है जो कि लिखा हुआ है और यहाँ पर बात करें डायलाग्स की तो यहाँ पर साई माधव बुरा ने डलाग्स को लिखा हुआ है और यहाँ पर जो कि स्टोरी के भी राइटर भी नाग अश्विन हैं और यहाँ पर सिमोटोग्राफी की है दि जोरदे स्टॉलेज जो, कोविक ने और यहाँ पर बात करें फिल्म की एडिट की तो यहाँ पर कोटागिरी वेंकटेश्वर नाव ने फिल्म को एडिट किया हुआ है और यहाँ पर म्यूज़िक दिया है संतोष नारायण ने और यहाँ पर प्रोडक्शन कंपनी वैजयंती मूवीज़ और फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है कंपनी ए, -ए फिल्म जहाँ सो ए, -ए फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है और फिल्म को ट्वेंटी सेवन जून टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर में फाइनली रिलीज़ करवाया जाएगा और ये फिल्म तेलुगु लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी लैंग्वेज की फिल्म है और इनको हिंदी में भी शूट किया गया है और यहाँ पर तेलुगु लैंग्वेज में भी शूट किया हुआ है तो इस फिल्म का बजट की बात करें तो यहाँ पर इस फिल्म का जो बजट वगैरह है बहुत ही बड़ा बजट है और फिल्म का बजट है छः सौ करोड़ जी हाँ सो छः सौ करोड़ इस फिल्म का बहुत ही बड़ा बजट है और इसको को जो कि रिलीज़ भी करवाया जाएगा और यहाँ पर इस फिल्म के अभी जो कि न्यू वीडियो भी आउट किए गए हैं जिसमें हमें जो कि बुच्ची को अनाउंस किया गया है वो जो कि एक रोबोट है उसको अनाउंस किया गया है और यहाँ पर भैरवा का लुक भी जो कि हमें दिखाया गया उनकी एक न्यू वीडियो भी आउट की गई है जो कि यहाँ पर प्रभास रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर जो कि कमल हसन की भी वीडियो आने वाली है और यहाँ पर साथ ही दोस्तों हमें जो कि अमिताभ बच्चन का भी जो कि वीडियो आ चुका था तो वीडियो के साथ साथ बता दूँ इस फिल्म के बारे में तो फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है और फिल्म को पहले रिलीज़ करवाया जाने वाला था नौ मई दो में लेकिन इस फिल्म को पोस्टपोन किया गया अब यहाँ पर इस फिल्म को फाइनल रिलीज़ जो है इसकी डेट है ना वो कन्फर्म कर दिया इसको ट्वेंटी सेवन जून टू थाउजेंड ट्वेंटी में रिलीज़ करवाया जाएगा और यहाँ पर यह फ़िल्म बहुत ही कमाल की फ़िल्म होने वाली है कास्ट की बात करें तो यहाँ पर प्रभास भैरवा के रोल प्ले करते हुए दिखाई दिए हैं और यहाँ पर जो क्या अमिताभ बच्चन अश्वत्थामा का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर कमल हसन काली का रोल प्ले करते हुए दिखाई दिए हैं और यहाँ पर दीपिका पैदा गौत पदमा का रोल प्ले करते हुए दिखाई देगी इस फिल्म यानी जो कि कल की मूवी में कल की मूवी में कास्ट जो स्पोर्टिंग रोल में आदर कास्ट जैसे डिशा पटानी है राजेंद्र प्रसाद हैं पशुपति है बेन है और यहाँ पर कीर्ति सुरेश भी हैं जो कि और भी काफ़ी सारी जो कि कास्ट वगैरह जो है फिल्म के अंदर देखने को मिल जाएगी तो ये फिल्म जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है फिल्म की डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टोपियन के साथ साथ साइफाई ड्रामा बहुत ही अच्छा लगेगा जो कि जो वी एफ एक्स के ऊपर काम किया गया इसके जो कि सीनेमाटोग्राफी के ऊपर काम किया गया वो हॉलीवुड मूवीस है जो कि लगता है हॉलीवुड की जैसे हम मूवीज़ देख रहे हैं जैसे अभी जो कि बुच्ची का करेक्टर इंट्रोड्यूस करवाया गया था साथ ही एक न्यू जो कि व्हीकल यानी गाड़ी को इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है तो यहां पर जो कि काफी कमाल की जो कि वाइब्स आ रही थी फिल्म भी काफी इंटरेस्टिंग रहने वाली है अगर आप दोस्त प्रभास के डाई हार्ट फैन हो उनके लिए इस फिल्म यानी जो कि कल की मूवी के लिए आपके दोस्त कितना वेट करे कंटबॉक्स कर में बताना है तो यहां पर इस का जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ फिल्म काफी इंटरेस्टिंग रहने वाली है जो कि लीड कास्ट के बारे में बता चुका हूँ तो फिल्म बहुत ही कमाल की फिल्म होने वाली है जो कि सिम को जो डायरेक्ट करें नागश्मी इससे पहले वो काफ़ी कमाल की महान्यति जैसी ब्लॉक फिल्म भी बना चुके हैं तो काफ़ी कमाल के डायरेक्टर भी हैं अच्छे भी डायरेक्टर हैं और यहाँ पर इस फिल्म की बात करें तो यहाँ पर इस फिल्म की मार्केटिंग जो की जा रही है ना वो अभी तो जो कि बुच्ची का करैक्टर अनाउंस किया गया है साथ ही भैरवा का भी जो कि यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया जा चुका है साथ ही यहाँ पर अश्वथामा यानी अमिताभ बच्चन को भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया जा चुका है उसके बाद यहाँ पर काली का इंट्रोड्यूस होना बाकी है और यहाँ पर और भी काफी सारी जो कि जैसे यहाँ पर जो कि पदमा का इंट्रोड्यूस होना भी बाकी है जो कि यहाँ पर दिशा जो कि दीपिका पेड़ा को रो रोल प्ले करते हुए दिखाई देंगी तो ओवरऑल फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है बहुत ही अमेजिंग फिल्म है और फिल्म के जब वी एफ एक्स है ना जो फिल्म की स्टोरी है और साथ ही फिल्म का प्रेजेंटेशन है ना वो बहुत ही माइंड ब्लोइंग होने वाला है जिस तरह से अभी तक इस फ़िल्म के ग्लिम्स वगैरह आउट किए गए हैं जिस तरह से अभी तक इस फ़िल्म के सी जी आई के ऊपर काम किया हुआ है तो हॉलीवुड की मूवीज़ जैसे हम देखते हैं ना वही वाइव्स आ रही हैं हॉलीवुड की तरह काफ़ी कमाल का यहाँ पर वी और यहाँ पर सी जी आई के ऊपर भी काम किया हुआ है ओवरऑल ये फिल्म बहुत ही कमाल की फिल्म होने वाली है और यहाँ पर इस फिल्म के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आप कितने एक्साइटेड हैं कन्मा में बताना है और यहाँ पर इस मूवी के बारे में बता दूँ तो इस फिल्म की जो स्टोरी रखी गई है ना वो दो जो कि अट्ठाईस अट्ठाईस सौ अट्ठावन में रखी गई है यानी फ्यूचर में हमें दिखाया जाएगी जो कि स्टोरी यहाँ पर जो कि पानी ख़त्म हो जाता है उसके बाद यहाँ पर कैसे वो यहाँ पर जो कि अपने अपने रोल प्लो यानी यहाँ पर वो कैसे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं ये सारा को दिखाया गया है और यहाँ पर कुछ जो कि फ्यूचर्स चीज़ें दिखाई जाएंगी रोबोट सारा कुछ यहाँ पर दिखाया जाने वाला है तो फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है अगर आप दोस्त प्रभास के डाई हार्ट फैन हो तो उनकी इस फिल्म यानी कल्की के लिए कितना एक्साइटेड साइड और कैनवास में बताना है तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है तो यहाँ पर फिल्म को बता दूँ रिलीज़ करवाया जाने वाला है ट्वेंटी जून दो में जी हाँ सो सताइस जून दो में चौबीस में इसको ऑफिशली थिएटर्स में रिलीज़ करवा दिया गया जाएगा जो कि पैन इंडिया फिल्म को हिंदी के साथ साथ बाकी लैंग्वेज में भी रिलीज़ करवाया जाएगा तो ये फिल्म जो कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज में भी देखने को मिल जाएगी तो इस को काफी जो कि बड़े स्केल पर बनाया गया है और यहां पर सिम को काफी बड़े जो कि स्केल पर भी रिलीज करवाया जाएगा तो यहां पर सिम के अंदर मेन जो नेगेटिव रोल प्ले करें वो कमल हसन और यहां पर स्पोर्टिंग रोल में हमें देखने को मिले हैं जैसे दुलकर सलमान है यहाँ पर और भी काफ़ी सारी कास्ट है जिससे अपरानिया राणा दुगपति है और भी काफ़ी सारी कास्ट इस इन के अंदर हमें देखने को मिल जाएगी तो इस इम का बजट भी बहुत ही बड़ा है जो कि फिल्म को 600 बजट के करोड़ के बजट में बनाया गया है और ये फिल्म हिंदी में इसम को डिस्ट्रीब्यूट करिए फिल्म और इसम को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिलने वाला है देखते हैं अगर इस फिल्म की स्टोरी में जो कि अच्छा जो कि प्रेजेंटेशन निकला तो इसम की जो कि वाइव्स अच्छी आई तो ये फिल्म बॉक्स डेफिनेटली दो करोड़ से भी ज़्यादा कलेक्शन करेगी और यहाँ पर प्रभास की फिल्म यानी बाहुबली का भी रिकॉर्ड ब्रेक कर सकती है और यहां पर इस फिल्म के लिए आप कितना एंड बताना बैक दी वीडियो वीडियो तो दोस्तों आज की इस में बात करने जा रहा हूँ रिपेल स्टार प्रभास की मूवी कल की टू ए के बारे में जी हाँ सो इस की ऑफिशियल रिलीज डेट कंफर्म कर दी गई है और फिल्म को जो कि रिलीज करवाया जाने वाला है साथ ही न्यू अपडेट्स भी आ चुकी हैं और इस का ऑफिशियल ट्रेलर कब आने वाला है वो भी बताने वाला हूं तो अगर आप सुने अभी तक वीडियो को भी लाइक नहीं किया और साथ ही अगर आप दोस्तों प्रभास के डाई हार्ट फैन हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं हुआ कर दें और वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दें तो यहां पर दोस्तों बात कर रहा हूं कल की टू ए नाइन एडिट मूवी के बारे में जो कि एक साईफाई जो कि एक्शन फिशनल जो कि मूवी है और यहां पर यह सुपर जो कि सुपर सुपर यानी कि ये फिल्म इन फ्यूचर जो कि बनाई गई डिस्टोपियन फिल्म है और ये एक एक्शन थ्रिलर वाली फिल्म है और यहाँ पर बात करें कलकी मूवी की कल की टू नाइन ए डी मूवी इस अपकमिंग ट्वेंट ट्वेंटी ट्वेंटी फोर इंडियन एपिक एक्स फाई फिक्शनल एक्शन थ्रिलर फिल्म रिटर्न डायरेक्टेड बाय नाग अश्विन प्रोड्यूस बाय सी अश्विन जो कि अश्विनी दत्त एंड बैनर विजयती मूवीज एंड तेलगू फिल्म जो कि सम शूट्स इन रू शूट इन हिंदी इंस्पायर्ड बाय हिंदू स्क्रिप्ट पिक्चर्स तो यहाँ पर दोस्तों बात करें फ़िल्म यानी कल की टू एट नाइन एट मूवी के बारे में तो एक बहुत ही कमाल की एक्शन थ्रिलर वाली फ़िल्म है और यहाँ पर जो कि फ्यूचरिस्ट के ऊपर बनाई गई फिल्म है और यहाँ पर जो कि भैरवा को इंट्रोड्यूस करवाया जा चुका है यानी प्रभास जो इस फिल्म के अंदर है ना वो काली का रोल प्ले नहीं कर चुके कर रहे यहाँ पर भैरवा का रोल प्ले करते हुए दिखाई दिए हैं और यहाँ पर जो कि हमें कमल हसन भी देखने को मिले हैं कमल हसन ने यहाँ पर काली का रोल प्ले करते हुए दिखाई दिए हैं तो यहाँ पर कुछ चीज़ों की बात करें तो जैसे आप इसको बता दूँ यहाँ पर जो कि ट्रैक करें नाग अशविन स्क्रीन प्ले में भी जो कि नाग अशविन है जो कि लिखा हुआ है और यहाँ पर बात करें डायलाग्स की तो यहाँ पर साई माधव बुरा ने डलाग्स को लिखा हुआ है और यहाँ पर जो कि स्टोरी के भी राइटर भी नाग अशविन है और यहाँ पर सैनोटोग्राफी की है द जोरदे स्टॉल जो कोविक ने और यहाँ पर बात करें फिल्म के एडिट की तो यहाँ पर कोटा कोटागिरी वेंकटेश्वर राव ने फिल्म को एडिट किया हुआ है और यहाँ पर म्यूज़िक दिया है संतोष नारायण ने और यहाँ पर प्रोडक्शन कंपनी वैजयती मूवीज़ और फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है कंपनी ए फिल्म जहाँ सो ए फिल्म इनको डिस्ट्रीब्यूट कर रही है और इसको को ट्वेंटी सेवन जून टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर में फाइनली रिलीज़ करवाया जाएगा और ये फिल्म तेलुगु लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी लैंग्वेज की फिल्म है और इसको हिंदी में भी शूट किया गया है और यहाँ पर तेलुगु लैंग्वेज में भी शूट किया हुआ है तो इस फिल्म का बजट की बात करें तो यहाँ पर इस फिल्म का जो बजट वगैरह है बहुत ही बड़ा बजट है और फिल्म का बजट है छः सौ करोड़ जी हाँ सो छः सौ करोड़ इस फिल्म का बहुत ही बड़ा बजट है और फिल्म को ऑफियली जो कि रिलीज़ भी करवाया जाएगा और यहाँ पर इस फिल्म के अभी जो कि न्यू वीडियो भी आउट किए गई है जिसमें हमें जो कि बुच्ची को अनाउंस किया गया है वो जो कि एक रोबोट है उसको अनाउंस किया गया है और यहाँ पर भैरवा का लुक जो कि हमें दिखाया गया उनकी एक न्यू वीडियो भी आउट की गई है जो कि यहाँ पर प्रभास रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर जो कि कमल हसन की भी वीडियो आने वाली है और यहाँ पर साथ ही दो हमें जो कि अमिताभ बच्चन का भी जो कि वीडियो आ चुका था तो वीडियो के साथ साथ बता दूँ इस फिल्म के बारे में तो फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है और फिल्म को पहले रिलीज़ करवाया जाने वाला था नौ मई दो में लेकिन इस फिल्म को पोस्टपोन किया गया अब यहाँ पर इस फिल्म को फाइनल रिलीज जो है इस फिल्म की डेट है ना वो कन्फर्म कर दिया फिल्म को ट्वेंटी जून टू में रिलीज़ करवाया जाएगा और यहाँ पर यह फिल्म बहुत ही कमाल की फ़िल्म होने वाली है कास्ट की बात करें तो यहाँ पर प्रभास भैरवा के रोल प्ले करते हुए दिखाई दिए हैं और यहाँ पर जो क्या अमिताभ बच्चन अश्वथ का रोल प्ले करें और यहाँ पर कमल हसन काली का रोल प्ले करते हुए दिखाई दिए हैं और यहाँ पर दीपिका पैदा गौत पदमा का रोल प्ले करते हुए दिखाई देगी सिल्म यानी जो कि कल की मूवी में कल की मूवी में कास्ट जो स्पोर्टिंग रोल में आदर कास्ट जैसे डिशा पटानी है राजेंद्र प्रसाद हैं पशुपति है अनाबेन है और यहाँ पर कीर्ति सुरेश भी हैं जो कि और भी काफ़ी सारी जो कि कास्ट वगैरह जो है फिल्म के अंदर देखने को मिल जाएगी तो ये फिल्म जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है फिल्म की डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टोपियन के साथ साथ इस फिल्म का ड्रामा बहुत ही अच्छा लगेगा जो कि के के जो वी एफ एक्स के ऊपर काम, काम किया गया वो हॉलीवुड मूवी से जो कि लगता है हॉलीवुड की जैसे हम मूवीस देख रहे हो जैसे अभी जो कि बुच्ची का करेक्टर इंट्रोड्यूस करवाया गया था साथ ही एक न्यू जो कि वहीकल यानी गाड़ी को इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है तो यहां पर जो कि काफी कमाल की जो कि वाइब्स आ रही थी फिल्म भी काफी इंटरेस्टिंग रहने वाली है अगर आप दोस्त प्रभास के डाई फैनों उनके लिए इस यानी जो कि कल की मूवी के लिए आपके दोस्त कितना वेट करेबाक्स कर में बताना है तो यहां पर इस फिल्म का जो कि मैं पहले भी बता चुका हूं फिल्म काफी इंटरेस्टिंग रहने वाली है जो कि लीड कास्ट के बारे में बता चुका हूँ तो फिल्म बहुत ही कमाल की फिल्म होने वाली है जो कि सिम को जो डायरेक्ट करें नागमन इससे पहले वो काफ़ी कमाल की महानती जैसी ब्लॉक फिल्म भी बना चुके हैं तो काफ़ी कमाल के डायरेक्टर भी हैं अच्छे भी डायरेक्टर हैं और यहाँ पर इस फिल्म की बात करें तो यहाँ पर इस फिल्म की मार्केटिंग जो की जा रही है ना वो अभी तो जो कि बुच्ची का करैक्टर अनाउंस किया गया है साथ ही भैरवा का भी जो कि यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया जा चुका है साथ ही यहाँ पर अश्वथामा यानी अमिताभ बच्चन को भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया जा चुका है उसके बाद यहाँ पर काली का इंट्रोड्यूस होना बाकी है और यहाँ पर और भी काफी सारी जो कि जैसे यहाँ पर जो कि पदमा का इंट्रोड्यूस होना भी बाकी है जो कि यहाँ पर दिशा जो कि दीपिका पेड़ा को रोल प्ले करती हुए दिखाई देंगी तो ओवरऑल फिल्म काफी इंटरेस्टिंग रहने वाली है बहुत ही अमेजिंग फिल्म है और फिल्म के जब वी एफ एक्स है ना जो इस फिल्म की स्टोरी है और साथ ही फिल्म का प्रेजेंटेशन है ना वो बहुत ही माइंड ब्लोइंग होने वाला है जिस तरह से अभी तक इस फ़िल्म के गिलिम्प्स वगैरह आउट किए गए हैं जिस तरह से अभी तक इस फ़िल्म के सी जी आई के ऊपर काम किया हुआ है तो हॉलीवुड की मूवीज जैसे हम देखते हैं ना वही वाइव्स आ रही हैं हॉलीवुड की तरह काफ़ी कमाल का यहाँ पर वी और यहाँ पर सी जी आई के ऊपर भी काम किया हुआ है ओवरऑल ये फिल्म बहुत ही कमाल की फिल्म होने वाली है और यहाँ पर इस फिल्म के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आप कितने एक्साइटेड हैं कन्मा में बताना है और यहाँ पर इस मूवी के बारे में बता दूँ तो इस फिल्म की जो स्टोरी रखी गई है ना वो दो जो कि अट्ठाईस अट्ठाईस में रखी गई है यानी फ्यूचर में हमें दिखाया जाएगी जो कि स्टोरी यहाँ पर जो कि पानी ख़त्म हो जाता है उसके बाद यहाँ पर कैसे वो यहाँ पर जो कि अपने अपने रोल प्लो यानी यहाँ पर वो कैसे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं ये सारा को दिखाया गया है और यहाँ पर कुछ जो कि फ्यूचर्स चीज़ें दिखाई जाएंगी रोबोट सारा कुछ यहाँ पर दिखाया जाने वाला है तो फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है अगर आप दोस्त प्रभास के डाई हार्ट फैन हो तो उनकी इस फिल्म यानी कलकी के लिए कितना एक सैडेड कैनवास में बताना है तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है तो यहाँ पर फिल्म को बता दूँ रिलीज़ करवाया जाने वाला है ट्वेंटी जून दो में जी हाँ सो सत्ताईस जून दो में इस फिल्म को ऑफिशली थिएटर्स में रिलीज़ करवा दिया गया जाएगा जो कि पैन इंडिया फिल्म को हिंदी के साथ साथ बाकी लैंग्वेज में भी रिलीज़ करवाया जाएगा तो ये फ़िल्म जो कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज भी देखने को मिल जाएगी तो इस को काफी जो के बड़े स्केल पर बनाया गया है और यहां पर इस को काफी बड़े जो के स्केल पर भी रिलीज करवाया जाएगा तो यहां पर फिल्म के अंदर मेन जो नेगेटिव रोल प्ले करें वो कमल हसन और यहां पर स्पोर्टिंग रोल में हमें देखने को मिले हैं जैसे दुलकर सलमान है यहाँ पर और भी काफ़ी सारी कास्ट है जी अपरानिया राणा द्रगपति है और भी काफ़ी सारी कास्ट इस फिल्म के अंदर हमें देखने को मिल जाएगी तो इस फिल्म का बजट भी बहुत ही बड़ा है जो कि फ़िल्म को 600 बजट के करोड़ के बजट में बनाया गया है और ये फिल्म हिंदी में इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करिए फिल्म और इस फिल्म को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिलने वाला है देखते हैं अगर इस फिल्म की स्टोरी में जो कि अच्छा जो कि प्रेजेंटेशन निकला तो इस फिल्म की जो कि वाइव्स अच्छी आई तो ये फ़िल्म बॉक्स डेफिनेटली दो करोड़ से भी ज़्यादा कलेक्शन करेगी और यहाँ पर प्रभास की फिल्म यानी बाहुबली का भी रिकॉर्ड ब्रेक कर सकती है और यहां पर इस फिल्म के लिए आप कितना कर, बताने ना। तो के बारे में जी हाँ सो इस की ऑफिशियल रिलीज डेट कंफर्म कर दी गई है और फिल्म को जो कि रिलीज करवाया जाने वाला है साथ ही न्यू अपडेट्स भी आ चुकी हैं और फिल्म का ऑफिशियल ट्रेलर कब आने वाला है वो भी बताने वाला हूँ तो अगर आप सुने अभी तक वीडियो को भी लाइक नहीं कर दें और साथ ही अगर आप दोस्तों प्रभास के डाई हार्ट फैन हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं हुआ कर दें और वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दें तो यहां पर दोस्तों बात कर रहा हूं कल की टू एडिट मूवी के बारे में जो कि एक साईफाई जो कि एक्शन फिशनल जो कि मूवी है और यहां पर ये सुपर जो कि सुपर सुपर यानी कि ये फिल्म इन फ्यूचर जो कि बनाई गई डिस्टोपियन फिल्म है और ये एक एक्शन थ्रिलर वाली फिल्म है और यहाँ पर बात करें कल की मूवी की कल की टू ए नाइन ए डी मूवीज अपकमिंग ट्वें ट्वेंटी ट्वेंटी फोर इंडियन एपिक एक्स साई फाई फिक्शनल एक्शन थ्रिलर फिल्म रिटर्न डायरेक्टेड बाय नाग अश्विन प्रोड्यूस बाय सी अश्विन जो कि अश्विनी दत्त एंड द बैनर विजयती मूवीज एंड तेलगु फिल्म जो कि सम शूट्स इन रिव शूट इन हिंदी इंस्पायर्ड बाय हिंदू स्क्रिप्ट पिक्चर्स तो यहाँ पर दोस्तों बात करें फिल्म यानी कल की टू एट नाइन एट एडी मूवी के बारे में तो ये एक बहुत ही कमाल की एक्शन थ्रिलर वाली फिल्म है और यहाँ पर जो कि फ्यूचरिस्ट के ऊपर बनाई गई फिल्म है और यहाँ पर जो कि भैरवा को इंट्रोड्यूस करवाया जा चुका है यानी प्रभात जो है सीम के अंदर है ना वो काली का रोल प्ले नहीं कर चुके कर रहे यहाँ पर भैरवा का रोल प्ले करते हुए दिखाई दिए हैं और यहाँ पर जो कि हमें कमल हसन भी देखने को मिले हैं कमल हसन ने यहाँ पर काली का रोल प्ले करते हुए दिखाई दिए हैं तो यहाँ पर कुछ चीज़ों की बात करें तो जैसे आप इसको बता दूँ यहाँ पर जो कि ट्रैक करें नाग अशविन स्क्रीन प्ले में भी जो कि नाग अशविन ने जो कि लिखा हुआ है और यहाँ पर बात करें डायलाग्स की तो यहाँ पर साई माधवरापुरा ने डलाग्स को लिखा हुआ है और यहाँ पर जो कि स्टोरी के भी राइटर भी नाग अशविन है और यहाँ पर सिनेमोटोग्राफी की है दे स्टॉलेज कोविक ने और यहाँ पर बात करें फिल्म की एडिट की तो यहाँ पर कोटा गिरी वेंकटेश्वर राव ने इस फिल्म को एडिट किया हुआ है और यहाँ पर म्यूज़िक दिया है संतोष नारायण ने और यहाँ पर प्रोडक्शन कंपनी वैजयंती मूवीज़ और फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है कंपनी ए ए फिल्म जी हाँ सो ए, -ए फिल्म इनको डिस्ट्रीब्यूट कर रही है और फिल्म को ट्वेंटी सेवन जून टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर में फाइनली रिलीज़ करवाया जाएगा और ये फिल्म तेलुगु लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी लैंग्वेज की फिल्म है और इसको हिंदी में भी शूट किया गया है और यहाँ पर तेलुगु लैंग्वेज में भी शूट किया हुआ है तो इस फिल्म का बजट की बात करें तो यहाँ पर इस फिल्म का जो बजट वगैरह है बहुत ही बड़ा बजट है और फिल्म का बजट है छः सौ करोड़ जी हाँ सो छः सौ करोड़ इस फिल्म का बहुत ही बड़ा बजट है और फिल्म को ऑफियली जो कि रिलीज़ भी करवाया जाएगा और यहाँ पर इस फिल्म के अभी जो कि न्यू वीडियो भी आउट किए गई है जिसमें हमें जो कि बुच्ची को अनाउंस किया गया है वो जो कि एक रोबोट है उसको अनाउंस किया गया है और यहाँ पर भैरवा का लुक जो कि हमें दिखाया गया उनकी एक न्यू वीडियो भी आउट की गई है जो कि यहाँ पर प्रभास रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर जो कि कमल हसन की भी वीडियो आने वाली है और यहाँ पर साथ ही दोस्तों हमें जो कि अमिताभ बच्चन का भी जो कि वीडियो आ चुका था तो वीडियो के साथ साथ बता दूँ इस फिल्म के बारे में तो फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है और फिल्म को पहले रिलीज़ करवाया जाने वाला था नौ मई दो में लेकिन इस फिल्म को पोस्टपोन किया गया अब यहाँ पर इस फिल्म को फाइनल रिलीज़ जो है इसकी डेट है ना वो कन्फर्म कर दी है फिल्म को ट्वेंटी जून टू में रिलीज़ करवाया जाएगा और यहाँ पर यह फिल्म बहुत ही कमाल की फ़िल्म होने वाली है कास्ट की बात करें तो यहाँ पर प्रभास भैरवा के रोल प्ले करते हुए दिखाई दिए हैं और यहाँ पर जो क्या अमिताभ बच्चन अश्वत्थामा का रोल प्ले करें और यहाँ पर कमल हसन काली का रोल प्ले करते हुए दिखाई दिए हैं और यहाँ पर दीपिका पैदा गोद पदमा का रोल प्ले करते हुए दिखाई देगी इस फिल्म यानी जो कि कल की मूवी में कल की मूवी में कास्ट जो स्पोर्टिंग रोल में आदर कास्ट जैसे डिशा पटानी है राजेंद्र प्रसाद हैं पशुपति है अनाबेन है और यहाँ पर कीर्ति सुरेश भी हैं जो कि और भी काफ़ी सारी जो कि कास्ट वगैरह जो इस फिल्म के अंदर देखने को मिल जाएगी तो ये फिल्म जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है फिल्म की डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टोपियन के साथ साथ इस फिल्म का ड्रामा बहुत ही अच्छा लगेगा जो कि जो वी के ऊपर काम किया गया इसके जो कि जोफी के ऊपर काम किया गया वो हॉलीवुड मूवीस जो कि लगता है हॉलीवुड की जैसे हम मूवीज़ देख रहे हो जैसे अभी जो कि बुच्ची का करेक्टर इंट्रोड्यूस करवाया गया था साथ ही एक न्यू जो कि वहीकल यानी गाड़ी को इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है तो यहां पर जो कि काफी कमाल की करु� जो कि वाइब्स आ रही थी फिल्म भी काफी इंटरेस्टिंग रहने वाली है अगर आप दोस्त प्रभास के डाई फैन यानी जो कि कल की मूवी के लिए आपके दोस्त कितना वेट करे कमेंट कर बॉक्स में बताना है तो यहां पर इस का जो कि मैं पहले भी बता चुका हूं फिल्म काफी इंटरेस्टिंग रहने वाली है जो कि लीड कास्ट के बारे में बता चुका हूं तो फिल्म बहुत ही कमाल की फिल्म होने वाली है जो कि फिल्म को जो डायरेक्ट करें नागेशवन इससे पहले वो काफ़ी कमाल की महान्यति जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म भी बना चुके हैं तो काफ़ी कमाल के डायरेक्टर भी हैं अच्छे भी डायरेक्टर हैं और यहाँ पर इस फिल्म की बात करें तो यहाँ पर इस फिल्म की मार्केटिंग जो की जा रही है ना वो अभी तो जो कि बुच्ची का करेक्टर अनाउंस किया गया है साथ ही भैरवा को भी जो कि यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया जा चुका है साथ ही यहाँ पर अथवा यानी अमिताभ बच्चन को भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया जा चुका है उसके बाद यहाँ पर काली का इंट्रोड्यूस होना बाकी है और यहाँ पर और भी काफ़ी सारी जो कि जैसे यहाँ पर जो कि पदमा का इंट्रोड्यूस होना भी बाकी है जो कि यहाँ पर दिशा जो कि दीपिका पेबड़ा को रो रोल प्ले करते हुए दिखाई देंगी तो ओवरऑल फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है बहुत ही अमेजिंग फिल्म है और के जब वी है ना जो फिल्म की स्टोरी है और साथ ही फिल्म का प्रजेंटेशन है ना वो बहुत ही माइंड ब्लोइंग होने वाला है जिस तरह से अभी तक इस फ़िल्म के ग्लिम्स वगैरह आउट किए गए हैं जिस तरह से अभी तक इस फ़िल्म के सी जी आई के ऊपर काम किया हुआ है तो हॉलीवुड की मूवीज जैसे हम देखते हैं ना वही वाइव्स आ रही हैं हॉलीवुड की तरह काफ़ी कमाल का यहाँ पर वी और यहाँ पर सी जी आई के ऊपर भी काम किया हुआ है ओवरऑल ये फिल्म बहुत ही कमाल की फिल्म होने वाली है और यहाँ पर इस फिल्म के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आप कितने एक्साइटेड हैं कन्मा में बताना है और यहाँ पर इस मूवी के बारे में बता दूँ तो इस फिल्म की जो स्टोरी रखी गई है ना वो दो जो कि अट्ठाईस अट्ठाईस में रखी गई है यानी फ्यूचर में हमें दिखाया जाएगी जो कि स्टोरी यहाँ पर जो कि पानी ख़त्म हो जाता है उसके बाद यहाँ पर कैसे वो यहाँ पर जो कि अपने अपने रोल प्लो यानी यहाँ पर वो कैसे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं ये सारा को दिखाया गया है और यहाँ पर कुछ जो कि फ्यूचर्स चीज़ें दिखाई जाएंगी रोबोट सारा कुछ यहाँ पर दिखाया जाने वाला है तो फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है अगर आप दोस्त प्रभास के डाई हार्ट फैन हो तो उनकी इस फिल्म यानी कल की के लिए कितना एक साइड और में बताना है तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है तो यहाँ पर फिल्म को बता दूँ रिलीज़ करवाया जाने वाला है ट्वेंटी जून दो में जी हाँ सो सत्ताईस जून दो में इस फिल्म को ऑफिशली थिएटर्स में रिलीज़ करवा दिया गया जाएगा जो कि पैन इंडिया फिल्म को हिंदी के साथ साथ बाकी लैंग्वेज में भी रिलीज़ करवाया जाएगा तो ये फिल्म जो कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज भी देखने को मिल जाएगी तो इस उनको को काफी जो कि बड़े स्केल पर बनाया गया है और यहाँ पर इसमें को काफी बड़े जो कि स्केल पर भी रिलीज करवाया जाएगा तो यहां पर इसमें के अंदर मेन जो नेगेटिव रोल प्ले करें वो कमल हसन और यहाँ पर स्पोर्टिंग रोल में हमें देखने को मिले हैं जैसे दुलकर सलमान है यहाँ पर और भी काफ़ी सारी कास्ट है जिससे अपटानिया राणा दुगपति है और भी काफ़ी सारी कास्ट इस के अंदर हमें देखने को मिल जाएगी तो इस इम का बजट भी बहुत ही बड़ा है जो कि इसको को 600 बजट के करोड़ के बजट में बनाया गया है और ये फिल्म हिंदी में इस इनको डिस्ट्रीब्यूट करिए फिल्म और इसको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिलने वाला है देखते हैं अगर इस फिल्म की स्टोरी में जो कि अच्छा जो कि प्रेजेंटेशन निकला तो इस फिल्म की जो कि वाइव्स अच्छी आई तो ये फ़िल्म बॉक्स डेफिनेटली दो करोड़ से भी ज़्यादा कलेक्शन करेगी और यहां पर प्रभास की फिल्म यानी बाहुबली का भी रिकॉर्ड ब्रेक कर सकती है और यहां पर इस फिल्म के लिए आप कितना एंड बैक दी वीडियो तो दोस्तों आज की इस में बात करने जा रहा हूं रिपेल स्टार प्रभास की मूवी कल की टू ए, एड़ एड़ के बारे में जी हाँ सो इस की ऑफिशियल रिलीज डेट कंफर्म कर दी गई है और फिल्म को जो कि रिलीज करवाया जाने वाला है साथ ही फिल्म की न्यू अपडेट्स भी आ चुकी हैं और फिल्म का ऑफिशियल ट्रेलर कब आने वाला है वो भी बताने वाला हूं तो अगर आप सुने अभी तक वीडियो को भी लाइक नहीं कर दें और साथ ही अगर आप प्रभास के डाई हार्ट फैन हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं हुआ कर दें और वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दें तो यहां पर दोस्तों बात कर रहा हूं कल की टू एडिट मूवी के बारे में जो कि एक साईफाई जो कि एक्शन फिशनल मूवी है और यहां पर सुपर सुपर यानी कि ये फिल्म इन फ्यूचर जो कि बनाई गई डिस्टोपियन फिल्म है और ये एक एक्शन थ्रिलर वाली फिल्म है और यहाँ पर बात करें कल की मूवी की कलकी टू ए नाइन ए डी मूवी इज़ अपकमिंग ट्वेंट ट्वेंटी ट्वेंटी फोर इंडियन एपिक एक्स साइफाई फ़िक्शनल एक्शन थ्रिलर फिल्म रिटर्न डायरेक्टेड बाय नाग अश्विन प्रोड्यूस बाय सी अश्विन जो कि अश्विनी दत्त एंड द बैनर विजयती मूवीज एंड तेलुगु फिल्म जो कि सम शूट्स इन रू शूट इन हिंदी इंस्पायर्ड बाय हिंदू स्क्रिप्ट पिक्चर्स तो यहाँ पर दोस्तों बात करें फिल्म यानी कल की टू एट नाइन एट मूवी के बारे में तो ये बहुत ही कमाल की एक्शन थ्रिलर वाली फिल्म है और यहाँ पर जो कि फ्यूचरिस्ट के ऊपर बनाई गई फिल्म है और यहाँ पर जो कि भैरवा को इंट्रोड्यूस करवाया जा चुका है यानी प्रभात जो है फिल्म के अंदर है ना वो काली का रोल प्ले नहीं कर चुके कर रहे यहाँ पर भैरवा का रोल प्ले करते हुए दिखाई दिए हैं और यहाँ पर जो कि हमें कमल हसन भी देखने को मिले हैं कमल हसन ने यहाँ पर काली का रोल प्ले करते हुए दिखाई दिए हैं तो यहाँ पर कुछ चीज़ों की बात करें तो जैसे आप जिसको बता दूँ यहाँ पर जो कि ट्रैक करें नाग अश्विन स्क्रीन प्ले में भी जो कि नाग अश्विन है जो कि लिखा हुआ है और यहाँ पर बात करें डायलाग्स की तो यहाँ पर साई माधव बुरा ने डलाग्स को लिखा हुआ है और यहाँ पर जो कि स्टोरी के भी राइटर भी नाग अश्विन हैं और यहाँ पर सिनेमेटोग्राफी की है दि जोरदे स्टॉलेज जो, कोविक ने और यहाँ पर बात करें फिल्म की एडिट की तो यहाँ पर कोटागिरी वेंकटेश्वर नाव ने फिल्म को एडिट किया हुआ है और यहाँ पर म्यूज़िक दिया है संतोष नारायण ने और यहाँ पर प्रोडक्शन कंपनी वैजयती मूवीज़ और फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है कंपनी ए फिल्म जहाँ सो ए फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है और फिल्म को ट्वेंटी सेवन जून टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर में फाइनली रिलीज़ करवाया जाएगा और ये फिल्म तेलुगु लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी लैंग्वेज की फिल्म है और इनको हिंदी में भी शूट किया गया है और यहाँ पर तेलुगु लैंग्वेज में भी शूट किया हुआ है तो इस फिल्म का बजट की बात करें तो यहाँ पर इस फिल्म का जो बजट वगैरह है बहुत ही बड़ा बजट है और फिल्म का बजट है छः सौ करोड़ जी हाँ सो छः सौ करोड़ इस फिल्म का बहुत ही बड़ा बजट है और इसको को जो कि रिलीज़ भी करवाया जाएगा और यहाँ पर इस फिल्म के अभी जो कि न्यू वीडियो भी आउट किए गए हैं जिसमें हमें जो कि बुच्ची को अनाउंस किया गया है वो जो कि एक रोबोट है उसको अनाउंस किया गया है और यहाँ पर भैरवा का लुक भी जो कि हमें दिखाया गया उनकी एक न्यू वीडियो भी आउट की गई है जो कि यहाँ पर प्रभास रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर जो कि कमल हसन की भी वीडियो आने वाली है और यहाँ पर साथ ही दोस्तों हमें जो कि अमिताभ बच्चन का भी जो कि वीडियो आ चुका था तो वीडियो के साथ साथ बता दूँ इस फिल्म के बारे में तो फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है और फिल्म को पहले रिलीज़ करवाया जाने वाला था नौ मई दो में लेकिन इस फिल्म को पोस्टपोन किया गया अब यहाँ पर इस फिल्म को फाइनल रिलीज़ जो है इसकी डेट है ना वो कन्फर्म कर दिया इसको ट्वेंटी सेवन जून टू थाउजेंड ट्वेंटी में रिलीज़ करवाया जाएगा और यहाँ पर यह फ़िल्म बहुत ही कमाल की फ़िल्म होने वाली है कास्ट की बात करें तो यहाँ पर प्रभास भैरवा के रोल प्ले करते हुए दिखाई दिए हैं और यहाँ पर जो क्या अमिताभ बच्चन अश्वत्थामा का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर कमल हसन काली का रोल प्ले करते हुए दिखाई दिए हैं और यहाँ पर दीपिका पैदा गौत पदमा का रोल प्ले करते हुए दिखाई देगी फिल्म यानी जो कि कल की मूवी में कल की मूवी में कास्ट जो स्पोर्टिंग रोल में आदर कास्ट जैसे डिशा पटानी है राजेंद्र प्रसाद हैं पशुपति है बेन है और यहाँ पर कीर्ति सुरेश भी हैं जो कि और भी काफ़ी सारी जो कि कास्ट वगैरह जो है फिल्म के अंदर देखने को मिल जाएगी तो ये फिल्म जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है फिल्म की डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टोपियन के साथ साथ साइफाई ड्रामा बहुत ही अच्छा लगेगा जो कि जो वी एफ एक्स के ऊपर काम, काम किया गया वो हॉलीवुड मूवीस जो के लगता है हॉलीवुड की जैसे हम मूवीज़ देख रहे हैं जैसे अभी जो कि बुच्ची का करेक्टर इंट्रोड्यूस करवाया गया था साथ ही एक न्यू जो कि व्हीकल यानी गाड़ी को इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है तो यहां पर जो कि काफी कमाल की जो कि वाइब्स आ रही थी फिल्म भी काफी इंटरेस्टिंग रहने वाली है अगर आप दोस्त प्रभास के डाई फैन यानी जो कि कल की मूवी के लिए आपके दोस्त कितना वेट करे कमेंट कर बॉस में बताना है तो यहां पर इस सिम का जो कि मैं पहले भी बता चुका हूं फिल्म काफी इंटरेस्टिंग रहने वाली है जो कि लीड कास्ट के बारे में बता चुका हूँ तो फिल्म बहुत ही कमाल की फिल्म होने वाली है जो कि सिम को जो डायरेक्ट करें नागेश्वन इससे पहले वो काफ़ी कमाल की महान्यति जैसी ब्लॉक फिल्म भी बना चुके हैं तो काफ़ी कमाल के डायरेक्टर भी हैं अच्छे भी डायरेक्टर हैं और यहाँ पर इस फिल्म की बात करें तो यहाँ पर इस फिल्म की मार्केटिंग जो की जा रही है ना वभी तो जो कि बुच्ची का करेक्टर अनाउंस किया गया है साथ ही भैरवा का भी जो कि यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया जा चुका है साथ ही यहाँ पर अश्वथामा यानी अमिताभ बच्चन को भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया जा चुका है उसके बाद यहाँ पर काली का इंट्रोड्यूस होना बाकी है और यहाँ पर और भी काफी सारी जो कि जैसे यहाँ पर जो कि पदमा का इंट्रोड्यूस होना भी बाकी है जो कि यहाँ पर दिशा जो कि दीपिका पेडा को रो रोल प्ले करते हुए दिखाई देंगी तो ओवरऑल फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है बहुत ही अमेजिंग फिल्म है और के जब वी एफ एक्स है ना जो फिल्म की स्टोरी है और साथ ही फिल्म का प्रेजेंटेशन है ना वो बहुत ही माइंड ब्लोइंग होने वाला है जिस तरह से अभी तक इस फिल्म के ग्लिम्स वगैरह आउट किए गए हैं जिस तरह से अभी तक इस फ़िल्म के सी जी आई के ऊपर काम किया हुआ है तो हॉलीवुड की मूवीज जैसे हम देखते हैं ना वही वाइव्स आ रही हैं हॉलीवुड की तरह काफ़ी कमाल का यहाँ पर वी और यहाँ पर सी जी आई के ऊपर भी काम किया हुआ है ओवरऑल ये फिल्म बहुत ही कमाल की फिल्म होने वाली है और यहाँ पर इस फिल्म के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आप कितने एक्साइटेड हैं कन्वा में बताना है और यहाँ पर इस मूवी के बारे में बता दूँ तो इस फिल्म की जो स्टोरी रखी गई है ना वो दो जो कि अट्ठाईस अट्ठाईस में रखी गई है यानी फ्यूचर में हमें दिखाया जाएगी जो कि स्टोरी यहाँ पर जो कि पानी ख़त्म हो जाता है उसके बाद यहाँ पर कैसे वो यहाँ पर जो कि अपने अपने रोल प्लो यानी यहाँ पर वो कैसे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं ये सारा को दिखाया गया है और यहाँ पर कुछ जो कि फ्यूचर्स चीज़ें दिखाई जाएंगी रोबोट सारा कुछ यहाँ पर दिखाया जाने वाला है तो फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है अगर आप दोस्त प्रभास के डाई हार्ट फैन हो तो उनकी इस फिल्म यानी कलकी के लिए कितना एक्साइटेड साइड और में बताना है तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है तो यहाँ पर फिल्म को बता दूँ रिलीज़ करवाया जाने वाला है ट्वेंटी जून दो में जी हाँ सो सत्ताईस जून दो में इस फिल्म को ऑफिशली थिएटर्स में रिलीज़ करवा दिया गया जाएगा जो कि पैन इंडिया फिल्म को हिंदी के साथ साथ बाकी लैंग्वेज में भी रिलीज़ करवाया जाएगा तो ये फिल्म जो कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज में भी देखने को मिल जाएगी तो इस को काफी जो कि बड़े स्केल पर बनाया गया है और यहां पर इस को काफी बड़े जो के स्केल पर भी रिलीज करवाया जाएगा तो यहां पर सिम के अंदर मेन जो नेगेटिव रोल प्ले करें हैं वो कमल हसन और यहां पर स्पोर्टिंग रोल में हमें देखने को मिले हैं जैसे दुलकर सलमान है यहाँ पर और भी काफ़ी सारी कास्ट है जिससे अपरानिया राणा दुगपति है और भी काफ़ी सारी कास्ट इस इन के अंदर हमें देखने को मिल जाएगी तो इस फिल्म का बजट भी बहुत ही बड़ा है जो कि फिल्म को 600 बजट के करोड़ के बजट में बनाया गया है और ये फिल्म हिंदी में इसम को डिस्ट्रीब्यूट करिए फिल्म और इसम को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिलने वाला है देखते हैं अगर इस फिल्म की स्टोरी में जो कि अच्छा जो कि प्रेजेंटेशन निकला तो इसम की जो कि वाइव्स अच्छी आई तो ये फिल्म बॉक्स डेफिनेटली दो करोड़ से भी ज़्यादा कलेक्शन करेगी और यहां पर प्रभास की फिल्म यानी बाहुबली का भी रिकॉर्ड ब्रेक कर सकती है और यहां पर इस फिल्म के लिए आप कितना एंड बताना बैक दी वीडियो वीडियो तो दोस्तों आज की इस में बात करने जा रहा हूँ रिपेल स्टार प्रभास की मूवी कल की टू ए के बारे में जी हाँ सो इस की ऑफिशियली रिलीज डेट कंफर्म कर दी गई है और फिल्म को जो कि रिलीज करवाया जाने वाला है साथ ही इस फिल्म की न्यू अपडेट्स भी आ चुकी हैं और सिम का ऑफिशियल ट्रेलर कब आने वाला है वो भी बताने वाला हूं तो अगर आप सुने अभी तक वीडियो को भी लाइक नहीं किया कर दें और साथ ही अगर आप दोस्तों प्रभास के डाई हार्ट फैन हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं हुआ कर दें और वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दें तो यहां पर दोस्तों बात कर रहा हूं कल की टू ए नाइन एडिट मूवी के बारे में जो कि एक साईफाई जो कि एक्शन फिशनल जो कि मूवी है और यहां पर यह सुपर जो कि सुपर सुपर यानी कि ये फिल्म इन फ्यूचर जो कि बनाई गई डिस्टोपियन फिल्म है और ये एक एक्शन थ्रिलर वाली फिल्म है और यहाँ पर बात करें कलकी मूवी की कल की टू ए नाइन ए डी मूवीज़ अपकमिंग ट्वें ट्वेंटी ट्वेंटी फोर इंडियन एपिक एक्स फाई फिक्शनल एक्शन थ्रिलर फिल्म रिटर्न डायरेक्टेड बाय नाग अश्विन प्रोड्यूस बाय सी अश्विन जो कि अश्विनी दत्त एंड द बैनर विजयती मूवीज एंड तेलुगु फिल्म जो कि सम शूट्स इन रू शूट इन हिंदी इंस्पायर्ड बाय हिंदू स्क्रिप्ट पिक्चर्स तो यहाँ पर दोस्तों बात करें फ़िल्म यानी कल की टू एट नाइन एट मूवी के बारे में तो एक बहुत ही कमाल की एक्शन थ्रिलर वाली फिल्म है और यहाँ पर जो कि फ्यूचरिस्ट के ऊपर बनाई गई फिल्म है और यहाँ पर जो कि भैरवा को इंट्रोड्यूस करवाया जा चुका है यानी प्रभात जो है फिल्म के अंदर है ना वो काली का रोल प्ले नहीं कर चुके कर रहे यहाँ पर भैरवा का रोल प्ले करते हुए दिखाई दिए हैं और यहाँ पर जो कि हमें कमल हसन भी देखने को मिले हैं कमल हसन ने यहाँ पर काली का रोल प्ले करते हुए दिखाई दिए हैं तो यहाँ पर कुछ चीज़ों की बात करें तो जैसे आप इसको बता दूँ यहाँ पर जो कि ट्रैक हैं नाग अशविन स्क्रीन प्ले में भी जो कि नाग अशविन ने जो कि लिखा हुआ है और यहाँ पर बात करें डायलाग्स की तो यहाँ पर साई माधव बुरा ने डलाग्स को लिखा हुआ है और यहाँ पर जो कि स्टोरी के भी राइटर भी नाग अशविन है और यहाँ पर सीमोटोग्राफी की है द जॉर्ज स्टॉल जो कोविक ने और यहाँ पर बात करें फिल्म के एडिट की तो यहाँ पर कोटा कोटागिरी वेंकटेश्वर राव ने फिल्म को एडिट किया हुआ है और यहाँ पर म्यूज़िक दिया है संतोष नारायण ने और यहाँ पर प्रोडक्शन कंपनी वैजयती मूवीज़ और फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है कंपनी ए, -ए फिल्म जहाँ सो ए, -ए फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है और इसको को ट्वेंटी सेवन जून टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर में फाइनली रिलीज़ करवाया जाएगा और ये फिल्म तेलुगु लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी लैंग्वेज की फिल्म है और इसको हिंदी में भी शूट किया गया है और यहाँ पर तेलुगु लैंग्वेज में भी शूट किया हुआ है तो इस फिल्म का बजट की बात करें तो यहाँ पर इस फिल्म का जो बजट वगैरह है बहुत ही बड़ा बजट है और फिल्म का बजट है छः सौ करोड़ जी हाँ सो छः सौ करोड़ इस फिल्म का बहुत ही बड़ा बजट है और फिल्म को ऑफियली जो कि रिलीज़ भी करवाया जा जाएगा और यहाँ पर इस फिल्म के अभी जो कि न्यू वीडियो भी आउट किए गई है जिसमें हमें जो कि बुच्ची को अनाउंस किया गया है वो जो कि एक रोबोट है उसको अनाउंस किया गया है और यहाँ पर भैरवा का लुक जो कि हमें दिखाया गया उनकी एक न्यू वीडियो भी आउट की गई है जो कि यहाँ पर प्रभास रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर जो कि कमल हसन की भी वीडियो आने वाली है और यहाँ पर साथ ही जो हमें जो कि अमिताभ बच्चन का भी जो कि वीडियो आ चुका था तो वीडियो के साथ साथ बता दूँ इस फिल्म के बारे में तो फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है और फिल्म को पहले रिलीज़ करवाया जाने वाला था नौ मई दो में लेकिन इस फिल्म को पोस्टपोन किया गया अब यहाँ पर इस फिल्म को फाइनल रिलीज जो है इस फिल्म की डेट है ना वो कन्फर्म कर दिया फिल्म को ट्वेंटी जून टू में रिलीज़ करवाया जाएगा और यहाँ पर यह फ़िल्म बहुत ही कमाल की फ़िल्म होने वाली है कास्ट की बात का करें तो यहाँ पर प्रभास भैरवा के रोल प्ले करते हुए दिखाई दिए हैं और यहाँ पर जो क्या अमिताभ बच्चन अश्वथ का रोल प्ले करें और यहाँ पर कमल हसन काली का रोल प्ले करते हुए दिखाई दिए हैं और यहाँ पर दीपिका पैदा गोद पदमा का रोल प्ले करते हुए दिखाई देगी सिल्म यानी जो कि कल की मूवी में कल की मूवी में कास्ट जो स्पोर्टिंग रोल में आदर कास्ट जैसे डिशा पटानी है राजेंद्र प्रसाद हैं पशुपति है अनाबेन है और यहाँ पर कीर्ति सुरेश भी हैं जो कि और भी काफ़ी सारी जो कि कास्ट वगैरह जो है फिल्म के अंदर देखने को मिल जाएगी तो ये फिल्म जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है फिल्म की डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टोपियन के साथ साथ इस फिल्म का ड्रामा बहुत ही अच्छा लगेगा जो कि जो वी एफ एक्स के ऊपर काम, काम किया गया वो हॉलीवुड मूवी से जो कि लगता है हॉलीवुड की जैसे हम मूवीज़ देख रहे हो जैसे अभी जो कि बुच्ची का करेक्टर इंट्रोड्यूस करवाया गया था साथ ही एक न्यू जो कि वहीकल यानी गाड़ी को इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है तो यहां पर जो कि काफी कमाल की जो कि वाइब्स आ रही थी फिल्म भी काफी इंटरेस्टिंग रहने वाली है अगर आप दोस्त प्रभास के डाई फैनो उनके लिए इस यानी जो कि कल की मूवी के लिए आपके दोस्त कितना वेट बॉक्स में बताना है तो यहां पर इस फिल्म का जो कि मैं पहले भी बता चुका हूं फिल्म काफी इंटरेस्टिंग रहने वाली है जो कि लीड कास्ट के बारे में बता चुका हूँ तो फिल्म बहुत ही कमाल की फिल्म होने वाली है जो कि सिम को जो डायरेक्ट करें नागमन इससे पहले वो काफ़ी कमाल की महान्यति जैसी ब्लॉक फिल्म भी बना चुके हैं तो काफ़ी कमाल के डायरेक्टर भी हैं अच्छे भी डायरेक्टर हैं और यहाँ पर इस फिल्म की बात करें तो यहाँ पर इस फिल्म की मार्केटिंग जो की जा रही है ना वो अभी तो जो कि बुच्ची का करैक्टर अनाउंस किया गया है साथ ही भैरवा का भी जो कि यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया जा चुका है साथ ही यहाँ पर अशवा यानी अमिताभ बच्चन को भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया जा चुका है उसके बाद यहाँ पर काली का इंट्रोड्यूस होना बाकी है और यहाँ पर और भी काफ़ी सारी जो कि जैसे यहाँ पर जो कि पदमा का इंट्रोड्यूस होना भी बाकी है जो कि यहाँ पर दिशा जो कि दीपिका पेड़ा को रोल रो प्ले करते हुए दिखाई देंगी तो ओवरऑल फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है बहुत ही अमेजिंग फिल्म है और फिल्म के जब वी एफ एक्स है ना जो इस फिल्म की स्टोरी है और साथ ही इस फिल्म का प्रेजेंटेशन है ना वो बहुत ही माइंड ब्लोइंग होने वाला है जिस तरह से अभी तक इस फ़िल्म के गिलिम्प्स वगैरह आउट किए गए हैं जिस तरह से अभी तक इस फ़िल्म के सी जी आई के ऊपर काम किया हुआ है तो हॉलीवुड की मूवीज जैसे हम देखते हैं ना वही वाइव्स आ रही हैं हॉलीवुड की तरह काफ़ी कमाल का यहाँ पर वी और यहाँ पर सी जी आई के ऊपर भी काम किया हुआ है ओवरऑल ये फिल्म बहुत ही कमाल की फिल्म होने वाली है और यहाँ पर इस फिल्म के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आप कितने एक्साइटेड हैं कन्मा में बताना है और यहाँ पर इस मूवी के बारे में बता दूँ तो इस फिल्म की जो स्टोरी रखी गई है ना वो दो जो कि अट्ठाईस अट्ठाईस में रखी गई है यानी फ्यूचर में हमें दिखाया जाएगी जो कि स्टोरी यहाँ पर जो कि पानी ख़त्म हो जाता है उसके बाद यहाँ पर कैसे वो यहाँ पर जो कि अपने अपने रोल प्लो यानी यहाँ पर वो कैसे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं ये सारा को दिखाया गया है और यहाँ पर कुछ जो कि फ्यूचर्स चीज़ें दिखाई जाएंगी रोबोट सारा कुछ यहाँ पर दिखाया जाने वाला है तो फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है अगर आप दोस्त प्रभास के डाई हार्ट फैन हो तो उनकी इस फिल्म यानी कलकी के लिए कितना एक्साइडेड कैनवास में बताना है तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है तो यहाँ पर फिल्म को बता दूँ रिलीज़ करवाया जाने वाला है ट्वेंटी जून दो में जी हाँ सो सत्ताईस जून दो में इस फिल्म को ऑफिशली थिएटर्स में रिलीज़ करवा दिया गया जाएगा जो कि पैन इंडिया फिल्म को हिंदी के साथ साथ बाकी लैंग्वेज में भी रिलीज़ करवाया जाएगा तो ये फ़िल्म जो कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज भी देखने को मिल जाएगी तो इस को काफी जो के बड़े स्केल पर बनाया गया है और यहां पर इस को काफी बड़े जो के स्केल पर भी रिलीज करवाया जाएगा तो यहां पर फिल्म के अंदर मेन जो नेगेटिव रोल प्ले करें वो कमल हसन और यहां पर स्पोर्टिंग रोल में हमें देखने को मिले हैं जैसे दुलकर सलमान हैं यहाँ पर और भी काफ़ी सारी कास्ट है जी अपरानिया राणा द्रुपपति है और भी काफ़ी सारी कास्ट इस फिल्म के अंदर हमें देखने को मिल जाएगी तो इस फिल्म का बजट भी बहुत ही बड़ा है जो कि फिल्म को 600 बजट के करोड़ के बजट में बनाया गया है और ये फिल्म हिंदी में इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करिए फिल्म और इस फिल्म को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिलने वाला है देखते हैं अगर इस फिल्म की स्टोरी में जो कि अच्छा जो कि प्रेजेंटेशन निकला तो इस फिल्म की जो कि वाइव्स अच्छी आई तो ये फ़िल्म बॉक्स डेफिनेटली दो करोड़ से भी ज़्यादा कलेक्शन करेगी और यहां पर प्रभास की फिल्म यानी बाहुबली का भी रिकॉर्ड ब्रेक कर सकती है और यहाँ पर इस फिल्म के लिए आप कितना एंड बताना बैक दी वीडियो वीडियो तो दोस्तों आज की इस में बात करने जा रहा हूं रिबेल स्टार प्रभास की मूवी कल की टू ए, एड़ के बारे में जी हाँ सो इस की ऑफिशियल रिलीज डेट कंफर्म कर दी गई है और फिल्म को जो कि रिलीज करवाया जाने वाला है साथ ही इस फिल्म की न्यू अपडेट्स भी आ चुकी हैं और फिल्म का ऑफिशियल ट्रेलर कब आने वाला है वो भी बताने वाला हूँ तो अगर आप सुने अभी तक वीडियो को भी लाइक नहीं कर दें और साथ ही अगर आप दोस्तों प्रभास के डाई हार्ट फैन हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं हुआ कर दें और वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दें तो यहां पर दोस्तों बात कर रहा हूं कल की टू एडिट मूवी के बारे में जो कि एक साईफाई जो कि एक्शन फिशनल जो कि मूवी है और यहां पर यह सुपर जो कि सुपर सुपर यानी कि ये फिल्म इन फ्यूचर जो कि बनाई गई डिस्टोपियन फिल्म है और ये एक एक्शन थ्रिलर वाली फिल्म है और यहाँ पर बात करें कल की मूवी की कल की टू ए नाइन ए डी मूवीज अपकमिंग ट्वें ट्वेंटी ट्वेंटी फोर इंडियन एपिक एक्स साई फाई फिक्शनल एक्शन थ्रिलर फिल्म रिटर्न डायरेक्टेड बाय नाग अश्विन प्रोड्यूस बाय सी अश्विन जो कि अश्विनी दत्त एंड द बैनर विजयती मूवीज एंड तेलगु फिल्म जो कि सम शूट्स इन रिव शूट इन हिंदी इंस्पायर्ड बाय हिंदू स्क्रिप्ट पिक्चर्स तो यहाँ पर दोस्तों बात करें फिल्म यानी कल की टू एट नाइन एट एड मूवी के बारे में तो ये बहुत ही कमाल की एक्शन थ्रिलर वाली फ़िल्म है और यहाँ पर जो कि फ्यूचरिस्ट के ऊपर बनाई गई फिल्म है और यहाँ पर जो कि भैरवा को इंट्रोड्यूस करवाया जा चुका है यानी प्रभात जो है सीम के अंदर है ना वो काली का रोल प्ले नहीं कर चुके कर रहे यहाँ पर भैरवा का रोल प्ले करते हुए दिखाई दिए हैं और यहाँ पर जो कि हमें कमल हसन भी देखने को मिले हैं कमल हसन ने यहाँ पर काली का रोल प्ले करते हुए दिखाई दिए हैं तो यहाँ पर कुछ चीज़ों की बात करें तो जैसे आप इसको बता दूँ यहाँ पर जो कि ट्रैक करें नाग अशविन स्क्रीन प्ले में भी जो कि नागविन है जो कि लिखा हुआ है और यहाँ पर बात करें डायलाग्स की तो यहाँ पर सई माधवरापुरा ने डलाग्स को लिखा हुआ है और यहाँ पर जो कि स्टोरी के भी राइटर भी नाग अशविन है और यहाँ पर सिनेमोटोग्राफी की है दे स्टॉलेज कोविक ने और यहाँ पर बात करें फिल्म की एडिट की तो यहाँ पर कोटा गिरी वेंकटेश्वर राव ने इस फिल्म को एडिट किया हुआ है और यहाँ पर म्यूज़िक दिया है संतोष नारायण ने और यहाँ पर प्रोडक्शन कंपनी वैजयती मूवीज़ और फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है कंपनी ए ए फिल्म जी हाँ सो ए, -ए फिल्म इनको डिस्ट्रीब्यूट कर रही है और फिल्म को ट्वेंटी सेवन जून टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर में फाइनली रिलीज़ करवाया जाएगा और ये फिल्म तेलुगु लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी लैंग्वेज की फिल्म है और उनको हिंदी में भी शूट किया गया है और यहाँ पर तेलुगु लैंग्वेज में भी शूट किया हुआ है तो इस फिल्म का बजट की बात करें तो यहाँ पर इस फिल्म का जो बजट वगैरह है बहुत ही बड़ा बजट है और फिल्म का बजट है छः सौ करोड़ जी हाँ सो छः सौ करोड़ इस फिल्म का बहुत ही बड़ा बजट है और फिल्म को ऑफियली जो कि रिलीज भी करवाया जाएगा और यहाँ पर इस फिल्म के अभी जो कि न्यू वीडियो भी आउट किए गई है जिसमें हमें जो कि बुच्ची को अनाउंस किया गया है वो जो कि एक रोबोट है उसको अनाउंस किया गया है और यहाँ पर भैरवा का लुक जो कि हमें दिखाया गया उनकी एक न्यू वीडियो भी आउट की गई है जो कि यहाँ पर प्रभास रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर जो कि कमल हसन की भी वीडियो आने वाली है और यहाँ पर साथ ही दोस्तों हमें जो कि अमिताभ बच्चन का भी जो कि वीडियो आ चुका था तो वीडियो के साथ साथ बता दूँ इस फिल्म के बारे में तो फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है और फिल्म को पहले रिलीज़ करवाया जाने वाला था नौ मई दो में लेकिन इस फिल्म को पोस्टपोन किया गया अब यहाँ पर इस फिल्म को फाइनल रिलीज़ जो है इसकी डेट है ना वो कन्फर्म कर दी है इसको ट्वेंटी सेवन जून टू में रिलीज़ करवाया जाएगा और यहाँ पर यह फिल्म बहुत ही कमाल की फ़िल्म होने वाली है कास्ट की बात करें तो यहाँ पर प्रभास भैरवा के रोल प्ले करते हुए दिखाई दिए हैं और यहाँ पर जो क्या अमिताभ बच्चन अश्वत्थामा का रोल प्ले करें और यहाँ पर कमल हसन काली का रोल प्ले करते हुए दिखाई दिए हैं और यहाँ पर दीपिका पैदा गोद पदमा का रोल प्ले करते हुए दिखाई देगी इस फिल्म यानी जो कि कल की मूवी में कल की मूवी में कास्ट जो स्पोर्टिंग रोल में आदर कास्ट जैसे डिशा पटानी है राजेंद्र प्रसाद हैं पशुपति है, है अनाबेन है और यहाँ पर कीर्ति सुरेश भी हैं जो कि और भी काफ़ी सारी जो कि कास्ट वगैरह जो इस फिल्म के अंदर देखने को मिल जाएगी तो ये फिल्म जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है फिल्म की डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टोपियन के साथ साथ इस फिल्म का ड्रामा बहुत ही अच्छा लगेगा जो कि जो वी के ऊपर काम किया गया इसके जो कि के ऊपर काम किया गया वो हॉलीवुड मूवीस जो कि लगता है हॉलीवुड की जैसे हम मूवीस देख रहे हो जैसे अभी जो कि बुच्ची का करेक्टर इंट्रोड्यूस करवाया गया था साथ ही एक न्यू जो कि वहीकल यानी गाड़ी को इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है तो यहां पर जो कि काफी कमाल की जो कि वाइब्स आ रही थी फिल्म भी काफी इंटरेस्टिंग रहने वाली है अगर आप दोस्त प्रभास के डाई फैन हो उनके लिए इस यानी जो कि कल की मूवी के लिए आपके दोस्त कितना वेट करे कमेंट कर बॉक्स में बताना है तो यहां पर इस का जो कि मैं पहले भी बता चुका हूं फिल्म काफी इंटरेस्टिंग रहने वाली है जो कि लीड कास्ट के बारे में बता चुका हूं तो फिल्म बहुत ही कमाल की फिल्म होने वाली है जो कि फिल्म को जो डायरेक्ट करें नागेशवन इससे पहले वो काफ़ी कमाल की महान्य जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म भी बना चुके हैं तो काफ़ी कमाल के डायरेक्टर भी हैं अच्छे भी डायरेक्टर हैं और यहाँ पर इस फिल्म की बात करें तो यहाँ पर इस फिल्म की मार्केटिंग जो की जा रही है ना वभी दो जो कि बुच्ची का करेक्टर अनाउंस किया गया है साथ ही भैरवा का भी जो कि यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया जा चुका है साथ ही यहाँ पर अश्वथामा यानी अमिताभ बच्चन को भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया जा चुका है उसके बाद यहाँ पर काली का इंट्रोड्यूस होना बाकी है और यहां पर और भी काफी सारी जो कि जैसे यहाँ पर जो कि पदमा का इंट्रोड्यूस होना भी बाकी है जो कि यहाँ पर दिशा जो कि दीपिका पेड़ा को रोल रो प्ले करते हुए दिखाई देंगी तो ओवरऑल फिल्म काफी इंटरेस्टिंग रहने वाली है बहुत ही अमेजिंग फिल्म है और फिल्म के जब वी है ना जो इस फिल्म की स्टोरी है और साथ ही फिल्म का प्रजेंटेशन है ना वो बहुत ही माइंड ब्लोइंग होने वाला है जिस तरह से अभी तक इस फ़िल्म के ग्लिम्स वगैरह आउट किए गए हैं जिस तरह से अभी तक इस फ़िल्म के सी जी आई के ऊपर काम किया हुआ है तो हॉलीवुड की मूवीज जैसे हम देखते हैं ना वही वाइव्स आ रही हैं हॉलीवुड की तरह काफ़ी कमाल का यहाँ पर वी और यहाँ पर सी जी आई के ऊपर भी काम किया हुआ है ओवरऑल ये फिल्म बहुत ही कमाल की फिल्म होने वाली है और यहाँ पर इस फिल्म के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आप कितने एक्साइटेड हैं कन्मा में बताना है और यहाँ पर इस मूवी के बारे में बता दूँ तो इस फिल्म की जो स्टोरी रखी गई है ना वो दो जो कि अट्ठाईस अट्ठाईस सौ अट्ठावन में रखी गई है यानी फ्यूचर में हमें दिखाया जाएगी जो कि स्टोरी यहाँ पर जो कि पानी ख़त्म हो जाता है उसके बाद यहाँ पर कैसे वो यहाँ पर जो कि अपने अपने रोल प्लो यानी यहाँ पर वो कैसे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं ये सारा को दिखाया गया है और यहाँ पर कुछ जो कि फ्यूचर्स चीज़ें दिखाई जाएंगी रोबोट सारा कुछ यहाँ पर दिखाया जाने वाला है तो फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है अगर आप दोस्त प्रभास के डाई हार्ट फैन हो तो उनकी इस फिल्म यानी कल की के लिए कितना एक साइड और कैनवास में बताना है तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है तो यहाँ पर फिल्म को बता दूँ रिलीज़ करवाया जाने वाला है ट्वेंटी जून दो में जी हाँ सो सताइस जून दो में इस फिल्म को उनको ऑफिशली थिएटर्स में रिलीज़ करवा दिया गया जाएगा जो कि पैन इंडिया फिल्म को हिंदी के साथ साथ बाकी लैंग्वेज में भी रिलीज़ करवाया जाएगा तो ये फिल्म जो कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज भी देखने को मिल जाएगी तो इस फिल्म को काफी जो कि बड़े स्केल पर बनाया गया है और यहां पर फिल्म को काफी बड़े जो कि स्केल पर भी रिलीज करवाया जाएगा तो यहां पर फिल्म के अंदर मेन जो नेगेटिव रोल प्ले करें हैं। वो कमल हसन और यहाँ पर स्पोर्टिंग रोल में हमें देखने को मिले हैं जैसे दुलकर सलमान है यहाँ पर और भी काफ़ी सारी कास्ट है जिससे अपटानिया राणा दुगपति है और भी काफी सारी कास्ट इस के अंदर हमें देखने को मिल जाएगी तो इस इम का बजट भी बहुत ही बड़ा है जो कि इसको को 600 बजट के करोड़ के बजट में बनाया गया है और ये फिल्म हिंदी में इस इनको डिस्ट्रीब्यूट करिए फिल्म और इसको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिलने वाला है देखते हैं अगर इस फिल्म की स्टोरी में जो कि अच्छा जो कि प्रेजेंटेशन निकला तो इसम की जो कि वाइव्स अच्छी आई तो ये फ़िल्म बॉक्स डेफिनेटली दो करोड़ से भी ज़्यादा कलेक्शन करेगी और यहां पर प्रभास की फिल्म यानी बाहुबली का भी रिकॉर्ड ब्रेक कर सकती है और यहां पर इस फिल्म के लिए आप कितना एंड बैक दी वीडियो तो दोस्तों आज की इस में बात करने जा रहा हूं रिपेल स्टार प्रभास की मूवी कल की टू ए, एड़ एड़ के बारे में जी हाँ सो इस की ऑफिशियली रिलीज डेट कंफर्म कर दी गई है और फिल्म को जो कि रिलीज करवाया जाने वाला है साथ ही फिल्म की न्यू अपडेट्स भी आ चुकी हैं और फिल्म का ऑफिशियल ट्रेलर कब आने वाला है वो भी बताने वाला हूं तो अगर आप सुने अभी तक वीडियो को भी लाइक नहीं कर दें और साथ ही प्रभास के डाई हार्ट फैन हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं हुआ कर दें और वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दें तो यहां पर दोस्तों बात कर रहा हूं कल की टू ए नाइन एडिट मूवी के बारे में जो कि एक साईफाई जो कि एक्शन फिशनल मूवी है और यहां पर यह सुपर यानी कि ये फिल्म इन फ्यूचर जो कि बनाई गई डिस्टोपियन फिल्म है और ये एक एक्शन थ्रिलर वाली फिल्म है और यहाँ पर बात करें कल की मूवी की कलकी टू ए नाइन ए डी मूवी इज़ अपकमिंग ट्वेंट ट्वेंटी ट्वेंटी फोर इंडियन एपिक एक्स फाई फ़िक्शनल एक्शन थ्रिलर फिल्म रिटर्न डायरेक्टेड बाय नाग अश्विन प्रोड्यूस बाय सी अश्विन जो कि अश्विनी दत्त एंडर द बैनर विजयती मूवीज एंड तेलुगु फिल्म जो कि सम शूट्स इन रू शूट इन हिंदी इंस्पायर्ड बाय हिंदू स्क्रिप्ट पिक्चर्स तो यहाँ पर दोस्तों बात करें फिल्म यानी कल की टू एट नाइन एट मूवी के बारे में तो एक बहुत ही कमाल की एक्शन थ्रिलर वाली फिल्म है और यहाँ पर जो कि फ्यूचरिस्ट के ऊपर बनाई गई फिल्म है और यहाँ पर जो कि भैरवा को इंट्रोड्यूस करवाया जा चुका है यानी प्रभात जो है फिल्म के अंदर है ना वो काली का रोल प्ले नहीं कर चुके कर रहे यहाँ पर भैरवा का रोल प्ले करते हुए दिखाई दिए हैं और यहाँ पर जो कि हमें कमल हसन भी देखने को मिले हैं कमल हसन ने यहाँ पर काली का रोल प्ले करते हुए दिखाई दिए हैं तो यहाँ पर कुछ चीज़ों की बात करें तो जैसे आप जिसको बता दूँ यहाँ पर जो कि ट्रैक करें नाग अश्विन स्क्रीन प्ले में भी जो कि नाग अश्विन है जो कि लिखा हुआ है और यहाँ पर बात करें डायलाग्स की तो यहाँ पर साई माधव बुरा ने डलाग्स को लिखा हुआ है और यहाँ पर जो कि स्टोरी के भी राइटर भी नाग अश्विन हैं और यहाँ पर सिनेमेटोग्राफी की है दॉर दे स्टॉलेज कोविक ने और यहाँ पर बात करें फिल्म की एडिट की तो यहाँ पर कोटागिरी वेंकटेश्वर राव ने इस फिल्म को एडिट किया हुआ है और यहाँ पर म्यूज़िक दिया है संतोष नारायण ने और यहाँ पर प्रोडक्शन कंपनी वैजंती मूवीज़ और फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है कंपनी ए फिल्म जी हाँ सो ए फिल्म इनको डिस्ट्रीब्यूट कर रही है और फिल्म को ट्वेंटी सेवन जून टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर में फाइनली रिलीज़ करवाया जाएगा और ये फिल्म तेलुगु लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी लैंग्वेज की फिल्म है और इसको हिंदी में भी शूट किया गया है और यहाँ पर तेलुगु लैंग्वेज में भी शूट किया हुआ है तो इस फिल्म का बजट की बात करें तो यहाँ पर इस फिल्म का जो बजट वगैरह है बहुत ही बड़ा बजट है और फिल्म का बजट है छः सौ करोड़ जी हाँ सो छः सौ करोड़ इस फिल्म का बहुत ही बड़ा बजट है और इसको को जो कि रिलीज़ भी करवाया जाएगा और यहाँ पर इस फिल्म के अभी जो कि न्यू वीडियो भी आउट किए गए हैं जिसमें हमें जो कि बुच्ची को अनाउंस किया गया है वो जो कि एक रोबोट है उसको अनाउंस किया गया है और यहाँ पर भैरवा का लुक भी जो कि हमें दिखाया गया उनकी एक न्यू वीडियो भी आउट की गई है जो कि यहाँ पर प्रभास रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर जो कि कमल हसन की भी वीडियो आने वाली है और यहाँ पर साथ ही दोस्तों हमें जो कि अमिताभ बच्चन का भी जो कि वीडियो आ चुका था तो वीडियो के साथ साथ बता दूँ इस फिल्म के बारे में तो फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है और फिल्म को पहले रिलीज़ करवाया जाने वाला था नौ मई दो में लेकिन इस फिल्म को पोस्टपोन किया गया अब यहाँ पर इस फिल्म को फाइनल रिलीज़ जो है इसम की डेट है ना वो कन्फर्म कर दिया इसको ट्वेंटी सेवन जून टू थाउजेंड ट्वेंटी में रिलीज़ करवाया जाएगा और यहाँ पर यह फ़िल्म बहुत ही कमाल की फ़िल्म होने वाली है कास्ट की बात करें तो यहाँ पर प्रभास भैरवा के रोल प्ले करते हुए दिखाई दिए हैं और यहाँ पर जो क्या अमिताभ बच्चन अश्वत्थामा का रोल प्ले कर रहे करें यहाँ पर कमल हसन काली का रोल प्ले करते हुए दिखाई दिए हैं और यहाँ पर दीपिका पैदा गोत पदमा का रोल प्ले करते हुए दिखाई देगी इस फिल्म यानी जो कि कल की मूवी में कल की मूवी में कास्ट जो स्पोर्टिंग रोल में आदर कास्ट जैसे डिशा पटानी है राजेंद्र प्रसाद हैं पशुपति है अनाबेन है और यहाँ पर कीर्ति सुरेश भी हैं जो कि और भी काफ़ी सारी जो कि कास्ट वगैरह जो है फिल्म के अंदर देखने को मिल जाएगी तो ये फिल्म जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है और फिल्म की डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टोपियन के साथ साथ इस फिल्म का साइफाई ड्रामा बहुत ही अच्छा लगेगा जो, जो वी एफ एक्स के ऊपर काम किया गया इसके जो के ऊपर काम किया गया वो हॉलीवुड जो के लगता है हॉलीवुड की जैसे हम मूवीज़ देख रहे जैसे अभी जो कि बुच्ची का करेक्टर इंट्रोड्यूस करवाया गया था साथ ही एक न्यू जो कि व्हीकल यानी गाड़ी को इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है तो यहां पर जो कि काफी कमाल की जो कि वाइब्स आ रही थी फिल्म भी काफी इंटरेस्टिंग रहने वाली है अगर आप दोस्त प्रभास के डाई फैन यानी जो कि कल की मूवी के लिए आपके दोस्त कितना वेट करे हो कन्वास कर में बताना है तो यहां पर इस सिम का जो कि मैं पहले भी बता चुका हूं फिल्म काफी इंटरेस्टिंग रहने वाली है जो कि लीड कास्ट के बारे में बता चुका हूं तो फिल्म बहुत ही कमाल की फिल्म होने वाली है जो कि सिम को जो डायरेक्ट करें नागश्म इससे पहले वो काफ़ी कमाल की महान्यति जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म भी बना चुके हैं तो काफ़ी कमाल के डायरेक्टर भी हैं अच्छे भी डायरेक्टर हैं और यहाँ पर इस फिल्म की बात करें तो यहाँ पर इस फिल्म की मार्केटिंग जो की जा रही है ना वो अभी जो कि बुच्ची का करैक्टर अनाउंस किया गया है साथ ही भैरवा का भी जो कि यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया जा चुका है साथ ही यहाँ पर अश्वथामा यानी अमिताभ बच्चन को भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया जा चुका है उसके बाद यहाँ पर काली का इंट्रोड्यूस होना बाकी है और यहाँ पर और भी काफी सारी जो कि जैसे यहाँ पर जो कि पदमा का इंट्रोड्यूस होना भी बाकी है जो कि यहाँ पर दिशा जो कि दीपिका पेड़ा को रो रोल प्ले करते हुए दिखाई देंगी तो ओवरऑल फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है बहुत ही अमेजिंग फिल्म है और फिल्म के जब वी एफ एक्स है ना जो फिल्म इस इस की स्टोरी है और साथ ही इस फिल्म इस का प्रेजेंटेशन है ना वो बहुत ही माइंड ब्लोइंग होने वाला है जिस तरह से अभी तक इस फ़िल्म के ग्लिम्स वगैरह आउट किए गए हैं जिस तरह से अभी तक इस फ़िल्म के सी जी आई के ऊपर काम किया हुआ है तो हॉलीवुड की मूवीज जैसे हम देखते हैं ना वही वाइव्स आ रही हैं हॉलीवुड की तरह काफ़ी कमाल का यहाँ पर वी और यहाँ पर सी जी आई के ऊपर भी काम किया हुआ है ओवरऑल ये फिल्म बहुत ही कमाल की फिल्म होने वाली है और यहाँ पर इस फिल्म के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आप कितने एक्साइटेड हैं कन्वा में बताना है और यहाँ पर इस मूवी के बारे में बता दूँ तो इस फिल्म की जो स्टोरी रखी गई है ना वो दो जो कि अट्ठाईस अट्ठाईस सौ अट्ठावन में रखी गई है यानी फ्यूचर में हमें दिखाया जाएगी जो कि स्टोरी यहाँ पर जो कि पानी ख़त्म हो जाता है उसके बाद यहाँ पर कैसे वो यहाँ पर जो कि अपने अपने रोल प्लो यानी यहाँ पर वो कैसे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं ये सारा को दिखाया गया है और यहाँ पर कुछ जो कि फ्यूचर्स चीज़ें दिखाई जाएंगी रोबोट सारा कुछ यहाँ पर दिखाया जाने वाला है तो फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है अगर आप दोस्त प्रभास के डाई हार्ट फैन हो तो उनकी इस फिल्म यानी कल की के लिए कितना एक्साइटेड साइड में बताना है तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है तो यहाँ पर फिल्म को बता दूँ रिलीज़ करवाया जाने वाला है ट्वेंटी जून दो में जी हाँ सो सत्ताईस जून दो में इस फिल्म को ऑफिशली थिएटर्स में रिलीज़ करवा दिया गया जाएगा जो कि पैन इंडिया फिल्म को हिंदी के साथ साथ बाकी लैंग्वेज में भी रिलीज़ करवाया जाएगा तो ये फिल्म जो कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज में भी देखने को मिल जाएगी तो इसको काफी जो के बड़े स्केल पर बनाया गया है और यहां पर इस को काफी बड़े जो के स्केल पर भी रिलीज करवाया जाएगा तो यहां पर इस के अंदर मेन जो नेगेटिव रोल प्ले करें हैं वो कमल हसन और यहां पर स्पोर्टिंग रोल में हमें देखने को मिले हैं जैसे दुलकर सलमान है यहाँ पर और भी काफ़ी सारी कास्ट है जिससे अपरानिया राणा दुगपति है और भी काफ़ी सारी कास्ट इस इन के अंदर हमें देखने को मिल जाएगी तो इस फिल्म का बजट भी बहुत ही बड़ा है जो कि फिल्म को 600 बजट के करोड़ के बजट में बनाया गया है और ये फिल्म हिंदी में इसम को डिस्ट्रीब्यूट करिए फिल्म और इसम को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिलने वाला है देखते हैं अगर इस फिल्म की स्टोरी में जो कि अच्छा जो कि प्रेजेंटेशन निकला तो इसम की जो कि वाइव्स अच्छी आई तो ये फिल्म बॉक्स डेफिनेटली दो करोड़ से भी ज़्यादा कलेक्शन करेगी और यहाँ पर प्रभास की फिल्म यानी बाहुबली का भी रिकॉर्ड ब्रेक कर सकती है और यहां पर इस फिल्म के लिए आप कितना एंड कम बैक दी दीदर वीडियो तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं रिबेल स्टार प्रभास की मूवी मूवी ए एड़ एड़ के बारे में जी हाँ ऑफिशियली रिलीज डेट कंफर्म कर दी गई है और फिल्म को जो कि रिलीज करवाया जाने वाला है साथ ही इस फिल्म की न्यू अपडेट्स भी आ चुकी हैं और इस फिल्म का ऑफिशियल ट्रेलर कब आने वाला है वो भी बताने वाला हूं तो अगर आप सुने अभी तक वीडियो को भी लाइक नहीं किया कर दें और साथ ही अगर आप दोस्तों प्रभास के डाई हार्ट फैन हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं हुआ कर दें और वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दें तो यहां पर दोस्तों बात कर रहा हूं कल की टू ए नाइन एडिट मूवी के बारे में जो कि एक साईफाई जो कि एक्शन फिशनल जो कि मूवी है और यहां पर यह सुपर जो कि सुपर सुपर यानी कि ये फिल्म इन फ्यूचर जो कि बनाई गई डिस्टोपियन फिल्म है और ये एक एक्शन थ्रिलर वाली फिल्म है और यहाँ पर बात करें कल की मूवी की कल की टू नाइन ए डी मूवी इस अपकमिंग ट्वें ट्वेंटी ट्वेंटी फोर इंडियन एपिक एक्स साई फाइ फिक्शनल एक्शन थ्रिलर फिल्म रिटर्न डायरेक्टेड बाय नाग अश्विन प्रोड्यूस बाय सी अश्विन जो कि अश्विनी दत्त एंड द बैनर विजयती uh, मूवीज एंड तेलुगु फिल्म जो कि सम शूट्स इन रू शूट इन हिंदी इंस्पायर्ड बाय हिंदू स्क्रिप्ट पिक्चर्स तो यहाँ पर दोस्तों बात करें फ़िल्म यानी कल की टू एट नाइन एट मूवी के बारे में तो ये बहुत ही कमाल की एक्शन थ्रिलर वाली फिल्म है और यहाँ पर जो कि फ्यूचरिस्ट के ऊपर बनाई गई फिल्म है और यहाँ पर जो कि भैरवा को इंट्रोड्यूस करवाया जा चुका है यानी प्रभात जो है सिल्म के अंदर है ना वो काली का रोल प्ले नहीं कर चुके कर रहे यहाँ पर भैरवा का रोल प्ले करते हुए दिखाई दिए हैं और यहाँ पर जो कि हमें कमल हसन भी देखने को मिले हैं कमल हसन ने यहाँ पर काली का रोल प्ले करते हुए दिखाई दिए हैं तो यहाँ पर कुछ चीज़ों की बात करें तो जैसे आप इसको बता दूँ यहाँ पर जो कि ट्रैक हैं नाग अश्विन स्क्रीन प्ले में भी जो कि नाग अश्विन ने जो कि लिखा हुआ है और यहाँ पर बात करें डायलाग्स की तो यहाँ पर साई माधव बुरा ने डाइलाग्स को लिखा हुआ है और यहाँ पर जो कि स्टोरी के भी राइटर भी नाग अश्विन हैं और यहाँ पर सीमोटोग्राफी की है द जोर दे स्टॉलेज जो कोविक ने और यहाँ पर बात करें फिल्म के एडिट की तो यहाँ पर कोटा गिरी वेंकटेश्वर राव ने फिल्म को एडिट किया हुआ है और यहाँ पर म्यूज़िक दिया है संतोष नारायण ने और यहाँ पर प्रोडक्शन कंपनी वैजयंती मूवीज़ और फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है कंपनी ए ए फिल्म जी हाँ सो ए, -ए फिल्म इनको डिस्ट्रीब्यूट कर रही है और इसको को ट्वेंटी सेवन जून टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर में फाइनली रिलीज़ करवाया जाएगा और ये फिल्म तेलुगु लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी लैंग्वेज की फिल्म है और इसको हिंदी में भी शूट किया गया है और यहाँ पर तेलुगु लैंग्वेज में भी शूट किया हुआ है तो इस फिल्म का बजट की बात करें तो यहाँ पर इस फिल्म का जो बजट वगैरह है बहुत ही बड़ा बजट है और फिल्म का बजट है छः सौ करोड़ जी हाँ तो सो छः सौ करोड़ इस फिल्म का बहुत ही बड़ा बजट है और फिल्म को ऑफियली जो कि रिलीज़ भी करवाया जाएगा और यहाँ पर इस फिल्म के अभी जो कि न्यू वीडियो भी आउट किए गई है जिसमें हमें जो कि बुच्ची को अनाउंस किया गया है वो जो कि एक रोबोट है उसको अनाउंस किया गया है और यहाँ पर भैरवा का लुक जो कि हमें दिखाया गया उनकी एक न्यू वीडियो भी आउट की गई है जो कि यहाँ पर प्रभास रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर जो कि कमल हसन की भी वीडियो आने वाली है और यहाँ पर साथ ही दोस्तों हमें जो कि अमिताभ बच्चन का भी जो कि वीडियो आ चुका था तो वीडियो के साथ साथ बता दूँ इस फिल्म के बारे में तो फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है और फिल्म को पहले रिलीज़ करवाया जाने वाला था नौ मई दो में लेकिन इस फिल्म को पोस्टपोन किया गया अब यहाँ पर इस फिल्म को फाइनल रिलीज जो है इस फिल्म की डेट है ना वो कन्फर्म कर दिया फिल्म को ट्वेंटी सेवन जून टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर में रिलीज़ करवाया जाएगा और यहाँ पर यह फ़िल्म बहुत ही कमाल की फ़िल्म होने वाली है कास्ट की बात करें तो यहाँ पर प्रभास भैरवा के रोल प्ले करते हुए दिखाई दिए हैं और यहाँ पर जो क्या अमिताभ बच्चन अश्वथ का रोल प्ले करें और यहाँ पर कमल हसन काली का रोल प्ले करते हुए दिखाई दिए हैं और यहाँ पर दीपिका पैदा गोद पदमा का रोल प्ले करते हुए दिखाई देगी फिल्म यानी जो कि कल की मूवी में कल की मूवी में की कास्ट जो स्पोर्टिंग रोल में आदर कास्ट जैसे डिशा पटानी है राजेंद्र प्रसाद हैं पशुपति है अनाबेन है और यहाँ पर कीर्ति सुरेश भी हैं जो कि और भी काफ़ी सारी जो कि कास्ट वगैरह जो है फिल्म के अंदर देखने को मिल जाएगी तो ये फिल्म जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है फिल्म की डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टोपियन के साथ साथ इस फिल्म का ड्रामा बहुत ही अच्छा लगेगा जो कि जो वी के ऊपर काम किया गया इसके जो के ऊपर के काम किया गया वो हॉलीवुड मूवी से जो कि लगता है हॉलीवुड की जैसे हम मूवीस देख रहे हो जैसे अभी जो कि बुच्ची का करेक्टर इंट्रोड्यूस करवाया गया था साथ ही एक न्यू जो कि वहीकल यानी गाड़ी को इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है तो यहां पर जो कि काफी कमाल की जो कि वाइब्स आ रही थी फिल्म भी काफी इंटरेस्टिंग रहने वाली है अगर आप दोस्त प्रभास के डाई फैनो उनके लिए इस यानी जो कि कल की मूवी के लिए आपके दोस्त कितना वेट करेबॉक्स कर में बताना है तो यहां पर इस फिल्म का जो कि मैं पहले भी बता चुका हूं फिल्म काफी इंटरेस्टिंग रहने वाली है जो कि लीड कास्ट के बारे में बता चुका हूँ तो फिल्म बहुत ही कमाल की फिल्म होने वाली है जो कि सिम को जो डायरेक्ट करें नागमन इससे पहले वो काफ़ी कमाल की महान्यति जैसी ब्लॉक फिल्म भी बना चुके हैं तो काफ़ी कमाल के डायरेक्टर भी हैं अच्छे भी डायरेक्टर हैं और यहाँ पर इस फिल्म की बात करें तो यहाँ पर इस फिल्म की मार्केटिंग जो की जा रही है ना वो अभी तो जो कि बुच्ची का करैक्टर अनाउंस किया गया है साथ ही भैरवा का भी जो कि यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया जा चुका है साथ ही यहाँ पर अश्वथामा यानी अमिताभ बच्चन को भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया जा चुका है उसके बाद यहाँ पर काली का इंट्रोड्यूस होना बाकी है और यहाँ पर और भी काफ़ी सारी जो कि जैसे यहाँ पर जो कि पदमा का इंट्रोड्यूस होना भी बाकी है जो कि यहाँ पर दिशा जो कि दीपिका पेड़ा को रोल रो प्ले करते हुए दिखाई देंगी तो ओवरऑल फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है बहुत ही अमेजिंग फिल्म है और फिल्म के जब वी एफ एक्स है ना इस फिल्म की स्टोरी है और साथ ही फिल्म का प्रेजेंटेशन है ना वो बहुत ही माइंड ब्लोइंग होने वाला है जिस तरह से अभी तक इस फ़िल्म के गिलिम्प्स वगैरह आउट किए गए हैं जिस तरह से अभी तक इस फ़िल्म के सी जी आई के ऊपर काम किया हुआ है तो हॉलीवुड की मूवीज जैसे हम देखते हैं ना वही वाइव्स आ रही हैं हॉलीवुड की तरह काफ़ी कमाल का यहाँ पर वी और यहाँ पर सी जी आई के ऊपर भी काम किया हुआ है ओवरऑल ये फिल्म बहुत ही कमाल की फिल्म होने वाली है और यहाँ पर इस फिल्म के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आप कितने एक्साइटेड हैं कन्मा में बताना है और यहाँ पर इस मूवी के बारे में बता दूँ तो इस फिल्म की जो स्टोरी रखी गई है ना वो दो जो कि अट्ठाईस अट्ठाईस में रखी गई है यानी फ्यूचर में हमें दिखाया जाएगी जो कि स्टोरी यहाँ पर जो कि पानी ख़त्म हो जाता है उसके बाद यहाँ पर कैसे वो यहाँ पर जो कि अपने अपने रोल प्लो यानी यहाँ पर वो कैसे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं ये सारा को दिखाया गया है और यहाँ पर कुछ जो कि फ्यूचर्स चीज़ें दिखाई जाएंगी रोबोट सारा कुछ यहाँ पर दिखाया जाने वाला है तो फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है अगर आप दोस्त प्रभास के डाई हार्ट फैन हो तो उनकी इस फिल्म यानी कलकी के लिए कितना हो कैनवास में बताना है तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है तो यहाँ पर फिल्म को बता दूँ रिलीज़ करवाया जाने वाला है ट्वेंटी जून दो में जी हाँ सो सत्ताईस जून दो में इस फिल्म को ऑफिशली थिएटर्स में रिलीज़ करवा दिया गया जाएगा जो कि पैन इंडिया फिल्म को हिंदी के साथ साथ बाकी लैंग्वेज में भी रिलीज़ करवाया जाएगा तो ये फ़िल्म जो कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज भी देखने को मिल जाएगी तो इस को काफी जो के बड़े स्केल पर बनाया गया है और यहां पर इस को काफी बड़े जो के स्केल पर भी रिलीज करवाया जाएगा तो यहां पर फिल्म के अंदर मेन जो नेगेटिव रोल प्ले करें वो कमल हसन और यहां पर स्पोर्टिंग रोल में हमें देखने को मिले हैं जैसे दुलकर सलमान है यहाँ पर और भी काफ़ी सारी कास्ट है जी अपरानिया राणा द्रुपपति है और भी काफ़ी सारी कास्ट इस फिल्म के अंदर हमें देखने को मिल जाएगी तो इस फिल्म का बजट भी बहुत ही बड़ा है जो कि फिल्म को 600 बजट के करोड़ के बजट में बनाया गया है और ये फिल्म हिंदी में इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करिए फिल्म और इस फिल्म को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिलने वाला है देखते हैं अगर इस फिल्म की स्टोरी में जो कि अच्छा जो कि प्रेजेंटेशन निकला तो इस फिल्म की जो कि वाइव्स अच्छी आई तो ये फ़िल्म बॉक्स में डेफिनेटली दो करोड़ से भी ज़्यादा कलेक्शन करेगी और यहां पर प्रभास की फिल्म यानी बाहुबली का भी रिकॉर्ड ब्रेक कर सकती है और यहाँ पर इस फिल्म के लिए आप कितना एंड बताना बैक दी वीडियो वीडियो तो दोस्तों आज की इस में बात करने जा रहा हूँ रिबेल स्टार प्रभास की मूवी कल की टू ए एड़ के बारे में जी हाँ सो इसम की ऑफिशियली रिलीज डेट कंफर्म कर दी गई है और फिल्म को जो कि रिलीज करवाया जाने वाला है साथ इस की न्यू अपडेट्स भी आ चुकी हैं और फिल्म का ऑफिशियल ट्रेलर कब आने वाला है वो भी बताने वाला हूं तो अगर आप सुने अभी तक वीडियो को भी लाइक नहीं कर दें और साथ ही अगर आप प्रभास के डाई हार्ट फैन हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं हुआ कर दें और वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दें तो यहां पर दोस्तों बात कर रहा हूं कल की टू एडिट मूवी के बारे में चूंकि एक साईफाई जो कि एक्शन फिशनल मूवी है और यहां पर यह सुपर सुपर जो सुपर यानी कि ये फिल्म इन फ्यूचर जो कि बनाई गई डिस्टोपियन फिल्म है और ये एक एक्शन थ्रिलर वाली फिल्म है और यहाँ पर बात करें कल की मूवी की कलकी टू ए नाइन ए डी मूवी इज़ अपकमिंग ट्वेंट ट्वेंटी ट्वेंटी फोर इंडियन एपिक एक्स साइफाई फ़िक्शनल एक्शन थ्रिलर फिल्म रिटर्न डायरेक्टेड बाय नाग अश्विन प्रोड्यूस बाय सी अश्विन जो कि अश्विनी दत्त एंडर द बैनर विजयती मूवीज एंड तेलुगु फिल्म जो कि सम शूट्स इन रिव शूट इन हिंदी इंस्पायर्ड बाय हिंदू स्क्रिप्ट पिक्चर्स तो यहाँ पर दोस्तों बात करें फिल्म यानी कल की टू एट नाइन एट मूवी के बारे में तो ये बहुत ही कमाल की एक्शन थ्रिलर वाली फिल्म है और यहाँ पर जो कि फ्यूचरिस्ट के ऊपर बनाई गई फिल्म है और यहाँ पर जो कि भैरवा को इंट्रोड्यूस करवाया जा चुका है यानी प्रभात जो है सिल्म के अंदर है ना वो काली का रोल प्ले नहीं कर चुके कर रहे यहाँ पर भैरवा का रोल प्ले करते हुए दिखाई दिए हैं और यहाँ पर जो कि हमें कमल हसन भी देखने को मिले हैं कमल हसन ने यहाँ पर काली का रोल प्ले करते हुए दिखाई दिए हैं तो यहाँ पर कुछ चीज़ों की बात करें तो जैसे आप जिसको बता दूँ यहाँ पर जो कि ट्रैक करें नाग अश्विन स्क्रीन प्ले में भी जो कि नाग अश्विन ने जो कि लिखा हुआ है और यहाँ पर बात करें डायलाग्स की तो यहाँ पर साई माधव बुरा ने डलाग्स को लिखा हुआ है और यहाँ पर जो कि स्टोरी के भी राइटर भी नाग अश्विन हैं और यहाँ पर सिमोटोग्राफी की है दि दे स्टॉलेज कोविक ने और यहाँ पर बात करें फिल्म की एडिट की तो यहाँ पर कोटा गिरी वेंकटेश्वर राव ने इस फिल्म को एडिट किया हुआ है और यहाँ पर म्यूज़िक दिया है संतोष नारायण ने और यहाँ पर प्रोडक्शन कंपनी वैजयती मूवीज़ और फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है कंपनी ए ए फिल्म जहाँ सो ए फिल्म इनको डिस्ट्रीब्यूट कर रही है और फिल्म को ट्वेंटी सेवन जून टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर में फाइनली रिलीज़ करवाया जाएगा और ये फिल्म तेलुगु लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी लैंग्वेज की फ़िल्म है और इसको हिंदी में भी शूट किया गया है और यहाँ पर तेलुगु लैंग्वेज में भी शूट किया हुआ है तो इस फिल्म का बजट की बात करें तो यहाँ पर इस फिल्म का जो बजट वगैरह है बहुत ही बड़ा बजट है और फिल्म का बजट है छः सौ करोड़ जी हाँ सो छः सौ करोड़ फिल्म का बहुत ही बड़ा बजट है और इसको को जो कि रिलीज भी करवाया जाएगा और यहाँ पर इस फिल्म के अभी जो कि न्यू वीडियो भी आउट किए गई है जिसमें हमें जो कि बुच्ची को अनाउंस किया गया है वो जो कि एक रोबोट है उसको अनाउंस किया गया है और यहाँ पर भैरवा का लुक भी जो कि हमें दिखाया गया उनकी एक न्यू वीडियो भी आउट की गई है जो कि यहाँ पर प्रभास रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर जो कि कमल हसन की भी वीडियो आने वाली है और यहाँ पर साथ ही दोस्तों हमें जो कि अमिताभ बच्चन का भी जो कि वीडियो आ चुका था तो वीडियो के साथ साथ बता दूँ इस फिल्म के बारे में तो फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है और फिल्म को पहले रिलीज़ करवाया जाने वाला था नौ मई दो में लेकिन इस फिल्म को पोस्टपोन किया गया अब यहाँ पर इस फिल्म को फाइनल रिलीज़ जो है इस फिल्म की डेट है ना वो कन्फर्म कर दिया इसको ट्वेंटी सेवन जून टू थाउजेंड ट्वेंटी में रिलीज़ करवाया जाएगा और यहाँ पर यह फ़िल्म बहुत ही कमाल की फ़िल्म होने वाली है कास्ट की बात करें तो यहाँ पर प्रभास भैरवा के रोल प्ले करते हुए दिखाई दिए हैं और यहाँ पर जो क्या अमिताभ बच्चन अश्वत्थामा का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर कमल हसन काली का रोल प्ले करते हुए दिखाई दिए हैं और यहाँ पर दीपिका पैदा गौत पदमा का रोल प्ले करते हुए दिखाई देगी इस फिल्म यानी जो कि कल की मूवी में कल की मूवी में कास्ट जो स्पोर्टिंग रोल में आदर कास्ट जैसे डिशा पटानी है राजेंद्र प्रसाद हैं पशुपति है अनाबेन है और यहाँ पर कीर्ति सुरेश भी हैं जो कि और भी काफ़ी सारी जो कि कास्ट वगैरह जो है फिल्म के अंदर देखने को मिल जाएगी तो ये फिल्म जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है फिल्म की डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टोपियन के साथ साथ इस फिल्म का साइफाई ड्रामा बहुत ही अच्छा लगेगा जो कि जो वी एफ एक्स के ऊपर काम, काम किया गया वो हॉलीवुड मूवीस जो के लगता है हॉलीवुड की जैसे हम मूवीज़ देख रहे हो जैसे अभी जो कि बुच्ची का करेक्टर इंट्रोड्यूस करवाया गया था साथ ही एक न्यू जो कि वहीकल यानी गाड़ी को इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है तो यहां पर जो कि काफी कमाल की जो कि वाइब्स आ रही थी फिल्म भी काफी इंटरेस्टिंग रहने वाली है अगर आप दोस्त प्रभास के डाई फैन हो उनके लिए इस यानी जो कि कल की मूवी के लिए आपके दोस्त कितना वेट करे कमेंट कर बॉक्स में बताना है तो यहां पर इस का जो कि मैं पहले भी बता चुका हूं फिल्म काफी इंटरेस्टिंग रहने वाली है जो कि लीड कास्ट के बारे में बता चुका हूँ तो फिल्म बहुत ही कमाल की फिल्म होने वाली है जो कि सिम को जो डायरेक्ट करें नागेशन इससे पहले वो काफ़ी कमाल की महान्यति जैसी ब्लॉक फिल्म भी बना चुके हैं तो काफ़ी कमाल के डायरेक्टर भी हैं अच्छे भी डायरेक्टर हैं और यहाँ पर इस फिल्म की बात करें तो यहाँ पर इस फिल्म की मार्केटिंग जो की जा रही है ना वभी तो जो कि बुच्ची का करेक्टर अनाउंस किया गया है साथ ही भैरवा को भी जो कि यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया जा चुका है साथ ही यहाँ पर अश्वथामा यानी अमिताभ बच्चन को भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया जा चुका है उसके बाद यहाँ पर काली का इंट्रोड्यूस होना बाकी है और यहाँ पर और भी काफी सारी जो कि जैसे यहाँ पर जो कि पदमा का इंट्रोड्यूस होना भी बाकी है जो कि यहाँ दिशा जो कि दीपिका बेबा को रो रोल प्ले करते हुए दिखाई देंगी तो ओवरऑल फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है बहुत ही अमेजिंग फिल्म है और फिल्म के जब वी एफ एक्स है ना जो फिल्म की स्टोरी है और साथ ही फिल्म का प्रेजेंटेशन है ना वो बहुत ही माइंड ब्लोइंग होने वाला है जिस तरह से अभी तक इस फिल्म के ग्लिम्स वगैरह आउट किए गए हैं जिस तरह से अभी तक इस फ़िल्म के सी जी आई के ऊपर काम किया हुआ है तो हॉलीवुड की मूवीज जैसे हम देखते हैं ना वही वाइव्स आ रही हैं हॉलीवुड की तरह काफ़ी कमाल का यहाँ पर वी और यहाँ पर सी के ऊपर भी काम किया हुआ है ओवरऑल ये फिल्म बहुत ही कमाल की फिल्म होने वाली है और यहाँ पर इस फिल्म के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आप कितने एक्साइटेड हैं कन्मा में बताना है और यहाँ पर इस मूवी के बारे में बता दूँ तो इस फिल्म की जो स्टोरी रखी गई है ना वो 2000 जो कि अट्ठाईस अट्ठाईस सौ अट्ठावन में रखी गई है यानी फ्यूचर में हमें दिखाया जाएगी जो कि स्टोरी यहाँ पर जो कि पानी ख़त्म हो जाता है उसके बाद यहाँ पर कैसे वो यहाँ पर जो कि अपने अपने रोल प्लो यानी यहाँ पर वो कैसे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं ये सारा को दिखाया गया है और यहाँ पर कुछ जो कि फ्यूचर्स चीज़ें दिखाई जाएंगी रोबोट सारा कुछ यहाँ पर दिखाया जाने वाला है तो फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है अगर आप दोस्त प्रभास के डाई हार्ट फैन हो तो उनकी इस फिल्म यानी कलकी के लिए कितना एक्साइटेड साइड कैनवास में बताना है तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है तो यहाँ पर फिल्म को बता दूँ रिलीज़ करवाया जाने वाला है ट्वेंटी जून दो में जी हाँ सो सताइस जून दो में इस फिल्म को ऑफिशली थिएटर्स में रिलीज़ करवा दिया गया जाएगा जो कि पैन इंडिया फिल्म को हिंदी के साथ साथ बाकी लैंग्वेज में भी रिलीज़ करवाया जाएगा तो ये फिल्म जो कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज भी देखने को मिल जाएगी तो इस को काफी जो कि बड़े स्केल पर बनाया गया है और यहां पर इस को काफी बड़े जो कि स्केल पर भी रिलीज करवाया जाएगा तो यहां पर इस के अंदर मेन जो नेगेटिव रोल प्ले करें वो कमल हसन और यहां पर स्पोर्टिंग रोल में हमें देखने को मिले हैं जैसे दुलकर सलमान है यहाँ पर और भी काफ़ी सारी कास्ट है जिससे अपरानिया राणा दुगपति है और भी काफ़ी सारी कास्ट इस इन के अंदर हमें देखने को मिल जाएगी तो इस इम का बजट भी बहुत ही बड़ा है जो कि फिल्म को 600 बजट के करोड़ के बजट में बनाया गया है और ये फिल्म हिंदी में इसको डिस्ट्रीब्यूट करिए फिल्म और इसम को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिलने वाला है देखते हैं अगर इस फिल्म की स्टोरी में जो कि अच्छा जो कि प्रेजेंटेशन निकला तो इसम की जो कि वाइव्स अच्छी आई तो ये फिल्म बॉक्स डेफिनेटली दो करोड़ से भी ज़्यादा कलेक्शन करेगी और यहां पर प्रभास की फिल्म यानी बाहुबली का भी रिकॉर्ड ब्रेक कर सकती है और यहां पर इस फिल्म के लिए आप कितना कर, बताने ना। के बारे में जी हाँ सोफिशियल रिलीज डेट कंफर्म कर दी गई है और को जो कि रिलीज करवाया जाने वाला है साथ ही न्यू अपडेट्स भी आ चुकी हैं और ट्रेलर कब आने वाला है वो भी बताने वाला हूं तो अगर आप सुने अभी तक वीडियो को भी लाइक नहीं कर दें और साथ ही अगर आप दोस्तों प्रभास के डाई हार्ट फैन हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं हुआ कर दें और वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दें तो यहां पर दोस्तों बात कर रहा हूं कल की टू ए नाइन एडिट मूवी के बारे में जो कि एक साईफाई जो कि एक्शन फिशनल जो कि मूवी है और यहां पर ये यह सुपर जो कि सुपर सुपर यानी कि ये फिल्म इन फ्यूचर जो कि बनाई गई डिस्टोपियन फिल्म है और ये एक एक्शन थ्रिलर वाली फिल्म है और यहाँ पर बात करें कल की मूवी की कल की टू ए नाइन ए डी मूवी इस अपकमिंग ट्वेंट ट्वेंटी ट्वेंटी फोर इंडियन एपिक एक्स फाई फिक्शनल एक्शन थ्रिलर फिल्म रिटर्न डायरेक्टेड बाय नाग अश्विन प्रोड्यूस बाय सी अश्विन जो कि अश्विनी दत्त एंड द बैनर विजयती मूवीज एंड तेलगू फिल्म जो कि सम शूट्स इन रू शूट इन हिंदी इंस्पायर्ड बाय हिंदू स्क्रिप्ट पिक्चर्स तो यहाँ पर दोस्तों बात करें फ़िल्म यानी कल की टू एट नाइन एट मूवी के बारे में तो ये बहुत ही कमाल की एक्शन थ्रिलर वाली फ़िल्म है और यहाँ पर जो कि फ्यूचरिस्ट के ऊपर बनाई गई फिल्म है और यहाँ पर जो कि भैरवा को इंट्रोड्यूस करवाया जा चुका है यानी प्रभात जो इस फिल्म के अंदर है ना वो काली का रोल प्ले नहीं कर चुके कर रहे यहाँ पर भैरवा का रोल प्ले करते हुए दिखाई दिए हैं और यहाँ पर जो कि हमें कमल हसन भी देखने को मिले हैं कमल हसन ने यहाँ पर काली का रोल प्ले करते हुए दिखाई दिए हैं तो यहाँ पर कुछ चीज़ों की बात करें तो जैसे आप जिसको बता दूँ यहाँ पर जो कि ट्रैक करें नाग अशविन स्क्रीन प्ले में भी जो कि नाग अशविन है जो कि लिखा हुआ है और यहाँ पर बात करें डायलाग्स की तो यहाँ पर साई माधव बुरा ने डाइलाग्स को लिखा हुआ है और यहाँ पर जो कि स्टोरी के भी राइटर भी नाग अशविन है और यहाँ पर सिनेमोटोग्राफी की है द जोरदे स्टॉल जो कोविक ने और यहाँ पर बात करें फिल्म के एडिट की तो यहाँ पर कोटा गिरी वेंकटेश्वर राव ने फिल्म को एडिट किया हुआ है और यहाँ पर म्यूज़िक दिया है संतोष नारायण ने और यहाँ पर प्रोडक्शन कंपनी वैजयती मूवीज़ और फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है कंपनी ए फिल्म जहाँ सो ए फिल्म इनको डिस्ट्रीब्यूट कर रही है और फिल्म को ट्वेंटी सेवन जून टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर में फाइनली रिलीज़ करवाया जाएगा और ये फिल्म तेलुगु लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी लैंग्वेज की फिल्म है और इनको हिंदी में भी शूट किया गया है और यहाँ पर तेलुगु लैंग्वेज में भी शूट किया हुआ है तो इस फिल्म का बजट की बात करें तो यहाँ पर इस फिल्म का जो बजट वगैरह है बहुत ही बड़ा बजट है और फिल्म का बजट है छः सौ करोड़ जी हाँ सो छः सौ करोड़ इस फिल्म का बहुत ही बड़ा बजट है और फिल्म को ऑफिशली जो कि रिलीज़ भी करवाया जाएगा और यहाँ पर इस फिल्म के अभी जो कि न्यू वीडियो भी आउट किए गई है जिसमें हमें जो कि बुच्ची को अनाउंस किया गया है वो जो कि एक रोबोट है उसको अनाउंस किया गया है और यहाँ पर भैरवा का लुक जो कि हमें दिखाया गया उनकी एक न्यू वीडियो भी आउट की गई है जो कि यहाँ पर प्रभास रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर जो कि कमल हसन की भी वीडियो आने वाली है और यहाँ पर साथ ही दो हमें जो कि अमिताभ बच्चन का भी जो कि वीडियो आ चुका था तो वीडियो के साथ साथ बता दूँ इस फिल्म के बारे में तो फिल्म काफी इंटरेस्टिंग रहने वाली है और फिल्म को पहले रिलीज़ करवाया जाने वाला था नौ मई दो में लेकिन इस फिल्म को पोस्टपोन किया गया अब यहाँ पर इस फिल्म को फाइनल रिलीज जो है इसम की डेट है ना वो कन्फर्म कर दिया है इस इसमें ट्वेंटी सेवन जून टू में रिलीज़ करवाया जाएगा और यहाँ पर यह फिल्म बहुत ही कमाल की फ़िल्म होने वाली है कास्ट की बात करें तो यहाँ पर प्रभास भैरवा के रोल प्ले करते हुए दिखाई दिए हैं और यहाँ पर जो क्या अमिताभ बच्चन अश्वथ का रोल प्ले कर करें और यहाँ पर कमल हसन काली का रोल प्ले करते हुए दिखाई दिए हैं और यहाँ पर दीपिका पैदा गौत पदमा का रोल प्ले करते हुए दिखाई देगी इस फिल्म यानी जो कि कल की मूवी में कल की मूवी में कास्ट जो स्पोर्टिंग रोल में आदर कास्ट जैसे डिशा पटानी है राजेंद्र प्रसाद हैं पशुपति है अनाबेन है और यहाँ पर कीर्ति सुरेश भी हैं जो कि और भी काफ़ी सारी जो कि कास्ट वगैरह जो है फिल्म के अंदर देखने को मिल जाएगी तो ये फिल्म जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है फिल्म की डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टोपियन के साथ साथ इस फिल्म का ड्रामा बहुत ही अच्छा लगेगा जो कि जो वी कि एक्स के ऊपर काम, काम किया गया वो हॉलीवुड मूवी से जो कि लगता है हॉलीवुड की जैसे हम मूवीज़ देख रहे हो जैसे अभी जो कि बुच्ची का करेक्टर इंट्रोड्यूस करवाया गया था साथ ही एक न्यू जो कि वहीकल यानी गाड़ी को इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है तो यहां पर जो कि काफी कमाल की जो कि वाइब्स आ रही थी फिल्म भी काफी इंटरेस्टिंग रहने वाली है अगर आप दोस्त प्रभास के डाई फैन यानी जो कि कल की मूवी के लिए आपके दोस्त कितना वेट करे बॉक्स कर में बताना है तो यहां पर इस का जो कि मैं पहले भी बता चुका हूं फिल्म काफी इंटरेस्टिंग रहने वाली है जो कि लीड कास्ट के बारे में बता चुका हूँ तो फिल्म बहुत ही कमाल की फिल्म होने वाली है जो कि सिम को जो डायरेक्ट करें नागमन इससे पहले वो काफ़ी कमाल की महानती जैसी ब्लॉक फिल्म भी बना चुके हैं तो काफ़ी कमाल के डायरेक्टर भी हैं अच्छे भी डायरेक्टर हैं और यहाँ पर इस फिल्म की बात करें तो यहाँ पर इस फिल्म की मार्केटिंग जो की जा रही है ना वो अभी तो जो कि बुच्ची का करेक्टर अनाउंस किया गया है साथ ही भैरवा का भी जो कि यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया जा चुका है साथ ही यहाँ पर अश्वथामा यानी अमिताभ बच्चन को भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया जा चुका है उसके बाद यहाँ पर काली का इंट्रोड्यूस होना बाकी है और यहाँ पर और भी काफी सारी जो के जैसे यहाँ पर जो के पदमा का इंट्रोड्यूस होना भी बाकी है जो कि यहाँ पर दिशा दीपिका पेडा को रोल रो प्ले करते हुए दिखाई देंगी तो ओवरऑल फिल्म काफी इंटरेस्टिंग रहने वाली है बहुत ही अमेजिंग फिल्म है और फिल्म के जब वी एफ एक्स है ना जो इस फिल्म की स्टोरी है और साथ ही फिल्म का प्रेजेंटेशन है ना वो बहुत ही माइंड ब्लोइंग होने वाला है जिस तरह से अभी तक इस फ़िल्म के गिलिम्प्स वगैरह आउट किए गए हैं जिस तरह से अभी तक इस फ़िल्म के सी जी आई के ऊपर काम किया हुआ है तो हॉलीवुड की मूवीज जैसे हम देखते हैं ना वही वाइव्स आ रही हैं हॉलीवुड की तरह काफ़ी कमाल का यहाँ पर वी और यहाँ पर सी जी आई के ऊपर भी काम किया हुआ है ओवरऑल ये फिल्म बहुत ही कमाल की फिल्म होने वाली है और यहाँ पर इस सम के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आप कितने एक्साइटेड हैं कन्मा में बताना है और यहाँ पर इस मूवी के बारे में बता दूँ तो इस फिल्म की जो स्टोरी रखी गई है ना वो दो जो कि अट्ठाईस अट्ठाईस अट्ठावन में रखी गई है यानी फ्यूचर में हमें दिखाया जाएगी जो कि स्टोरी यहाँ पर जो कि पानी ख़त्म हो जाता है उसके बाद यहाँ पर कैसे वो यहाँ पर जो कि अपने अपने रोल प्लो यानी यहाँ पर वो कैसे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं ये सारा को दिखाया गया है और यहाँ पर कुछ जो कि फ्यूचर्स चीज़ें दिखाई जाएंगी रोबोट सारा कुछ यहाँ पर दिखाया जाने वाला है तो फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है अगर आप दोस्त प्रभास के डाई हार्ट फैन हो तो उनकी इस फिल्म यानी कल की के लिए कितना एक्साइटेड सडेड और में बताना है तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है तो यहाँ पर फिल्म को बता दूँ रिलीज़ करवाया जाने वाला है ट्वेंटी जून दो में जी हाँ सो सत्ताईस जून दो में इस फिल्म को ऑफिशली थिएटर्स में रिलीज़ करवा दिया गया जाएगा जो कि पैन इंडिया फिल्म को हिंदी के साथ साथ बाकी लैंग्वेज में भी रिलीज़ करवाया जाएगा तो ये फिल्म जो कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज में भी देखने को मिल जाएगी तो उनको काफी जो कि बड़े स्केल पर बनाया गया है और यहां पर फिल्म को काफी बड़े जो कि स्केल पर भी रिलीज करवाया जाएगा तो यहां पर फिल्म के अंदर मेन जो नेगेटिव रोल प्ले करें वो कमल हसन और यहां पर स्पोर्टिंग रोल में हमें देखने को मिले हैं जैसे दुलकर सलमान है यहाँ पर और भी काफ़ी सारी कास्ट है जी सैपरानिया राणा द्रगपति है और भी काफ़ी सारी कास्ट इस फिल्म के अंदर हमें देखने को मिल जाएगी तो इस फिल्म का बजट भी बहुत ही बड़ा है जो कि फ़िल्म को 600 बजट के करोड़ के बजट में बनाया गया है और ये फिल्म हिंदी में इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करिए फिल्म और इस फिल्म को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिलने वाला है देखते हैं अगर इस फिल्म की स्टोरी में जो कि अच्छा जो कि प्रजेंटेशन निकला तो इस फिल्म की जो कि वाइव्स अच्छी आई तो ये फ़िल्म बॉक्स डेफिनेटली दो करोड़ से भी ज़्यादा क्लेक्शन करेगी और यहां पर प्रभास की फिल्म यानी बाहुबली का भी रिकॉर्ड ब्रेक कर सकती है और यहां पर इस फिल्म के लिए आप कितना एंड बताना बैक दी वीडियो वीडियो तो दोस्तों आज की इस में बात करने जा रहा हूं रिबेल स्टार प्रभास की मूवी कल की टू ए, एड़ एड़ के बारे में जी हाँ सो इसम की ऑफिशियल रिलीज डेट कंफर्म कर दी गई है और फिल्म को जो कि रिलीज करवाया जाने वाला है साथ ही न्यू अपडेट्स भी आ चुकी हैं और फिल्म का ऑफिशियल ट्रेलर कब आने वाला है वो भी बताने वाला हूँ तो अगर आप सुने अभी तक वीडियो को भी लाइक नहीं किया कर दें और साथ ही अगर आप दोस्तों प्रभास के डाई हार्ट फैन हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं हुआ कर दें और वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दें तो यहाँ पर दोस्तों बात कर रहा हूँ कल की टू नाइन एडिट मूवी के बारे में जो कि एक साईफाई जो कि एक्शन फिशनल जो कि मूवी है और यहाँ पर ये सुपर जो कि सुपर सुपर यानी कि ये फिल्म इन फ्यूचर जो कि बनाई गई डिस्टोपियन फिल्म है और ये एक एक्शन थ्रिलर वाली फिल्म है और यहाँ पर बात करें कल की मूवी की कल की टू ए नाइन ए डी मूवीज़ अपकमिंग ट्वें ट्वेंटी ट्वेंटी फोर इंडियन एपिक एक्स साई फाई फिक्शनल एक्शन थ्रिलर फिल्म रिटर्न डायरेक्टेड बाय नाग अश्विन प्रोड्यूस बाय सी अश्विन जो कि अश्विनी दत्त एंड द बैनर विजयती मूवीज एंड तेलुगु फिल्म जो कि सम शूट्स इन रिव शूट इन हिंदी इंस्पायर्ड बाय हिंदू स्क्रिप्ट पिक्चर्स तो यहाँ पर दोस्तों बात करें फिल्म यानी कल की टू एट नाइन एट मूवी के बारे में तो ये बहुत ही कमाल की एक्शन थ्रिलर वाली फिल्म है और यहाँ पर जो कि फ्यूचरिस्ट के ऊपर बनाई गई फिल्म है और यहाँ पर जो कि भैरवा को इंट्रोड्यूस करवाया जा चुका है यानी प्रभात जो है सीम के अंदर है ना वो काली का रोल प्ले नहीं कर चुके कर रहे यहाँ पर भैरवा का रोल प्ले करते हुए दिखाई दिए हैं और यहाँ पर जो कि हमें कमल हसन भी देखने को मिले हैं कमल हसन ने यहाँ पर काली का रोल प्ले करते हुए दिखाई दिए हैं तो यहाँ पर कुछ चीज़ों की बात करें तो जैसे आप इसको बता दूँ यहाँ पर जो कि ट्रैक करें नाग अशविन स्क्रीन प्ले में भी जो कि नाग अशविन ने जो कि लिखा हुआ है और यहाँ पर बात करें डायलाग्स की तो यहाँ पर सई माधवरापुरा ने डलाग्स को लिखा हुआ है और यहाँ पर जो कि स्टोरी के भी राइटर भी नाग अशविन है और यहाँ पर सिनेमोटोग्राफी की है दौरदे स्टॉलेज कोविक ने और यहाँ पर बात करें फिल्म के एडिट की तो यहाँ पर कोटागिरी वेंकटेश्वर राव ने फिल्म को एडिट किया हुआ है और यहाँ पर म्यूज़िक दिया है संतोष नारायण ने और यहाँ पर प्रोडक्शन कंपनी वैजंती मूवीज़ और फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है कंपनी ए ए फिल्म जहाँ सो ए, -ए फिल्म इनको डिस्ट्रीब्यूट कर रही है और इसको को ट्वेंटी सेवन जून टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर में फाइनली रिलीज़ करवाया जाएगा और ये फिल्म तेलुगु लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी लैंग्वेज की फिल्म है और फिल्म हिंदी में भी शूट किया गया है और यहाँ पर तेलुगु लैंग्वेज में भी शूट किया हुआ है तो इस फिल्म का बजट की बात करें तो यहाँ पर इस फिल्म का जो बजट वगैरह है बहुत ही बड़ा बजट है और फिल्म का बजट है छः सौ करोड़ जी हाँ सो छः सौ करोड़ इस फिल्म का बहुत ही बड़ा बजट है और फिल्म को ऑफियली जो कि रिलीज़ भी करवाया जाएगा और यहाँ पर इस फिल्म के अभी जो कि न्यू वीडियो भी आउट किए गए हैं जिसमें हमें जो कि बुच्ची को अनाउंस किया गया है वो जो कि एक रोबोट है उसको अनाउंस किया गया है और यहाँ पर भैरवा का लुक जो कि हमें दिखाया गया उनकी एक न्यू वीडियो भी आउट की गई है जो कि यहाँ पर प्रभास रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर जो कि कमल हसन की भी वीडियो आने वाली है और यहाँ पर साथ ही दोस्तों हमें जो कि अमिताभ बच्चन का भी जो कि वीडियो आ चुका था तो वीडियो के साथ साथ बता दूँ इस फिल्म के बारे में तो फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है और फिल्म को पहले रिलीज़ करवाया जाने वाला था नौ मई दो में लेकिन इस फिल्म को पोस्टपोन किया गया अब यहाँ पर इस फिल्म को फाइनल रिलीज़ जो है इसम की डेट है ना वो कन्फर्म कर दी है इसको ट्वेंटी सेवन जून टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर में रिलीज़ करवाया जाएगा और यहाँ पर यह फ़िल्म बहुत ही कमाल की फ़िल्म होने वाली है कास्ट की बात करें तो यहाँ पर प्रभास भैरवा के रोल प्ले करते हुए दिखाई दिए हैं और यहाँ पर जो क्या अमिताभ बच्चन अश्वत्थामा का रोल प्ले करें और यहाँ पर कमल हसन काली का रोल प्ले करते हुए दिखाई दिए हैं और यहाँ पर दीपिका पैदा गोद पदमा का रोल प्ले करते हुए दिखाई देगी इस फिल्म यानी जो कि कल की मूवी में कल की मूवी में कास्ट जो स्पोर्टिंग रोल में आदर कास्ट जैसे डिशा पटानी है राजेंद्र प्रसाद हैं पशुपति है अनाबेन है और यहाँ पर कीर्ति सुरेश भी हैं जो कि और भी काफ़ी सारी जो कि कास्ट वगैरह जो इस फिल्म के अंदर देखने को मिल जाएगी तो ये फिल्म जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है फिल्म की डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टोपियन के साथ साथ साइफाई ड्रामा बहुत ही अच्छा लगेगा जो कि जो वी के ऊपर काम किया गया इसके जोडोग्राफी के ऊपर काम किया गया वो हॉलीवुड मूवी से जो के लगता है हॉलीवुड की जैसे हम मूवीज़ देख रहे हो जैसे अभी जो कि बुच्ची का करेक्टर इंट्रोड्यूस करवाया गया था साथ ही एक न्यू जो कि वहीकल यानी गाड़ी को इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है तो यहां पर जो कि काफी कमाल की जो कि वाइब्स आ रही थी फिल्म भी काफी इंटरेस्टिंग रहने वाली है अगर आप दोस्त प्रभास के डाई फैन यानी जो कि कल की मूवी के लिए आपके दोस्त कितना वेट करे बॉक्स कर में बताना है तो यहां पर इस फिल्म का जो कि मैं पहले भी बता चुका हूं फिल्म काफी इंटरेस्टिंग रहने वाली है जो कि लीड कास्ट के बारे में बता चुका हूं तो फिल्म बहुत ही कमाल की फिल्म होने वाली है जो कि फिल्म को जो डायरेक्ट करें नागश्मन इससे पहले वो काफ़ी कमाल की महान्य जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म भी बना चुके हैं तो काफ़ी कमाल के डायरेक्टर भी हैं अच्छे भी डायरेक्टर हैं और यहाँ पर इस फिल्म की बात करें तो यहाँ पर इस फिल्म की मार्केटिंग जो की जा रही है ना वो अभी जो कि बुच्ची का करेक्टर अनाउंस किया गया है साथ ही भैरवा को भी जो कि यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया जा चुका है साथ ही यहाँ पर अश्वथामा यानी अमिताभ बच्चन को भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया जा चुका है उसके बाद यहाँ पर काली का इंट्रोड्यूस होना बाकी है और यहाँ पर और भी काफी सारी जो कि जैसे यहाँ पर जो कि पदमा का इंट्रोड्यूस होना भी बाकी है जो कि यहाँ पर दिशा जो कि दीपिका पेड़ा को रो रोल प्ले करते हुए दिखाई देंगी तो ओवरऑल फिल्म काफी इंटरेस्टिंग रहने वाली है बहुत ही अमेजिंग फिल्म है और फिल्म के जब वी है ना जो इस फिल्म की स्टोरी है और साथ ही फिल्म का प्रजेंटेशन है ना वो बहुत ही माइंड ब्लोइंग होने वाला है जिस तरह से अभी तक इस फ़िल्म के ग्लिम्स वगैरह आउट किए गए हैं जिस तरह से अभी तक इस फ़िल्म के सी जी आई के ऊपर काम किया हुआ है तो हॉलीवुड की मूवीज जैसे हम देखते हैं ना वही वाइव्स आ रही हैं हॉलीवुड की तरह काफ़ी कमाल का यहाँ पर वी और यहाँ पर सी जी आई के ऊपर भी काम किया हुआ है ओवरऑल ये फिल्म बहुत ही कमाल की फिल्म होने वाली है और यहाँ पर इसम के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आप कितने एक्साइटेड हैं कन्मा में बताना है और यहाँ पर इस मूवी के बारे में बता दूँ तो इसम की जो स्टोरी रखी गई है ना वो दो जो कि अट्ठाईस अट्ठाईस सौ अट्ठावन में रखी गई है यानी फ्यूचर में हमें दिखाया जाएगी जो कि स्टोरी यहाँ पर जो कि पानी ख़त्म हो जाता है उसके बाद यहाँ पर कैसे वो यहाँ पर जो कि अपने अपने रोल प्लो यानी यहाँ पर वो कैसे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं ये सारा को दिखाया गया है और यहाँ पर कुछ जो कि फ्यूचर्स चीज़ें दिखाई जाएंगी रोबोट सारा कुछ यहाँ पर दिखाया जाने वाला है तो फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है अगर आप दोस्त प्रभास के डाई हार्ट फैन हो तो उनकी इस फिल्म यानी कल की के लिए कितना एक हो और में बताना है तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है तो यहाँ पर फिल्म को बता दूँ रिलीज़ करवाया जाने वाला है ट्वेंटी सेवन जून दो में जी हाँ सो सत्ताईस जून दो में इस फिल्म को उनको ऑफिशियली थिएटर्स में रिलीज़ करवा दिया गया जाएगा जो कि पैन इंडिया फिल्म को हिंदी के साथ साथ बाकी लैंग्वेज में भी रिलीज़ करवाया जाएगा तो ये फ़िल्म जो कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज भी देखने को मिल जाएगी तो इसम को काफी जो कि बड़े स्केल पर बनाया गया है और यहां पर फिल्म को काफी बड़े जो कि स्केल पर भी रिलीज करवाया जाएगा तो यहां पर फिल्म के अंदर मेन जो नेगेटिव रोल प्ले करें वो कमल हसन और यहां पर स्पोर्टिंग रोल में हमें देखने को मिले हैं जैसे दुलकर सलमान है यहाँ पर और भी काफ़ी सारी कास्ट है जिससे अपटानिया राणा द्रुपति है और भी काफ़ी सारी कास्ट इस फिल्म के अंदर हमें देखने को मिल जाएगी तो इस फिल्म का बजट भी बहुत ही बड़ा है जो कि इस फिल्म को 600 बजट के करोड़ के बजट में बनाया गया है और ये फिल्म हिंदी में इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करिए फिल्म और इस फिल्म को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिलने वाला है देखते हैं अगर इस फिल्म की स्टोरी में जो कि अच्छा जो कि प्रेजेंटेशन निकला तो इस फिल्म की जो कि वाइव्स अच्छी आई तो ये फिल्म बॉक्स भी डेफिनेटली दो करोड़ से भी ज़्यादा कलेक्शन करेगी

नहीं कर दें और साथ ही अगर आप दोस्तों प्रभास के डाई हार्ट फैन हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं हुआ कर दें और वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दें तो यहां पर दोस्तों बात कर रहा हूं कल की टू एडिट मूवी के बारे में जो कि एक साईफाई जो कि एक्शन फिशनल जो कि मूवी है और यहां पर यह सुपर सुपर यानी कि ये फिल्म इन फ्यूचर जो कि बनाई गई डिस्टोपियन फिल्म है और ये एक एक्शन थ्रिलर वाली फिल्म है और यहाँ पर बात करें कल की मूवी की कलकी टू ए नाइन ए डी मूवी इज़ अपकमिंग ट्वेंट ट्वेंटी ट्वेंटी फोर इंडियन एपिक एक्स साइफाई फ़िक्शनल एक्शन थ्रिलर फिल्म रिटर्न डायरेक्टेड बाय नाग अश्विन प्रोड्यूस बाय सी अश्विन जो कि अश्विनी दत्त एंडर द बैनर विजयती मूवीज एंड तेलुगु फिल्म जो कि सम शूट्स इन रे शूट इन हिंदी इंस्पायर्ड बाय हिंदू स्क्रिप्ट पिक्चर्स तो यहाँ पर दोस्तों बात करें फिल्म यानी कल की टू एट नाइन एट मूवी के बारे में तो ये बहुत ही कमाल की एक्शन थ्रिलर वाली फिल्म है और यहाँ पर जो कि फ्यूचरिस्ट के ऊपर बनाई गई फिल्म है और यहाँ पर जो कि भैरवा को इंट्रोड्यूस करवाया जा चुका है यानी प्रभात जो है फिल्म के अंदर है ना वो काली का रोल प्ले नहीं कर चुके कर रहे यहाँ पर भैरवा का रोल प्ले करते हुए दिखाई दिए हैं और यहाँ पर जो कि हमें कमल हसन भी देखने को मिले हैं कमल हसन ने यहाँ पर काली का रोल प्ले करते हुए दिखाई दिए हैं तो यहाँ पर कुछ चीज़ों की बात करें तो जैसे आप जिसको बता दूँ यहाँ पर जो कि ट्रैक करें नाग अश्विन स्क्रीन प्ले में भी जो कि नाग अश्विन ने जो कि लिखा हुआ है और यहाँ पर बात करें डायलाग्स की तो यहाँ पर साई माधव बुरा ने डलाग्स को लिखा हुआ है और यहाँ पर जो कि स्टोरी के भी राइटर भी नाग अश्विन हैं और यहाँ पर सिमोटोग्राफी की है दि दे स्टॉलेज कोविक ने और यहाँ पर बात करें फिल्म की एडिट की तो यहाँ पर कोटागिरी वेंकटेश्वर राव ने इस फिल्म को एडिट किया हुआ है और यहाँ पर म्यूज़िक दिया है संतोष नारायण ने और यहाँ पर प्रोडक्शन कंपनी वैजयंती मूवीज़ और फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है कंपनी ए फिल्म जहाँ सो ए फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है और फिल्म को ट्वेंटी सेवन जून टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर में फाइनली रिलीज़ करवाया जाएगा और ये फिल्म तेलुगु लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी लैंग्वेज की फिल्म है और इसको हिंदी में भी शूट किया गया है और यहाँ पर तेलुगु लैंग्वेज में भी शूट किया हुआ है तो इस फिल्म का बजट की बात करें तो यहाँ पर इस फिल्म का जो बजट वगैरह है बहुत ही बड़ा बजट है और फिल्म का बजट है छः सौ करोड़ जी हाँ सो छः सौ करोड़ इस फिल्म का बहुत ही बड़ा बजट है और फिल्म को ऑफियली जो कि रिलीज़ भी करवाया जाएगा और यहाँ पर इस फिल्म के अभी जो कि न्यू वीडियो भी आउट की गई है जिसमें हमें जो कि बुच्ची को अनाउंस किया गया है वो जो कि एक रोबोट है उसको अनाउंस किया गया है और यहाँ पर भैरवा का लुक भी जो कि हमें दिखाया गया उनकी एक न्यू वीडियो भी आउट की गई है जो कि यहाँ पर प्रभास रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर जो कि कमल हसन की भी वीडियो आने वाली है और यहाँ पर साथ ही दोस्तों हमें जो कि अमिताभ बच्चन का भी जो कि वीडियो आ चुका था तो वीडियो के साथ साथ बता दूँ इस फिल्म के बारे में तो फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है और फिल्म को पहले रिलीज़ करवाया जाने वाला था नौ मई दो में लेकिन इस फिल्म को पोस्टपोन किया गया अब यहाँ पर इस फिल्म को फाइनल रिलीज जो है इसम की डेट है ना वो कन्फर्म कर दिया इसको ट्वेंटी सेवन जून टू थाउजेंड ट्वेंटी में रिलीज़ करवाया जाएगा और यहाँ पर यह फ़िल्म बहुत ही कमाल की फ़िल्म होने वाली है कास्ट की बात करें तो यहाँ पर प्रभास भैरवा के रोल प्ले करते हुए दिखाई दिए हैं और यहाँ पर जो क्या अमिताभ बच्चन अस्वत का रोल प्ले कर करें और यहाँ पर कमल हसन काली का रोल प्ले करते हुए दिखाई दिए हैं और यहाँ पर दीपिका पैदा गोत पदमा का रोल प्ले करते हुए दिखाई देगी इस फिल्म यानी जो कि कल की मूवी में कल की मूवी में कास्ट जो स्पोर्टिंग रोल में आदर कास्ट जैसे डिशा पटानी है राजेंद्र प्रसाद हैं पशुपति है बेन है और यहाँ पर कीर्ति सुरेश भी हैं जो कि और भी काफ़ी सारी जो कि कास्ट वगैरह जो है फिल्म के अंदर देखने को मिल जाएगी तो ये फिल्म जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है फिल्म की डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टोपियन के साथ साथ, इस का साथ ड्रामा बहुत ही अच्छा लगेगा जो कि जो वी एफ एक्स के ऊपर काम किया गया इसके जो के के कि वो हॉलीवुड मूवीस है जो कि लगता है हॉलीवुड की जैसे हम मूवीज़ देख रहे हो जैसे अभी जो कि बुच्ची का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करवाया गया था साथ ही एक न्यू जो कि व्हीकल यानी गाड़ी को इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है तो यहां पर जो कि काफी कमाल की जो कि वाइब्स आ रही थी फिल्म भी काफी इंटरेस्टिंग रहने वाली है अगर आप दोस्त प्रभास के डाई हार्ट फैन उनकी लिए फिल्म यानी जो कि कल की मूवी के लिए आपके दोस्त कितना वेट करे कम बॉक्स में बताना है तो यहां पर इस फिल्म का जो कि मैं पहले भी बता चुका हूं फिल्म काफी इंटरेस्टिंग रहने वाली है जो कि लीड कास्ट के बारे में बता चुका हूं तो फिल्म बहुत ही कमाल की फिल्म होने वाली है जो कि सिम को जो डायरेक्ट करें नागश्मन इससे पहले वो काफ़ी कमाल की महान्यति जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म भी बना चुके हैं तो काफ़ी कमाल के डायरेक्टर भी हैं अच्छे भी डायरेक्टर हैं और यहाँ पर इस फिल्म की बात करें तो यहाँ पर इस फिल्म की मार्केटिंग जो की जा रही है ना वभी तो जो कि बुच्ची का करेक्टर अनाउंस किया गया है साथ ही भैरवा का भी जो कि यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया जा चुका है साथ ही यहाँ पर अथवा यानी अमिताभ बच्चन को भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया जा चुका है उसके बाद यहाँ पर काली का इंट्रोड्यूस होना बाकी है और यहाँ पर और भी काफी सारी जो कि जैसे यहाँ पर जो कि पदमा का इंट्रोड्यूस होना भी बाकी है जो कि यहाँ दिशा जो कि दीपिका पेड़ा को रो रोल प्ले करते हुए दिखाई देंगी तो ओवरऑल फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है बहुत ही अमेजिंग फिल्म है और फिल्म के जब वी एफ एक्स है ना जो इस फिल्म की स्टोरी है और साथ ही फिल्म का प्रेजेंटेशन है ना वो बहुत ही माइंड ब्लोइंग होने वाला है जिस तरह से अभी तक इस फ़िल्म के ग्लिम्स वगैरह आउट किए गए हैं जिस तरह से अभी तक इस फ़िल्म के सी जी आई के ऊपर काम किया हुआ है तो हॉलीवुड की मूवीज जैसे हम देखते हैं ना वही वाइव्स आ रही हैं हॉलीवुड की तरह काफ़ी कमाल का यहाँ पर वी और यहाँ पर सी के ऊपर भी काम किया हुआ है ओवरऑल ये फिल्म बहुत ही कमाल की फिल्म होने वाली है और यहाँ पर इस फिल्म के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आप कितने एक्साइटेड हैं कन्मा में बताना है और यहाँ पर इस मूवी के बारे में बता दूँ तो इस फिल्म की जो स्टोरी रखी गई है ना वो 2000 जो कि अट्ठाईस अट्ठाईस सौ अट्ठावन में रखी गई है यानी फ्यूचर में हमें दिखाया जाएगी जो कि स्टोरी यहाँ पर जो कि पानी ख़त्म हो जाता है उसके बाद यहाँ पर कैसे वो यहाँ पर जो कि अपने अपने रोल प्लो यानी यहाँ पर वो कैसे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं ये सारा को दिखाया गया है और यहाँ पर कुछ जो कि फ्यूचर्स चीज़ें दिखाई जाएंगी रोबोट सारा कुछ यहाँ पर दिखाया जाने वाला है तो फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है अगर आप दोस्त प्रभास के डाई हार्ट फैन हो तो उनकी इस फिल्म यानी कलकी के लिए कितना एक्साइटेड साइड कैनवास में बताना है तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है तो यहाँ पर फिल्म को बता दूँ रिलीज़ करवाया जाने वाला है ट्वेंटी जून दो में जी हाँ सो सताइस जून दो में इस फिल्म को ऑफिशली थिएटर्स में रिलीज़ करवा दिया गया जाएगा जो कि पैन इंडिया फिल्म को हिंदी के साथ साथ बाकी लैंग्वेज में भी रिलीज़ करवाया जाएगा तो ये फिल्म जो कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज में भी देखने को मिल जाएगी तो इस को काफी जो कि बड़े स्केल पर बनाया गया है और यहां पर उनको काफी बड़े जो कि स्केल पर भी रिलीज करवाया जाएगा तो यहां पर इसमें के अंदर मेन जो नेगेटिव रोल प्ले करें वो कमल हसन और यहां पर स्पोर्टिंग रोल में हमें देखने को मिले हैं जैसे दुलकर सलमान है यहाँ पर और भी काफ़ी सारी कास्ट है जिससे अपरानिया राणा दुगपति है और भी काफ़ी सारी कास्ट इस इन के अंदर हमें देखने को मिल जाएगी तो इस इम का बजट भी बहुत ही बड़ा है जो कि फिल्म को 600 बजट के करोड़ के बजट में बनाया गया है और ये फिल्म हिंदी में इसको डिस्ट्रीब्यूट करिए फिल्म और इसम को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिलने वाला है देखते हैं अगर इस फिल्म की स्टोरी में जो कि अच्छा जो कि प्रेजेंटेशन निकला तो इसम की जो कि वाइव्स अच्छी आई तो ये फिल्म बॉक्स डेफिनेटली दो करोड़ से भी ज़्यादा कलेक्शन करेगी और यहां पर प्रभास की फिल्म यानी बाहुबली का भी रिकॉर्ड ब्रेक कर सकती है और यहां पर इस फिल्म के लिए आप कितना कर बताने ना। के बारे में जी हाँ सोफिशियल रिलीज डेट कंफर्म कर दी गई है और इस को जो कि रिलीज करवाया जाने वाला है साथ ही न्यू अपडेट्स भी आ चुकी हैं और ट्रेलर कब आने वाला है वो भी बताने वाला हूं तो अगर आप सुने अभी तक वीडियो को भी लाइक नहीं किया कर दें और साथ ही अगर आप दोस्तों प्रभास के डाई हार्ट फैन हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं हुआ कर दें और वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दें तो यहां पर दोस्तों बात कर रहा हूं कल की टू ए नाइन एडिट मूवी के बारे में जो कि एक साईफाई जो कि एक्शन फिशनल जो कि मूवी है और यहां पर ये सुपर जो कि सुपर सुपर यानी कि ये फिल्म इन फ्यूचर जो कि बनाई गई डिस्टोपियन फिल्म है और ये एक एक्शन थ्रिलर वाली फिल्म है और यहाँ पर बात करें कलकी मूवी की कलकी टू ए नाइन ए डी मूवी इस अपकमिंग ट्वें ट्वेंटी ट्वेंटी फोर इंडियन एपिक एक्स फाई फिक्शनल एक्शन थ्रिलर फिल्म रिटर्न डायरेक्टेड बाय नाग अश्विन प्रोड्यूस बाय सी अश्विन जो कि अश्विनी दत्त एंड द बैनर विजयती मूवीज एंड तेलगू फिल्म जो कि सम शूट्स इन रू शूट इन हिंदी इंस्पायर्ड बाय हिंदू स्क्रिप्ट पिक्चर्स तो यहाँ पर दोस्तों बात करें फ़िल्म यानी कल की टू एट नाइन एट मूवी के बारे में तो ये बहुत ही कमाल की एक्शन थ्रिलर वाली फ़िल्म है और यहाँ पर जो कि फ्यूचरिस्ट के ऊपर बनाई गई फिल्म है और यहाँ पर जो कि भैरवा को इंट्रोड्यूस करवाया जा चुका है यानी प्रभास जो है फिल्म के अंदर है ना वो काली का रोल प्ले नहीं कर चुके कर रहे यहाँ पर भैरवा का रोल प्ले करते हुए दिखाई दिए हैं और यहाँ पर जो कि हमें कमल हसन भी देखने को मिले हैं कमल हसन ने यहाँ पर काली का रोल प्ले करते हुए दिखाई दिए हैं तो यहाँ पर कुछ चीज़ों की बात करें तो जैसे आप जिसको बता दूँ यहाँ पर जो कि ट्रैक करें नाग अशविन स्क्रीन प्ले में भी जो कि नाग अशविन है जो कि लिखा हुआ है और यहाँ पर बात करें डायलाग्स की तो यहाँ पर साई माधव बुरा ने डायग्स को लिखा हुआ है और यहाँ पर जो कि स्टोरी के भी राइटर भी नाग अशविन है और यहाँ पर सिनेमोटोग्राफी की है दि दे स्टॉलेज कोविक ने और यहाँ पर बात करें फिल्म के एडिट की तो यहाँ पर कोटा गिरी वेंकटेश्वर राव ने फिल्म को एडिट किया हुआ है और यहाँ पर म्यूज़िक दिया है संतोष नारायण ने और यहाँ पर प्रोडक्शन कंपनी वजयंती मूवीज़ और फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है कंपनी ए ए फिल्म जी हाँ सो ए फिल्म इनको डिस्ट्रीब्यूट कर रही है और फिल्म को ट्वेंटी सेवन जून टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर में फाइनली रिलीज़ करवाया जाएगा और ये फिल्म तेलुगु लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी लैंग्वेज की फिल्म है और फिल्म हिंदी में भी शूट किया गया है और यहाँ पर तेलुगु लैंग्वेज में भी शूट किया हुआ है तो इस फिल्म का बजट की बात करें तो यहाँ पर इस फिल्म का जो बजट वगैरह है बहुत ही बड़ा बजट है और फिल्म का बजट है छः सौ करोड़ जी हाँ सो छः सौ करोड़ इस फिल्म का बहुत ही बड़ा बजट है और फिल्म को ऑफियली जो कि रिलीज़ भी करवाया जाएगा और यहाँ पर इस फिल्म के अभी जो कि न्यू वीडियो भी आउट किए गई है जिसमें हमें जो कि बुच्ची को अनाउंस किया गया है वो जो कि एक रोबोट है उसको अनाउंस किया गया है और यहाँ पर भैरवा का लुक भी जो कि हमें दिखाया गया उनकी एक न्यू वीडियो भी आउट की गई है जो कि यहाँ पर प्रभास रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर जो कि कमल हसन की भी वीडियो आने वाली है और यहाँ पर साथ ही जो हमें जो कि अमिताभ बच्चन का भी जो कि वीडियो आ चुका था तो वीडियो के साथ साथ बता दूँ इस फिल्म के बारे में तो फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है और फिल्म को पहले रिलीज़ करवाया जाने वाला था नौ मई दो में लेकिन इस फिल्म को पोस्टपोन किया गया अब यहाँ पर इस फिल्म को फाइनल रिलीज़ जो है फिल्म की डेट है ना वो वनफर्म कर दिया इसको ट्वेंटी सेवन जून टू थाउजेंड ट्वेंटी में रिलीज़ करवाया जाएगा और यहाँ पर यह फिल्म बहुत ही कमाल की फ़िल्म होने वाली है कास्ट की बात करें तो यहाँ पर प्रभास भैरवा के रोल प्ले करते हुए दिखाई दिए हैं और यहाँ पर जो क्या अमिताभ बच्चन अश्वथ का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर कमल हसन काली का रोल प्ले करते हुए दिखाई दिए हैं और यहाँ पर दीपिका पैदा गौत पदमा का रोल प्ले करते हुए दिखाई देगी इस फिल्म यानी जो कि कल की मूवी में कल की मूवी में कास्ट जो स्पोर्टिंग रोल में आदर कास्ट जैसे डिशा पटानी है राजेंद्र प्रसाद हैं पशुपति है अनाबेन है और यहाँ पर कीर्ति सुरेश भी हैं जो कि और भी काफ़ी सारी जो कि कास्ट वगैरह जो है फिल्म के अंदर देखने को मिल जाएगी तो ये फिल्म जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है फिल्म की डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टोपियन के साथ साथ इस फिल्म का ड्रामा बहुत ही अच्छा लगेगा जो कि जो वी कि एक्स के ऊपर काम, काम किया गया वो हॉलीवुड मूवी से जो कि लगता है हॉलीवुड की जैसे हम मूवीस देख रहे हो जैसे अभी जो कि बुच्ची का करेक्टर इंट्रोड्यूस करवाया गया था साथ ही एक न्यू जो कि वहीकल यानी गाड़ी को इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है तो यहां पर जो कि काफी कमाल की जो कि वाइब्स आ रही थी फिल्म भी काफी इंटरेस्टिंग रहने वाली है अगर आप दोस्त प्रभास के डाई फैन यानी जो कि कल की मूवी के लिए आपके दोस्त कितना वेट करे बॉक्स कर में बताना है तो यहां पर इस का जो कि मैं पहले भी बता चुका हूं फिल्म काफी इंटरेस्टिंग रहने वाली है जो कि लीड कास्ट के बारे में बता चुका हूँ तो फिल्म बहुत ही कमाल की फिल्म होने वाली है जो कि सिम को जो डायरेक्ट करें नागमन इससे पहले वो काफ़ी कमाल की महानती जैसी ब्लॉक फिल्म भी बना चुके हैं तो काफ़ी कमाल के डायरेक्टर भी हैं अच्छे भी डायरेक्टर हैं और यहाँ पर इस फिल्म की बात करें तो यहाँ पर इस फिल्म की मार्केटिंग जो की जा रही है ना वो अभी जो कि बुच्ची का करेक्टर अनाउंस किया गया है साथ ही भैरवा का भी जो कि यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया जा चुका है साथ ही यहाँ पर अश्वथामा यानी अमिताभ बच्चन को भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया जा चुका है उसके बाद यहाँ पर काली का इंट्रोड्यूस होना बाकी है और यहाँ पर और भी काफी जो के जैसे यहाँ पर जो कि पदमा का इंट्रोड्यूस होना भी बाकी है जो कि यहाँ पर दिशा जो दीपिका पेड़ा को रोल रो प्ले करते हुए दिखाई देंगी तो ओवरऑल फिल्म काफी इंटरेस्टिंग रहने वाली है बहुत ही अमेजिंग फिल्म है और फिल्म के जब वी एफ एक्स है ना जो इस फिल्म की स्टोरी है और साथ ही फिल्म का प्रेजेंटेशन है ना वो बहुत ही माइंड ब्लोइंग होने वाला है जिस तरह से अभी तक इस फ़िल्म के गिलिम्प्स वगैरह आउट किए गए हैं जिस तरह से अभी तक इस फ़िल्म के सी जी आई के ऊपर काम किया हुआ है तो हॉलीवुड की मूवीज जैसे हम देखते हैं ना वही वाइव्स आ रही हैं हॉलीवुड की तरह काफ़ी कमाल का यहाँ पर वी और यहाँ पर सी जी आई के ऊपर भी काम किया हुआ है ओवरऑल ये फिल्म बहुत ही कमाल की फिल्म होने वाली है और यहाँ पर इस फिल्म के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आप कितने एक्साइटेड हैं कन्मा में बताना है और यहाँ पर इस मूवी के बारे में बता दूँ तो इस फिल्म की जो स्टोरी रखी गई है ना वो दो जो कि अट्ठाईस अट्ठाईस में रखी गई है यानी फ्यूचर में हमें दिखाया जाएगी जो कि स्टोरी यहाँ पर जो कि पानी ख़त्म हो जाता है उसके बाद यहाँ पर कैसे वो यहाँ पर जो कि अपने अपने रोल प्लो यानी यहाँ पर वो कैसे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं ये सारा को दिखाया गया है और यहाँ पर कुछ जो कि फ्यूचर्स चीज़ें दिखाई जाएंगी रोबोट सारा कुछ यहाँ पर दिखाया जाने वाला है तो फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है अगर आप दोस्त प्रभास के डाई हार्ट फैन हो तो उनकी इस फिल्म यानी कलकी के लिए कितना एक्साइडेड कैनवास में बताना है तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है तो यहाँ पर फिल्म को तो बता दूँ रिलीज़ करवाया जाने वाला है ट्वेंटी जून दो में जी हाँ सो सत्ताईस जून दो में इस फिल्म को ऑफिशली थिएटर्स में रिलीज़ करवा दिया गया जाएगा जो कि पैन इंडिया फिल्म को हिंदी के साथ साथ बाकी लैंग्वेज में भी रिलीज़ करवाया जाएगा तो ये फिल्म जो कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज भी देखने को मिल जाएगी तो इसमें काफी जो के बड़े स्केल पर बनाया गया है और यहां पर इस को काफी बड़े जो के स्केल पर भी रिलीज करवाया जाएगा तो यहां पर फिल्म के अंदर मेन जो नेगेटिव रोल प्ले करें वो कमल हसन और यहां पर स्पोर्टिंग रोल में हमें देखने को मिले हैं जैसे दुलकर सलमान है यहाँ पर और भी काफ़ी सारी कास्ट है जी अपरानिया राणा द्रगपति है और भी काफ़ी सारी कास्ट इस फिल्म के अंदर हमें देखने को मिल जाएगी तो इस फिल्म का बजट भी बहुत ही बड़ा है जो कि फ़िल्म को 600 बजट के करोड़ के बजट में बनाया गया है और ये फिल्म हिंदी में इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करिए फिल्म और इस फिल्म को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिलने वाला है देखते हैं अगर इस फिल्म की स्टोरी में जो कि अच्छा जो कि प्रजेंटेशन निकला तो इस फिल्म की जो कि वाइव्स अच्छी आई तो ये फ़िल्म बॉक्स डेफिनेटली दो करोड़ से भी ज़्यादा कलेक्शन करेगी और यहां पर प्रभास की फिल्म यानी बाहुबली का भी रिकॉर्ड ब्रेक कर सकती है और यहां पर इस फिल्म के लिए आप कितना बताने ना। के बारे में जी हाँ सो इस की ऑफिशियल रिलीज डेट कंफर्म कर दी गई है और फिल्म को जो कि रिलीज करवाया जाने वाला है साथ ही न्यू अपडेट्स भी आ चुकी हैं और फिल्म का ऑफिशियल ट्रेलर कब आने वाला है वो भी बताने वाला हूं तो अगर आप सुनें अभी तक वीडियो को भी लाइक नहीं के कर दें और साथ ही अगर आप प्रभास के डाई हार्ट फैन हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं हुआ कर दें और वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दें तो यहां पर दोस्तों बात कर रहा हूं कल की टू ए नाइन एडिट मूवी के बारे में जो कि एक साईफाई जो कि एक्शन फिशनल मूवी है और यहां पर ये सुपर यानी कि ये फिल्म इन फ्यूचर जो कि बनाई गई डिस्टोपियन फिल्म है और ये एक एक्शन थ्रिलर वाली फिल्म है और यहाँ पर बात करें कल की मूवी की कल की टू ए नाइन ए डी मूवीज़ अपकमिंग ट्वें ट्वेंटी ट्वेंटी फोर इंडियन एपिक एक्स साई फाई फिक्शनल एक्शन थ्रिलर फिल्म रिटर्न डायरेक्टेड बाय नाग अश्विन प्रोड्यूस बाय सी अश्विन जो कि अश्विनी दत्त एंड द बैनर विजयती मूवीज एंड तेलुगु फिल्म जो कि सम शूट्स इन रिव शूट इन हिंदी इंस्पायर्ड बाय हिंदू स्क्रिप्ट पिक्चर्स तो यहाँ पर दोस्तों बात करें फिल्म यानी कल की टू एट नाइन एट एड मूवी के बारे में तो ये एक बहुत ही कमाल की एक्शन थ्रिलर वाली फ़िल्म है और यहाँ पर जो कि फ्यूचरिस्ट के ऊपर बनाई गई फिल्म है और यहाँ पर जो कि भैरवा को इंट्रोड्यूस करवाया जा चुका है यानी प्रभात जो इस फिल्म के अंदर है ना वो काली का रोल प्ले नहीं कर चुके कर रहे यहाँ पर भैरवा का रोल प्ले करते हुए दिखाई दिए हैं और यहाँ पर जो कि हमें कमल हसन भी देखने को मिले हैं कमल हसन ने यहाँ पर काली का रोल प्ले करते हुए दिखाई दिए हैं तो यहाँ पर कुछ चीज़ों की बात करें तो जैसे आप आपको बता दूँ यहाँ पर जो कि ट्रैक हैं नाग अशविन स्क्रीन प्ले में भी जो कि नाग अशविन ने जो कि लिखा हुआ है और यहाँ पर बात करें डायलाग्स की तो यहाँ पर सई माधवरापुरा ने डाइलाग्स को लिखा हुआ है और यहाँ पर जो कि स्टोरी के भी राइटर भी नाग अशविन है और यहाँ पर सिनेमोटोग्राफी की है दे स्टॉलेज कोविक ने और यहाँ पर बात करें फिल्म के एडिट की तो यहाँ पर कोटागिरी वेंकटेश्वर राव ने फिल्म को एडिट किया हुआ है और यहाँ पर म्यूज़िक दिया है संतोष नारायण ने और यहाँ पर प्रोडक्शन कंपनी वैजयंती मूवीज़ और फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है कंपनी ए ए फिल्म जी हाँ सो ए, -ए फिल्म इनको डिस्ट्रीब्यूट कर रही है और फिल्म को ट्वेंटी सेवन जून टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर में फाइनली रिलीज़ करवाया जाएगा और ये फिल्म तेलुगु लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी लैंग्वेज की फिल्म है और फिल्म हिंदी में भी शूट किया गया है और यहाँ पर तेलुगु लैंग्वेज में भी शूट किया हुआ है तो इस फिल्म का बजट की बात करें तो यहाँ पर इस फिल्म का जो बजट वगैरह है बहुत ही बड़ा बजट है और फिल्म का बजट है छः सौ करोड़ जी हाँ सो छः सौ करोड़ इस फिल्म का बहुत ही बड़ा बजट है और फिल्म को ऑफियली जो कि रिलीज़ भी करवाया जाएगा और यहाँ पर इस फिल्म के अभी जो कि न्यू वीडियो भी आउट किए गए हैं जिसमें हमें जो कि बुच्ची को अनाउंस किया गया है वो जो कि एक रोबोट है उसको अनाउंस किया गया है और यहाँ पर भैरवा का लुक जो कि हमें दिखाया गया उनकी एक न्यू वीडियो भी आउट की गई है जो कि यहाँ पर प्रभास रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर जो कि कमल हसन की भी वीडियो आने वाली है और यहाँ पर साथ ही दोस्तों हमें जो कि अमिताभ बच्चन का भी जो कि वीडियो आ चुका था तो वीडियो के साथ साथ बता दूँ इस फिल्म के बारे में तो फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है और फिल्म को पहले रिलीज़ करवाया जाने वाला था नौ मई दो में लेकिन इस फिल्म को पोस्टपोन किया गया अब यहाँ पर इस फिल्म को फाइनल रिलीज़ जो है फिल्म की डेट है ना वो कन्फर्म कर दी है इसको ट्वेंटी सेवन जून टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर में रिलीज़ करवाया जाएगा और यहाँ पर यह फिल्म बहुत ही कमाल की फ़िल्म होने वाली है कास्ट की बात करें तो यहाँ पर प्रभास भैरवा के रोल प्ले करते हुए दिखाई दिए हैं और यहाँ पर जो क्या अमिताभ बच्चन अश्वत्थामा का रोल प्ले करें और यहाँ पर कमल हसन काली का रोल प्ले करते हुए दिखाई दिए हैं और यहाँ पर दीपिका पैदा गोद पदमा का रोल प्ले करते हुए दिखाई देगी इस फिल्म यानी जो कि कल की मूवी में कल की मूवी में कास्ट जो स्पोर्टिंग रोल में आदर कास्ट जैसे डिशा पटानी है राजेंद्र प्रसाद हैं पशुपति है अनाबेन है और यहाँ पर कीर्ति सुरेश भी हैं जो कि और भी काफ़ी सारी जो कि कास्ट वगैरह जो इस फिल्म के अंदर देखने को मिल जाएगी तो ये फिल्म जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है फिल्म की डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टोपियन के साथ साथ इस फिल्म का साइफाई ड्रामा बहुत ही अच्छा लगेगा जो कि जो वी के ऊपर काम किया गया इसके जोफी के ऊपर काम किया गया वो हॉलीवुड मूवी से जो के लगता है हॉलीवुड की जैसे हम मूवीस देख रहे हो जैसे अभी जो कि बुच्ची का करेक्टर इंट्रोड्यूस करवाया गया था साथ ही एक न्यू जो कि वहीकल यानी गाड़ी को इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है तो यहां पर जो कि काफी कमाल की जो कि वाइब्स आ रही थी फिल्म भी काफी इंटरेस्टिंग रहने वाली है अगर आप दोस्त प्रभास के डाई फैन यानी जो कि कल की मूवी के लिए आपके दोस्त कितना वेट करे कम्स कर में बताना है तो यहां पर इस फिल्म का जो कि मैं पहले भी बता चुका हूं फिल्म काफी इंटरेस्टिंग रहने वाली है जो कि लीड कास्ट के बारे में बता चुका हूं तो फिल्म बहुत ही कमाल की फिल्म होने वाली है जो कि सिल्म को जो डायरेक्ट करें नागेशवन इससे पहले वो काफ़ी कमाल की महान्यति जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म भी बना चुके हैं तो काफ़ी कमाल के डायरेक्टर भी हैं अच्छे भी डायरेक्टर हैं और यहाँ पर इस फिल्म की बात करें तो यहाँ पर इस फिल्म की मार्केटिंग जो की जा रही है ना वो अभी जो कि बुच्ची का करेक्टर अनाउंस किया गया है साथ ही भैरवा को भी जो कि यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया जा चुका है साथ ही यहाँ पर अश्वथामा यानी अमिताभ बच्चन को भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया जा चुका है उसके बाद यहाँ पर काली का इंट्रोड्यूस होना बाकी है और यहाँ पर और भी काफी सारी जो कि जैसे यहाँ पर जो कि पदमा का इंट्रोड्यूस होना भी बाकी है जो कि यहाँ पर दिशा जो कि दीपिका पेड़ा को रो रोल प्ले करते हुए दिखाई देंगी तो ओवरऑल फिल्म काफी इंटरेस्टिंग रहने वाली है बहुत ही अमेजिंग फिल्म है और फिल्म के जब वी है ना जो इस फिल्म की स्टोरी है और साथ ही फिल्म का प्रजेंटेशन है ना वो बहुत ही माइंड ब्लोइंग होने वाला है जिस तरह से अभी तक इस फ़िल्म के ग्लिम्स वगैरह आउट किए गए हैं जिस तरह से अभी तक इस फ़िल्म के सी जी आई के ऊपर काम किया हुआ है तो हॉलीवुड की मूवीज जैसे हम देखते हैं ना वही वाइव्स आ रही हैं हॉलीवुड की तरह काफ़ी कमाल का यहाँ पर वी और यहाँ पर सी जी आई के ऊपर भी काम किया हुआ है ओवरऑल ये फिल्म बहुत ही कमाल की फिल्म होने वाली है और यहाँ पर के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आप कितने एक्साइटेड हैं कन्मा में बताना है और यहाँ पर इस मूवी के बारे में बता दूँ तो इसम की जो स्टोरी रखी गई है ना वो दो जो कि अट्ठाईस अट्ठाईस सौ अट्ठावन में रखी गई है यानी फ्यूचर में हमें दिखाया जाएगी जो कि स्टोरी यहाँ पर जो कि पानी ख़त्म हो जाता है उसके बाद यहाँ पर कैसे वो यहाँ पर जो कि अपने अपने रोल प्लो यानी यहाँ पर वो कैसे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं ये सारा को दिखाया गया है और यहाँ पर कुछ जो कि फ्यूचर्स चीज़ें दिखाई जाएंगी रोबोट सारा कुछ यहाँ पर दिखाया जाने वाला है तो फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है अगर आप दोस्त प्रभास के डाई हार्ट फैन हो तो उनकी इस फिल्म यानी कल्की के लिए कितना एक सैडेड और में बताना है तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है तो यहाँ पर फिल्म को बता दूँ रिलीज़ करवाया जाने वाला है ट्वेंटी जून दो में जी हाँ सो सत्ताईस जून दो में इस फिल्म को उनको ऑफिशियली थिएटर्स में रिलीज़ करवा दिया गया जाएगा जो कि पैन इंडिया फिल्म को हिंदी के साथ साथ बाकी लैंग्वेज में भी रिलीज़ करवाया जाएगा तो ये फिल्म जो कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज भी देखने को मिल जाएगी तो इसमें को काफी जो कि बड़े स्केल पर बनाया गया है और यहां पर इसमें को काफी बड़े जो कि स्केल पर भी रिलीज करवाया जाएगा तो यहां पर इसमें के अंदर मेन जो नेगेटिव रोल प्ले करें वो कमल हसन और यहाँ पर स्पोर्टिंग रोल में हमें देखने को मिले हैं जैसे दुलकर सलमान है यहाँ पर और भी काफ़ी सारी कास्ट है जिस अपरानिया राणा दुगपति है और भी काफ़ी सारी कास्ट इस फिल्म के अंदर हमें देखने को मिल जाएगी तो इस इन का बजट भी बहुत ही बड़ा है जो कि फिल्म को 600 बजट के करोड़ के बजट में बनाया गया है और ये फिल्म हिंदी में इसम को डिस्ट्रीब्यूट करिए फिल्म और इसको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिलने वाला है देखते हैं अगर इस फिल्म की स्टोरी में जो कि अच्छा जो कि प्रेजेंटेशन निकला तो इस फिल्म की जो कि वाइव्स अच्छी आई तो ये फ़िल्म बॉक्स डेफ़िनेटली दो करोड़ से भी ज़्यादा कलेक्शन करेगी और यहां पर प्रभास की फिल्म यानी बाहुबली का भी रिकॉर्ड ब्रेक कर सकती है और यहां पर इस फिल्म के लिए आप कितना एंड बैक दी वीडियो तो दोस्तों आज की इस में बात करने जा रहा हूँ रिपेल स्टार प्रभास की मूवी कल की टू ए, एड़ एड़ के बारे में जी हाँ सो इस की ऑफिशियली रिलीज डेट कंफर्म कर दी गई है और फिल्म को जो कि रिलीज करवाया जाने वाला है साथ ही फिल्म की न्यू अपडेट्स भी आ चुकी हैं और फिल्म का ऑफिशियल ट्रेलर कब आने वाला है वो भी बताने वाला हूँ तो अगर आप सुने अभी तक वीडियो को भी लाइक नहीं कर दें और साथ ही अगर आप प्रभास के डाई हार्ट फैन हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं हुआ कर दें और वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दें तो यहां पर दोस्तों बात कर रहा हूं कल की टू नाइन एडिट मूवी के बारे में जो कि एक साईफाई जो कि एक्शन फिशनल मूवी है और यहां पर यह सुपर यानी कि ये फिल्म इन फ्यूचर जो कि बनाई गई डिस्टोपियन फिल्म है और ये एक एक्शन थ्रिलर वाली फिल्म है और यहाँ पर बात करें कल की मूवी की कलकी टू ए नाइन ए डी मूवी इज़ अपकमिंग ट्वेंट ट्वेंटी ट्वेंटी फोर इंडियन एपिक एक्स साइफाई फ़िक्शनल एक्शन थ्रिलर फिल्म रिटर्न डायरेक्टेड बाय नाग अश्विन प्रोड्यूस बाय सी अश्विन जो कि अश्विनी दत्त एंडर द बैनर विजयती मूवीज एंड तेलुगु फिल्म जो कि सम शूट्स इन रे शूट इन हिंदी इंस्पायर्ड बाय हिंदू स्क्रिप्ट पिक्चर्स तो यहाँ पर दोस्तों बात करें फिल्म यानी कल की टू एट नाइन एट मूवी के बारे में तो ये एक बहुत ही कमाल की एक्शन थ्रिलर वाली फिल्म है और यहाँ पर जो कि फ्यूचरिस्ट के ऊपर बनाई गई फिल्म है और यहाँ पर जो कि भैरवा को इंट्रोड्यूस करवाया जा चुका है यानी प्रभात जो है फिल्म के अंदर है ना वो काली का रोल प्ले नहीं कर चुके कर रहे यहाँ पर भैरवा का रोल प्ले करते हुए दिखाई दिए हैं और यहाँ पर जो कि हमें कमल हसन भी देखने को मिले हैं कमल हसन ने यहाँ पर काली का रोल प्ले करते हुए दिखाई दिए हैं तो यहाँ पर कुछ चीज़ों की बात करें तो जैसे आप जिसको बता दूँ यहाँ पर जो कि ट्रैक हैं नाग अश्विन स्क्रीन प्ले में भी जो कि नाग अश्विन है जो कि लिखा हुआ है और यहाँ पर बात करें डायलाग्स की तो यहाँ पर साई माधव बुरा ने डलाग्स को लिखा हुआ है और यहाँ पर जो कि स्टोरी के भी राइटर भी नाग अश्विन हैं और यहाँ पर सिमोटोग्राफी की है दि दे स्टॉलेज कोविक ने और यहाँ पर बात करें फिल्म की एडिट की तो यहाँ पर कोटागिरी वेंकटेश्वर राव ने इस फिल्म को एडिट किया हुआ है और यहाँ पर म्यूज़िक दिया है संतोष नारायण ने और यहाँ पर प्रोडक्शन कंपनी वैजयंती मूवीज़ और फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है कंपनी ए फिल्म यहाँ सो ए फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है और फिल्म को ट्वेंटी सेवन जून टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर में फाइनली रिलीज़ करवाया जाएगा और ये फिल्म तेलुगु लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी लैंग्वेज की फिल्म है और इसको हिंदी में भी शूट किया गया है और यहाँ पर तेलुगु लैंग्वेज में भी शूट किया हुआ है तो इस फिल्म का बजट की बात करें तो यहाँ पर इस फिल्म का जो बजट वगैरह है बहुत ही बड़ा बजट है और फिल्म का बजट है छः सौ करोड़ जी हाँ सो छः सौ करोड़ इस फिल्म का बहुत ही बड़ा बजट है और फिल्म को ऑफिशली जो कि रिलीज़ भी करवाया जाएगा और यहाँ पर इस फिल्म के अभी जो कि न्यू वीडियो भी आउट किए गई है जिसमें हमें जो कि बुच्ची को अनाउंस किया गया है वो जो कि एक रोबोट है उसको अनाउंस किया गया है और यहाँ पर भैरवा का लुक भी जो कि हमें दिखाया गया उनकी एक न्यू वीडियो भी आउट की गई है जो कि यहाँ पर प्रभास रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर जो कि कमल हसन की भी वीडियो आने वाली है और यहाँ पर साथ ही दोस्तों हमें जो कि अमिताभ बच्चन का भी जो कि वीडियो आ चुका था तो वीडियो के साथ साथ बता दूँ इस फिल्म के बारे में तो फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है और फिल्म को पहले रिलीज़ करवाया जाने वाला था नौ मई दो में लेकिन इस फिल्म को पोस्टपोन किया गया अब यहाँ पर इस फिल्म को फाइनल रिलीज जो है इसकी डेट है ना वो कन्फर्म कर दिया इसको ट्वेंटी सेवन जून टू थाउजेंड ट्वेंटी में रिलीज़ करवाया जाएगा और यहाँ पर यह फ़िल्म बहुत ही कमाल की फ़िल्म होने वाली है कास्ट की बात करें तो यहाँ पर प्रभास भैरवा के रोल प्ले करते हुए दिखाई दिए हैं और यहाँ पर जो क्या अमिताभ बच्चन अस्वत का रोल प्ले कर करें और यहाँ पर कमल हसन काली का रोल प्ले करते हुए दिखाई दिए हैं और यहाँ पर दीपिका पैदा गोत पदमा का रोल प्ले करते हुए दिखाई देगी इस फिल्म यानी जो कि कल की मूवी में कल की मूवी में कास्ट जो स्पोर्टिंग रोल में आदर कास्ट जैसे डिशा पटानी है राजेंद्र प्रसाद हैं पशुपति है आना बेन है और यहाँ पर कीर्ति सुरेश भी हैं जो कि और भी काफ़ी सारी जो कि कास्ट वगैरह जो है फिल्म के अंदर देखने को मिल जाएगी तो ये फिल्म जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है फिल्म की डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टोपियन के साथ साथ, इस का साथ ड्रामा बहुत ही अच्छा लगेगा जो कि जो वी एफ एक्स के ऊपर काम किया गया इसके जो के के कि वो हॉलीवुड मूवीस है जो कि लगता है हॉलीवुड की जैसे हम मूवीज़ देख रहे हो जैसे अभी जो कि बुच्ची का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करवाया गया था साथ ही एक न्यू जो कि व्हीकल यानी गाड़ी को इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है तो यहां पर जो कि काफी कमाल की जो कि वाइब्स आ रही थी फिल्म भी काफी इंटरेस्टिंग रहने वाली है अगर आप दोस्त प्रभास के डाई हार्ट फैन हो उनके लिए इस इन यानी जो कि कल की मूवी के लिए आपके दोस्त कितना वेट करे हो कम बॉक्स में बताना है तो यहां पर इस का जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ फिल्म काफी इंटरेस्टिंग रहने वाली है जो कि लीड कास्ट के बारे में बता चुका हूँ तो फिल्म बहुत ही कमाल की फिल्म होने वाली है जो कि को जो डायरेक्ट करें नागश्म इससे पहले वो काफ़ी कमाल की महान्य जैसी ब्लॉक फिल्म भी बना चुके हैं तो काफ़ी कमाल के डायरेक्टर भी हैं अच्छे भी डायरेक्टर हैं और यहाँ पर इस फिल्म की बात करें तो यहाँ पर इस फिल्म की मार्केटिंग जो की जा रही है ना वभी तो जो कि बुच्ची का करेक्टर अनाउंस किया गया है साथ ही भैरवा का भी जो कि यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया जा चुका है साथ ही यहाँ पर अश्वथामा यानी अमिताभ बच्चन को भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया जा चुका है उसके बाद यहाँ पर काली का इंट्रोड्यूस होना बाकी है और यहाँ पर और भी काफी सारी जो कि जैसे यहाँ पर जो कि पदमा का इंट्रोड्यूस होना भी बाकी है जो कि यहाँ पर दिशा जो कि दीपिका पेड़ा को रोल रो प्ले करते हुए दिखाई देंगी तो ओवरऑल फिल्म काफी इंटरेस्टिंग रहने वाली है बहुत ही अमेजिंग फिल्म है और फिल्म के जब वी एफ एक्स है ना जो इस फिल्म की स्टोरी है और साथ ही फिल्म का प्रेजेंटेशन है ना वो बहुत ही माइंड ब्लोइंग होने वाला है जिस तरह से अभी तक इस फिल्म के ग्लिम्स वगैरह आउट किए गए हैं जिस तरह से अभी तक इस फ़िल्म के सी जी आई के ऊपर काम किया हुआ है तो हॉलीवुड की मूवीज जैसे हम देखते हैं ना वही वाइव्स आ रही हैं हॉलीवुड की तरह काफ़ी कमाल का यहाँ पर वी और यहाँ पर सी के ऊपर भी काम किया हुआ है ओवरऑल ये फिल्म बहुत ही कमाल की फिल्म होने वाली है और यहाँ पर इस फिल्म के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आप कितने एक्साइटेड हैं कन्मा में बताना है और यहाँ पर इस मूवी के बारे में बता दूँ तो इस फिल्म की जो स्टोरी रखी गई है ना वो 2000 जो कि अट्ठाईस अट्ठाईस सौ अट्ठावन में रखी गई है यानी फ्यूचर में हमें दिखाया जाएगी जो कि स्टोरी यहाँ पर जो कि पानी ख़त्म हो जाता है उसके बाद यहाँ पर कैसे वो यहाँ पर जो कि अपने अपने रोल प्लो यानी यहाँ पर वो कैसे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं ये सारा को दिखाया गया है और यहाँ पर कुछ जो कि फ्यूचर्स चीज़ें दिखाई जाएंगी रोबोट सारा कुछ यहाँ पर दिखाया जाने वाला है तो फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है अगर आप दोस्त प्रभास के डाई हार्ट फैन हो तो उनकी इस फिल्म यानी कलकी के लिए कितना एक्साइटेड साइड में बताना है तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है तो यहाँ पर फिल्म को बता दूँ रिलीज़ करवाया जाने वाला है ट्वेंटी जून दो में जी हाँ सो सत्ताईस जून दो में इस फिल्म को ऑफिशली थिएटर्स में रिलीज़ करवा दिया गया जाएगा जो कि पैन इंडिया फिल्म को हिंदी के साथ साथ बाकी लैंग्वेज में भी रिलीज़ करवाया जाएगा तो ये फिल्म जो कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज में भी देखने को मिल जाएगी तो इस को काफी जो कि बड़े स्केल पर बनाया गया है और यहां पर उनको काफी बड़े जो कि स्केल पर भी रिलीज करवाया जाएगा तो यहां पर इसमें के अंदर मेन जो नेगेटिव रोल प्ले करें वो कमल हसन और यहां पर स्पोर्टिंग रोल में हमें देखने को मिले हैं जैसे दुलकर सलमान है यहाँ पर और भी काफ़ी सारी कास्ट है जिससे अपरानिया राणा दुगपति है और भी काफ़ी सारी कास्ट इस इन के अंदर हमें देखने को मिल जाएगी तो इस इम का बजट भी बहुत ही बड़ा है जो कि फिल्म को 600 बजट के करोड़ के बजट में बनाया गया है और ये फिल्म हिंदी में इसम को डिस्ट्रीब्यूट करिए फिल्म और इसम को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिलने वाला है देखते हैं अगर इस फिल्म की स्टोरी में जो कि अच्छा जो कि प्रेजेंटेशन निकला तो इसम की जो कि वाइव्स अच्छी आई तो ये फिल्म बॉक्स डेफिनेटली दो करोड़ से भी ज़्यादा कलेक्शन करेगी और यहां पर प्रभास की फिल्म यानी बाहुबली का भी रिकॉर्ड ब्रेक कर सकती है और यहां पर इस फिल्म के लिए आप कितना बताने ना। तो के बारे में जी हाँ सो फिल्म की ऑफिशियल रिलीज डेट कंफर्म कर दी गई है और इस को जो कि रिलीज करवाया जाने वाला है साथ ही न्यू अपडेट्स भी आ चुकी हैं और ट्रेलर कब आने वाला है वो भी बताने वाला हूं तो अगर आप सुने अभी तक वीडियो को भी लाइक नहीं किया कर दें और साथ ही अगर आप दोस्तों प्रभास के डाई हार्ट फैन हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं हुआ कर दें और वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दें तो यहां पर दोस्तों बात कर रहा हूं कल की टू ए नाइन एडिट मूवी के बारे में जो कि एक साईफाई जो कि एक्शन फिशनल जो कि मूवी है और यहां पर ये सुपर जो कि सुपर सुपर यानी कि ये फिल्म इन फ्यूचर जो कि बनाई गई डिस्टोपियन फिल्म है और ये एक एक्शन थ्रिलर वाली फिल्म है और यहाँ पर बात करें कलकी मूवी की कल की टू नाइन ए डी मूवी इस अपकमिंग ट्वेंट ट्वेंटी ट्वेंटी फोर इंडियन एपिक एक्स फाई फिक्शनल एक्शन थ्रिलर फिल्म रिटर्न डायरेक्टेड बाय नाग अश्विन प्रोड्यूस बाय सी अश्विन जो कि अश्विनी दत्त एंड द बैनर विजयती मूवीज एंड तेलुगू फिल्म जो कि सम शूट्स इन रू शूट इन हिंदी इंस्पायर्ड बाय हिंदू स्क्रिप्ट पिक्चर्स तो यहाँ पर दोस्तों बात करें फ़िल्म यानी कल की टू एट नाइन एट मूवी के बारे में तो ये बहुत ही कमाल की एक्शन थ्रिलर वाली फ़िल्म है और यहाँ पर जो कि फ्यूचरिस्ट के ऊपर बनाई गई फिल्म है और यहाँ पर जो कि भैरवा को इंट्रोड्यूस करवाया जा चुका है यानी प्रभास जो है फिल्म के अंदर है ना वो काली का रोल प्ले नहीं कर चुके कर रहे यहाँ पर भैरवा का रोल प्ले करते हुए दिखाई दिए हैं और यहाँ पर जो कि हमें कमल हसन भी देखने को मिले हैं कमल हसन ने यहाँ पर काली का रोल प्ले करते हुए दिखाई दिए हैं तो यहाँ पर कुछ चीज़ों की बात करें तो जैसे आप जिसको बता दूँ यहाँ पर जो कि ट्रैक करें नाग अशविन स्क्रीन प्ले में भी जो कि नाग अशविन है जो कि लिखा हुआ है और यहाँ पर बात करें डायलाग्स की तो यहाँ पर साई माधव बुरा ने डायग्स को लिखा हुआ है और यहाँ पर जो कि स्टोरी के भी राइटर भी नाग अशविन है और यहाँ पर सीमोटोग्राफी की है द जोरदे स्टॉल जो कोविक ने और यहाँ पर बात करें फिल्म के एडिट की तो यहाँ पर कोटा गिरी वेंकटेश्वर राव ने फिल्म को एडिट किया हुआ है और यहाँ पर म्यूज़िक दिया है संतोष नारायण ने और यहाँ पर प्रोडक्शन कंपनी वैजयती मूवीज़ और फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है कंपनी ए फिल्म जहाँ सो ए फिल्म इनको डिस्ट्रीब्यूट कर रही है और फिल्म को ट्वेंटी सेवन जून टून 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 टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर में फाइनली रिलीज़ करवाया जाएगा और ये फिल्म तेलुगु लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी लैंग्वेज की फिल्म है और इसको हिंदी में भी शूट किया गया है और यहाँ पर तेलुगु लैंग्वेज में भी शूट किया हुआ है तो इस फिल्म का बजट की बात करें तो यहाँ पर इस फिल्म का जो बजट वगैरह है बहुत ही बड़ा बजट है और फिल्म का बजट है छः सौ करोड़ जी हाँ सो छः सौ करोड़ इस फिल्म का बहुत ही बड़ा बजट है और फिल्म को ऑफियली जो कि रिलीज़ भी करवाया जाएगा और यहाँ पर इस फिल्म के अभी जो कि न्यू वीडियो भी आउट किए गई है जिसमें हमें जो कि बुच्ची को अनाउंस किया गया है वो जो कि एक रोबोट है उसको अनाउंस किया गया है और यहाँ पर भैरवा का लुक जो कि हमें दिखाया गया उनकी एक न्यू वीडियो भी आउट की गई है जो कि यहाँ पर प्रभास रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर जो कि कमल हसन की भी वीडियो आने वाली है और यहाँ पर साथ ही दो हमें जो कि अमिताभ बच्चन का भी जो कि वीडियो आ चुका था तो वीडियो के साथ साथ बता दूँ इस फिल्म के बारे में तो फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है और फिल्म को पहले रिलीज़ करवाया जाने वाला था नौ मई दो में लेकिन इस फिल्म को पोस्टपोन किया गया अब यहाँ पर इस फिल्म को फाइनल रिलीज जो है इस फिल्म की डेट है ना वो कन्फर्म कर दिया ट्वेंटी सेवन जून टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर में रिलीज़ करवाया जाएगा और यहाँ पर यह फिल्म बहुत ही कमाल की फ़िल्म होने वाली है कास्ट की बात करें तो यहाँ पर प्रभास भैरवा रो पर के रोल प्ले रो करते हुए दिखाई दिए हैं और यहाँ पर जो क्या अमिताभ बच्चन अस्वत का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर कमल हसन काली का रोल प्ले करते हुए दिखाई दिए हैं और यहाँ पर दीपिका पैदा गौत पदमा का रोल प्ले करते हुए दिखाई देगी इस फिल्म यानी जो कि कल की मूवी में कल की मूवी में कास्ट जो स्पोर्टिंग रोल में आदर कास्ट जैसे डिशा पटानी है राजेंद्र प्रसाद हैं पशुपति है अनाबेन है और यहाँ पर कीर्ति सुरेश भी हैं जो कि और भी काफ़ी सारी जो कि कास्ट वगैरह जो है सीम के अंदर देखने को मिल जाएगी तो ये फिल्म जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है फिल्म की डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टोपियन के साथ साथ इस फिल्म का ड्रामा बहुत ही अच्छा लगेगा जो कि के के जो वी कि एक्स के ऊपर काम, काम किया गया वो हॉलीवुड मूवी से जो कि लगता है हॉलीवुड की जैसे हम मूवीस देख रहे हो जैसे अभी जो कि बुच्ची का करेक्टर इंट्रोड्यूस करवाया गया था साथ ही एक न्यू जो कि वहीकल यानी गाड़ी को इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है तो यहां पर जो कि काफी कमाल की जो कि वाइब्स आ रही थी फिल्म भी काफी इंटरेस्टिंग रहने वाली है अगर आप दोस्त प्रभास के डाई फैनो उनके लिए इस यानी जो कि कल की मूवी के लिए आपके दोस्त कितना वेट करे बॉक्स कर में बताना है तो यहां पर इस का जो कि मैं पहले भी बता चुका हूं फिल्म काफी इंटरेस्टिंग रहने वाली है जो कि लीड कास्ट के बारे में बता चुका हूँ तो फिल्म बहुत ही कमाल की फिल्म होने वाली है जो कि सिम को जो डायरेक्ट करें नागमन इससे पहले वो काफ़ी कमाल की महानती जैसी ब्लॉक फिल्म भी बना चुके हैं तो काफ़ी कमाल के डायरेक्टर भी हैं अच्छे भी डायरेक्टर हैं और यहाँ पर इस फिल्म की बात करें तो यहाँ पर इस फिल्म की मार्केटिंग जो की जा रही है ना वो अभी तो जो कि बुच्ची का करैक्टर अनाउंस किया गया है साथ ही भैरवा का भी जो कि यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया जा चुका है साथ ही यहाँ पर अश्वथामा यानी अमिताभ बच्चन को भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया जा चुका है उसके बाद यहाँ पर काली का इंट्रोड्यूस होना बाकी है और यहाँ पर और भी काफी सारी जो कि जैसे यहाँ पर जो कि पदमा का इंट्रोड्यूस होना भी बाकी है जो कि यहाँ पर दिशा जो कि दीपिका पेडा को रोल रो प्ले करते हुए दिखाई देंगी तो ओवरऑल फिल्म काफी इंटरेस्टिंग रहने वाली है बहुत ही अमेजिंग फिल्म है और फिल्म के जब वी एफ एक्स है ना जो फिल्म की स्टोरी है और साथ ही फिल्म का प्रेजेंटेशन है ना वो बहुत ही माइंड ब्लोइंग होने वाला है जिस तरह से अभी तक इस फ़िल्म के गिलिम्प्स वगैरह आउट किए गए हैं जिस तरह से अभी तक इस फ़िल्म के सी जी आई के ऊपर काम किया हुआ है तो हॉलीवुड की मूवीज जैसे हम देखते हैं ना वही वाइव्स आ रही हैं हॉलीवुड की तरह काफ़ी कमाल का यहाँ पर वी और यहाँ पर सी जी आई के ऊपर भी काम किया हुआ है ओवरऑल ये फिल्म बहुत ही कमाल की फिल्म होने वाली है और यहाँ पर इस फिल्म के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आप कितने एक्साइटेड हैं कन्मा में बताना है और यहाँ पर इस मूवी के बारे में बता दूँ तो इस फिल्म की जो स्टोरी रखी गई है ना वो 2000 जो कि अट्ठाईस अट्ठाईस अट्ठावन में रखी गई है यानी फ्यूचर में हमें दिखाया जाएगी जो कि स्टोरी यहाँ पर जो कि पानी ख़त्म हो जाता है उसके बाद यहाँ पर कैसे वो यहाँ पर जो कि अपने अपने रोल प्लो यानी यहाँ पर वो कैसे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं ये सारा को दिखाया गया है और यहाँ पर कुछ जो कि फ्यूचर्स चीज़ें दिखाई जाएंगी रोबोट सारा कुछ यहाँ पर दिखाया जाने वाला है तो फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है अगर आप दोस्त प्रभास के डाई हार्ट फैन हो तो उनकी इस फिल्म यानी कलकी के लिए कितना एक सैडेड कैनवास में बताना है तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है तो यहाँ पर फिल्म को बता दूँ रिलीज़ करवाया जाने वाला है ट्वेंटी जून दो में जी हाँ सो सत्ताईस जून दो में इस फिल्म को ऑफिशली थिएटर्स में रिलीज़ करवा दिया गया जाएगा जो कि पैन इंडिया फिल्म को हिंदी के साथ साथ बाकी लैंग्वेज में भी रिलीज़ करवाया जाएगा तो ये फ़िल्म जो कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज भी देखने को मिल जाएगी तो इस को काफी जो के बड़े स्केल पर बनाया गया है और यहां पर फिल्म को काफी बड़े जो के स्केल पर भी रिलीज करवाया जाएगा तो यहां पर फिल्म के अंदर मेन जो नेगेटिव रोल प्ले करें वो कमल हसन और यहां पर स्पोर्टिंग रोल में हमें देखने को मिले हैं जैसे दुलकर सलमान है यहाँ पर और भी काफ़ी सारी कास्ट है जी अपरानिया राणा द्रगपति है और भी काफ़ी सारी कास्ट इस फिल्म के अंदर हमें देखने को मिल जाएगी तो इस फिल्म का बजट भी बहुत ही बड़ा है जो कि फ़िल्म को 600 बजट के करोड़ के बजट में बनाया गया है और ये फिल्म हिंदी में इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करिए फिल्म और इस फिल्म को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिलने वाला है देखते हैं अगर इस फिल्म की स्टोरी में जो कि अच्छा जो कि प्रेजेंटेशन निकला तो इस फिल्म की जो कि वाइव्स अच्छी आई तो ये फ़िल्म बॉक्स डेफिनेटली दो करोड़ से भी ज़्यादा कलेक्शन करेगी और यहां पर प्रभास की फिल्म यानी बाहुबली का भी रिकॉर्ड ब्रेक कर सकती है और यहां पर इस फिल्म के लिए आप कितना एंड बताना बैक दी अनदर वीडियो वीडियो तो दोस्तों आज की इस में बात करने जा रहा हूं रिबेल स्टार प्रभास की मूवी कल की टू ए, एड़ के बारे में जी हाँ सो इस की ऑफिशियल रिलीज डेट कंफर्म कर दी गई है और फिल्म को जो कि रिलीज करवाया जाने वाला है साथ ही फिल्म की न्यू अपडेट्स भी आ चुकी हैं और फिल्म का ऑफिशियल ट्रेलर कब आने वाला है वो भी बताने वाला हूँ तो अगर आप सुने अभी तक वीडियो को भी लाइक नहीं कर दें और साथ ही अगर आप दोस्तों प्रभास के डाई हार्ट फैन हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं हुआ कर दें और वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दें तो यहां पर दोस्तों बात कर रहा हूं कल की टू एडिट मूवी के बारे में चूंकि एक साईफाई जो कि एक्शन फिशनल जो कि मूवी है और यहां पर ये सुपर जो कि सुपर सुपर यानी कि ये फिल्म इन फ्यूचर जो कि बनाई गई डिस्टोपियन फिल्म है और ये एक एक्शन थ्रिलर वाली फिल्म है और यहाँ पर बात करें कल की मूवी की कल की टू ए नाइन ए डी मूवीज़ अपकमिंग ट्वें ट्वेंटी ट्वेंटी फोर इंडियन एपिक एक्स साई फाई फिक्शनल एक्शन थ्रिलर फिल्म रिटर्न डायरेक्टेड बाय नाग अश्विन प्रोड्यूस बाय सी अश्विन जो कि अश्विनी दत्त एंड द बैनर विजयती मूवीज एंड तेलुगु फिल्म जो कि सम शूट्स इन रिव शूट इन हिंदी इंस्पायर्ड बाय हिंदू स्क्रिप्ट पिक्चर्स तो यहाँ पर दोस्तों बात करें फिल्म यानी कल की टू एट नाइन एट एड मूवी के बारे में तो ये एक बहुत ही कमाल की एक्शन थ्रिलर वाली फ़िल्म है और यहाँ पर जो कि फ्यूचरिस्ट के ऊपर बनाई गई फिल्म है और यहाँ पर जो कि भैरवा को इंट्रोड्यूस करवाया जा चुका है यानी प्रभात जो इस फिल्म के अंदर है ना वो काली का रोल प्ले नहीं कर चुके कर रहे यहाँ पर भैरवा का रोल प्ले करते हुए दिखाई दिए हैं और यहाँ पर जो कि हमें कमल हसन भी देखने को मिले हैं कमल हसन ने यहाँ पर काली का रोल प्ले करते हुए दिखाई दिए हैं तो यहाँ पर कुछ चीज़ों की बात करें तो जैसे आप आपको बता दूँ यहाँ पर जो कि ट्रैक करें नाग अशविन स्क्रीन प्ले में भी जो कि नाग अशविन ने जो कि लिखा हुआ है और यहाँ पर बात करें डायलाग्स की तो यहाँ पर सई माधवरापुरा ने डलाग्स को लिखा हुआ है और यहाँ पर जो कि स्टोरी के भी राइटर भी नाग अशविन है और यहाँ पर सिनेमोटोग्राफी की है दे स्टॉलेज कोविक ने और यहाँ पर बात करें फिल्म की एडिट की तो यहाँ पर कोटागिरी वेंकटेश्वर राव ने फिल्म को एडिट किया हुआ है और यहाँ पर म्यूज़िक दिया है संतोष नारायण ने और यहाँ पर प्रोडक्शन कंपनी वैजयंती मूवीज़ और फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है कंपनी ए ए फिल्म जी हाँ सो ए फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है और फिल्म को ट्वेंटी सेवन जून टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर में फाइनली रिलीज़ करवाया जाएगा और ये फिल्म तेलुगु लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी लैंग्वेज की फिल्म है और फिल्म हिंदी में भी शूट किया गया है और यहाँ पर तेलुगु लैंग्वेज में भी शूट किया हुआ है तो इस फिल्म का बजट की बात करें तो यहाँ पर इस फिल्म का जो बजट वगैरह है बहुत ही बड़ा बजट है और फिल्म का बजट है छः सौ करोड़ जी हाँ सो छः सौ करोड़ इस फिल्म का बहुत ही बड़ा बजट है और फिल्म को ऑफियली जो कि रिलीज़ भी करवाया जाएगा और यहाँ पर इस फिल्म के अभी जो कि न्यू वीडियो भी आउट किए गए हैं जिसमें हमें जो कि बुच्ची को अनाउंस किया गया है वो जो कि एक रोबोट है उसको अनाउंस किया गया है और यहाँ पर भैरवा का लुक जो कि हमें दिखाया गया उनकी एक न्यू वीडियो भी आउट की गई है जो कि यहाँ पर प्रभास रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर जो कि कमल हसन की भी वीडियो आने वाली है और यहाँ पर साथ ही दोस्तों हमें जो कि अमिताभ बच्चन का भी जो कि वीडियो आ चुका था तो वीडियो के साथ साथ बता दूँ इस फिल्म के बारे में तो फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है और फिल्म को पहले रिलीज़ करवाया जाने वाला था नौ मई दो में लेकिन इस फिल्म को पोस्टपोन किया गया अब यहाँ पर इस फिल्म को फाइनल रिलीज़ जो है फिल्म की डेट है ना वो कन्फर्म कर इस फिल्म को ट्वेंटी सेवन जून टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर में रिलीज़ करवाया जाएगा और यहाँ पर यह फिल्म बहुत ही कमाल की फ़िल्म होने वाली है कास्ट की बात करें तो यहाँ पर प्रभास भैरवा के रोल प्ले करते हुए दिखाई दिए हैं और यहाँ पर जो क्या अमिताभ बच्चन अश्वत्थामा का रोल प्ले करें और यहाँ पर कमल हसन काली का रोल प्ले करते हुए दिखाई दिए हैं और यहाँ पर दीपिका पैदा गोद पदमा का रोल प्ले करते हुए दिखाई देगी इस फिल्म यानी जो कि कल की मूवी में कल की मूवी में कास्ट जो स्पोर्टिंग रोल में आदर कास्ट जैसे डिशा पटानी है राजेंद्र प्रसाद हैं पशुपति है अनाबेन है और यहाँ पर कीर्ति सुरेश भी हैं जो कि और भी काफ़ी सारी जो कि कास्ट वगैरह जो इस फिल्म के अंदर देखने को मिल जाएगी तो ये फिल्म जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है फिल्म की डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टोपियन के साथ साथ इस फिल्म का ड्रामा बहुत ही अच्छा लगेगा जो कि जो वी के ऊपर काम किया गया इसके जोफी के ऊपर काम किया गया वो हॉलीवुड मूवी से जो के लगता है हॉलीवुड की जैसे हम मूवीस देख रहे हो जैसे अभी जो कि बुच्ची का करेक्टर इंट्रोड्यूस करवाया गया था साथ ही एक न्यू जो कि वहीकल यानी गाड़ी को इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है तो यहां पर जो कि काफी कमाल की जो कि वाइब्स आ रही थी फिल्म भी काफी इंटरेस्टिंग रहने वाली है अगर आप दोस्त प्रभास के डाई फैन यानी जो कि कल की मूवी के लिए आपके दोस्त कितना वेट करे कमेंट कर बॉक्स में बताना है तो यहां पर इस फिल्म का जो कि मैं पहले भी बता चुका हूं फिल्म काफी इंटरेस्टिंग रहने वाली है जो कि लीड कास्ट के बारे में बता चुका हूं तो फिल्म बहुत ही कमाल की फिल्म होने वाली है जो कि फिल्म को जो डायरेक्ट करें नागश्मन इससे पहले वो काफ़ी कमाल की महान्य जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म भी बना चुके हैं तो काफ़ी कमाल के डायरेक्टर भी हैं अच्छे भी डायरेक्टर हैं और यहाँ पर इस फिल्म की बात करें तो यहाँ पर इस फिल्म की मार्केटिंग जो की जा रही है ना वो अभी जो कि बुच्ची का करेक्टर अनाउंस किया गया है साथ ही भैरवा को भी जो कि यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया जा चुका है साथ ही यहाँ पर अश्वथामा यानी अमिताभ बच्चन को भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया जा चुका है उसके बाद यहाँ पर काली का इंट्रोड्यूस होना बाकी है और यहाँ पर और भी काफी सारी जो कि जैसे यहाँ पर जो कि पदमा का इंट्रोड्यूस होना भी बाकी है जो कि यहाँ पर दिशा जो कि दीपिका पेड़ा को रो रोल प्ले करते हुए दिखाई देंगी तो ओवरऑल फिल्म काफी इंटरेस्टिंग रहने वाली है बहुत ही अमेजिंग फिल्म है और फिल्म के जब वी है ना जो इस फिल्म की स्टोरी है और साथ ही फिल्म का प्रजेंटेशन है ना वो बहुत ही माइंड ब्लोइंग होने वाला है जिस तरह से अभी तक इस फ़िल्म के ग्लिम्स वगैरह आउट किए गए हैं जिस तरह से अभी तक इस फ़िल्म के सी जी आई के ऊपर काम किया हुआ है तो हॉलीवुड की मूवीज जैसे हम देखते हैं ना वही वाइव्स आ रही हैं हॉलीवुड की तरह काफ़ी कमाल का यहाँ पर वी और यहाँ पर सी जी आई के ऊपर भी काम किया हुआ है ओवरऑल ये फिल्म बहुत ही कमाल की फिल्म होने वाली है और यहाँ पर इस फिल्म के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आप कितने एक्साइटेड हैं कन्मा में बताना है और यहाँ पर इस मूवी के बारे में बता दूँ तो इस फिल्म की जो स्टोरी रखी गई है ना वो दो जो कि अट्ठाईस अट्ठाईस सौ अट्ठावन में रखी गई है यानी फ्यूचर में हमें दिखाया जाएगी जो कि स्टोरी यहाँ पर जो कि पानी ख़त्म हो जाता है उसके बाद यहाँ पर कैसे वो यहाँ पर जो कि अपने अपने रोल प्लो यानी यहाँ पर वो कैसे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं ये सारा को दिखाया गया है और यहाँ पर कुछ जो कि फ्यूचर्स चीज़ें दिखाई जाएंगी रोबोट सारा कुछ यहाँ पर दिखाया जाने वाला है तो फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है अगर आप दोस्त प्रभास के डाई हार्ट फैन हो तो उनकी इस फिल्म यानी कल्की के लिए कितना एक साइड और कैनवास में बताना है तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है तो यहाँ पर फिल्म को बता दूँ रिलीज़ करवाया जाने वाला है ट्वेंटी जून दो में जी हाँ सो सत्ताईस जून दो में इस फिल्म को उनको ऑफिशियली थिएटर्स में रिलीज़ करवा दिया गया जाएगा जो कि पैन इंडिया फिल्म को हिंदी के साथ साथ बाकी लैंग्वेज में भी रिलीज़ करवाया जाएगा तो ये फिल्म जो कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज भी देखने को मिल जाएगी तो इस फिल्म को काफी जो बड़े स्केल पर बनाया गया है और यहां पर इस को काफी बड़े जो कि स्केल पर भी रिलीज करवाया जाएगा तो यहां पर फिल्म के अंदर मेन जो नेगेटिव रोल प्ले करें हैं वो कमल हसन और यहाँ पर स्पोर्टिंग रोल में हमें देखने को मिले हैं जैसे दुलकर सलमान है यहाँ पर और भी काफ़ी सारी कास्ट है जिस अपरानिया राणा दुगपति है और भी काफ़ी सारी कास्ट इस फिल्म के अंदर हमें देखने को मिल जाएगी तो इस इन का बजट भी बहुत ही बड़ा है जो कि को 600 बजट के करोड़ के बजट में बनाया गया है और ये फिल्म हिंदी में इस इन को डिस्ट्रीब्यूट करिए फिल्म और इसको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिलने वाला है देखते हैं अगर इस फिल्म की स्टोरी में जो कि अच्छा जो कि प्रेजेंटेशन निकला तो इस फिल्म की जो कि वाइव्स अच्छी आई तो ये फ़िल्म बॉक्स डेफ़िनेटली दो करोड़ से भी ज़्यादा कलेक्शन करेगी और यहां पर प्रभास की फिल्म यानी बाहुबली का भी रिकॉर्ड ब्रेक कर सकती है और यहां पर इस फिल्म के लिए आप कितना एंड बताना बैक दी वीडियो तो दोस्तों आज की इस में बात करने जा रहा हूँ रिपेल स्टार प्रभास की मूवी कल की टू ए, एड़ एड़ के बारे में जी हाँ सो इस की ऑफिशियली रिलीज डेट कंफर्म कर दी गई है और फिल्म को जो कि रिलीज करवाया जाने वाला है साथ ही की न्यू अपडेट्स भी आ चुकी हैं और फिल्म का ऑफिशियल ट्रेलर कब आने वाला है वो भी बताने वाला हूं तो अगर आप सुने अभी तक वीडियो को भी लाइक नहीं कर दें और साथ ही प्रभास के डाई हार्ट फैन हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं हुआ कर दें और वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दें तो यहां पर दोस्तों बात कर रहा हूं कल की टू एडिट मूवी के बारे में जो कि एक साईफाई जो कि एक्शन फिशनल मूवी है और यहां पर यह सुपर जो सुपर यानी कि ये फिल्म इन फ्यूचर जो कि बनाई गई डिस्टोपियन फिल्म है और ये एक एक्शन थ्रिलर वाली फिल्म है और यहाँ पर बात करें कल की मूवी की कलकी टू ए नाइन ए डी मूवी इज़ अपकमिंग ट्वेंट ट्वेंटी ट्वेंटी फोर इंडियन एपिक एक्स साई फाई फिक्शनल एक्शन थ्रिलर फिल्म रिटर्न डायरेक्टेड बाय नाग अश्विन प्रोड्यूस बाय सी अश्विन जो कि अश्विनी दत्त एंडर द बैनर विजंती मूवीज एंड तेलुगु फिल्म जो कि सम शूट्स इन रू शूट इन हिंदी इंस्पायर्ड बाय हिंदू स्क्रिप्ट पिक्चर्स तो यहाँ पर दोस्तों बात करें फिल्म यानी कल की टू एट नाइन एट मूवी के बारे में तो ये बहुत ही कमाल की एक्शन थ्रिलर वाली फ़िल्म है और यहाँ पर जो कि फ्यूचरिस्ट के ऊपर बनाई गई फिल्म है और यहाँ पर जो कि भैरवा को इंट्रोड्यूस करवाया जा चुका है यानी प्रभात जो है फिल्म के अंदर है ना वो काली का रोल प्ले नहीं कर चुके कर रहे यहाँ पर भैरवा का रोल प्ले करते हुए दिखाई दिए हैं और यहाँ पर जो कि हमें कमल हसन भी देखने को मिले हैं कमल हसन ने यहाँ पर काली का रोल प्ले करते हुए दिखाई दिए हैं तो यहाँ पर कुछ चीज़ों की बात करें तो जैसे आप जिसको बता दूँ यहाँ पर जो कि ट्रैक हैं नाग अश्विन स्क्रीन प्ले में भी जो कि नाग अश्विन ने जो कि लिखा हुआ है और यहाँ पर बात करें डायलाग्स की तो यहाँ पर साई माधव बुरा ने डलाग्स को लिखा हुआ है और यहाँ पर जो कि स्टोरी के भी राइटर भी नाग अश्विन हैं और यहाँ पर सिमोटोग्राफी की है दि जोरदे स्टॉलेज जो कोविक ने और यहाँ पर बात करें फिल्म की एडिट की तो यहाँ पर कोटागिरी वेंकटेश्वर नाव ने फिल्म को एडिट किया हुआ है और यहाँ पर म्यूज़िक दिया है संतोष नारायण ने और यहाँ पर प्रोडक्शन कंपनी वैजयंती मूवीज़ और फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है कंपनी ए फिल्म जहाँ सो ए फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है और फिल्म को ट्वेंटी सेवन जून टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर में फाइनली रिलीज़ करवाया जाएगा और ये फिल्म तेलुगु लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी लैंग्वेज की फिल्म है और इनको हिंदी में भी शूट किया गया है और यहाँ पर तेलुगु लैंग्वेज में भी शूट किया हुआ है तो इस फिल्म का बजट की बात करें तो यहाँ पर इस फिल्म का जो बजट वगैरह है बहुत ही बड़ा बजट है और फिल्म का बजट है छः सौ करोड़ जी हाँ सो छः सौ करोड़ इस फिल्म का बहुत ही बड़ा बजट है और फिल्म को ऑफियली जो कि रिलीज़ भी करवाया जाएगा और यहाँ पर इस फिल्म के अभी जो कि न्यू वीडियो भी आउट किए गए हैं जिसमें हमें जो कि बुच्ची को अनाउंस किया गया है वो जो कि एक रोबोट है उसको अनाउंस किया गया है और यहाँ पर भैरवा का लुक भी जो कि हमें दिखाया गया उनकी एक न्यू वीडियो भी आउट की गई है जो कि यहाँ पर प्रभास रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर जो कि कमल हसन की भी वीडियो आने वाली है और यहाँ पर साथ ही दोस्तों हमें जो कि अमिताभ बच्चन का भी जो कि वीडियो आ चुका था तो वीडियो के साथ साथ बता दूँ इस फिल्म के बारे में तो फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है और फिल्म को पहले रिलीज़ करवाया जाने वाला था नौ मई दो में लेकिन इस फिल्म को पोस्टपोन किया गया अब यहाँ पर इस फिल्म को फाइनल रिलीज जो है इसकी डेट है ना वो कन्फर्म कर दिया इसको ट्वेंटी सेवन जून टू थाउजेंड ट्वेंटी में रिलीज़ करवाया जाएगा और यहाँ पर यह फ़िल्म बहुत ही कमाल की फ़िल्म होने वाली है कास्ट की बात करें तो यहाँ पर प्रभास भैरवा के रोल प्ले करते हुए दिखाई दिए हैं और यहाँ पर जो क्या अमिताभ बच्चन अश्वथ का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर कमल हसन काली का रोल प्ले करते हुए दिखाई दिए हैं और यहाँ पर दीपिका पैदा गौत पदमा का रोल प्ले करते हुए दिखाई देगी इस फिल्म यानी जो कि कल की मूवी में कल की मूवी में कास्ट जो स्पोर्टिंग रोल में आदर कास्ट जैसे डिशा पटानी है राजेंद्र प्रसाद हैं पशुपति है, है बेन है और यहाँ पर कीर्ति सुरेश भी हैं जो कि और भी काफ़ी सारी जो कि कास्ट वगैरह जो है फिल्म के अंदर देखने को मिल जाएगी तो ये फिल्म जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है फिल्म की डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टोपियन के साथ साथ साइफाई ड्रामा बहुत ही अच्छा लगेगा जो कि जो वी एफ एक्स के ऊपर काम, काम किया गया वो हॉलीवुड मूवीज मूवीस जो के लगता है हॉलीवुड की जैसे हम मूवीज़ देख रहे हैं जैसे अभी जो कि बुच्ची का करेक्टर इंट्रोड्यूस करवाया गया था साथ ही एक न्यू जो कि व्हीकल यानी गाड़ी को इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है तो यहां पर जो कि काफी कमाल की जो कि वाइब्स आ रही थी फिल्म भी काफी इंटरेस्टिंग रहने वाली है अगर आप दोस्त प्रभास के डाई फैन हो उनके लिए इस यानी जो कल की मूवी के लिए आपके दोस्त कितना वेट करे हो बॉक्स कर में बताना है तो यहां पर इस सिम का जो कि मैं पहले भी बता चुका हूं फिल्म काफी इंटरेस्टिंग रहने वाली है जो कि लीड कास्ट के बारे में बता चुका हूँ तो फिल्म बहुत ही कमाल की फिल्म होने वाली है जो कि सिम को जो डायरेक्ट करें नागेश्वन इससे पहले वो काफ़ी कमाल की महान्यति जैसी ब्लॉक फिल्म भी बना चुके हैं तो काफ़ी कमाल के डायरेक्टर भी हैं अच्छे भी डायरेक्टर हैं और यहाँ पर इस फिल्म की बात करें तो यहाँ पर इस फिल्म की मार्केटिंग जो की जा रही है ना वभी तो जो कि बुच्ची का करेक्टर अनाउंस किया गया है साथ ही भैरवा को भी जो कि यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया जा चुका है साथ ही यहाँ पर अश्वथामा यानी अमिताभ बच्चन को भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया जा चुका है उसके बाद यहाँ पर काली का इंट्रोड्यूस होना बाकी है और यहाँ पर और भी काफी सारी जो कि जैसे यहाँ पर जो कि पदमा का इंट्रोड्यूस होना भी बाकी है जो कि यहाँ दिशा जो कि दीपिका पेड़ा को रो रोल प्ले करते हुए दिखाई देंगी तो ओवरऑल फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है बहुत ही अमेजिंग फिल्म है और फिल्म के जब वी एफ एक्स है ना जो फिल्म की स्टोरी है और साथ ही फिल्म का प्रेजेंटेशन है ना वो बहुत ही माइंड ब्लोइंग होने वाला है जिस तरह से अभी तक इस फिल्म के ग्लिम्स वगैरह आउट किए गए हैं जिस तरह से अभी तक इस फ़िल्म के सी जी आई के ऊपर काम किया हुआ है तो हॉलीवुड की मूवीज जैसे हम देखते हैं ना वही वाइव्स आ रही हैं हॉलीवुड की तरह काफ़ी कमाल का यहाँ पर वी और यहाँ पर सी के ऊपर भी काम किया हुआ है ओवरऑल ये फिल्म बहुत ही कमाल की फिल्म होने वाली है और यहाँ पर इस फिल्म के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आप कितने एक्साइटेड हैं कन्मा में बताना है और यहाँ पर इस मूवी के बारे में बता दूँ तो इस फिल्म की जो स्टोरी रखी गई है ना वो दो जो कि अट्ठाईस अट्ठाईस सौ अट्ठावन में रखी गई है यानी फ्यूचर में हमें दिखाया जाएगी जो कि स्टोरी यहाँ पर जो कि पानी ख़त्म हो जाता है उसके बाद यहाँ पर कैसे वो यहाँ पर जो कि अपने अपने रोल प्लो यानी यहाँ पर वो कैसे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं ये सारा को दिखाया गया है और यहाँ पर कुछ जो कि फ्यूचर्स चीज़ें दिखाई जाएंगी रोबोट सारा कुछ यहाँ पर दिखाया जाने वाला है तो फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है अगर आप दोस्त प्रभास के डाई हार्ट फैन हो तो उनकी इस फिल्म यानी कल्की के लिए कितना एक्साइटेड साइड और कैनवास में बताना है तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है तो यहाँ पर फिल्म को बता दूँ रिलीज़ करवाया जाने वाला है ट्वेंटी जून दो में जी हाँ सो सत्ताईस जून दो में इस में इसको ऑफिशली थिएटर्स में रिलीज़ करवा दिया गया जाएगा जो कि पैन इंडिया को हिंदी के साथ साथ बाकी लैंग्वेज में भी रिलीज़ करवाया जाएगा तो ये फिल्म जो कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज भी देखने को मिल जाएगी तो इसको काफी जो कि बड़े स्केल पर बनाया गया है और यहां पर इस उनको काफी बड़े जो कि स्केल पर भी रिलीज करवाया जाएगा तो यहां पर इस के अंदर मेन जो नेगेटिव रोल प्ले करें वो कमल हसन और यहां पर स्पोर्टिंग रोल में हमें देखने को मिले हैं जैसे दुलकर सलमान है यहाँ पर और भी काफ़ी सारी कास्ट है जिससे अपरानिया राणा दुगपति है और भी काफ़ी सारी कास्ट इस इन के अंदर हमें देखने को मिल जाएगी तो इस इम का बजट भी बहुत ही बड़ा है जो कि फिल्म को 600 बजट के करोड़ के बजट में बनाया गया है और ये फिल्म हिंदी में इसम को डिस्ट्रीब्यूट करिए फिल्म और इसम को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिलने वाला है देखते हैं अगर इस फिल्म की स्टोरी में जो कि अच्छा जो कि प्रेजेंटेशन निकला तो इसम की जो कि वाइव्स अच्छी आई तो ये फिल्म बॉक्स डेफिनेटली दो करोड़ से भी ज़्यादा कलेक्शन करेगी और यहां पर प्रभास की फिल्म यानी बाहुबली का भी रिकॉर्ड ब्रेक कर सकती है और यहां पर इस फिल्म के लिए आप कितना एक्साइड एंड कमर्स बताने